मे ट्वेंटी वन एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर ठीक है यहां पे सिचुएशन ऐसी है क्वेश्चन के अंदर देखो सिचुएशन ऐसी है कि कंपनी ने बहुत अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था इन्वेंट्री को लेकर फ्रॉड प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑडिटर ने उसको चेक किया उस पर भरोसा किया लेकिन बाद में जाके वहीं पे फ्रॉड मिला तो ऑडिटर बोलते हैं मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं इनर लिमिटेशन है ये एक मुद्दा है उसके बाद में उन्होंने ये भी बोला कि इनरेंट लिमिटेशन से कहां असर पड़ेगा तो देखो दो मुद्दे हैं अगर आपने क्वेश्चन बराबर नहीं पढ़ा तो ये दोनों मुद्दे आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे दो मुद्दे पहला मुद्दा है कि वो बोलता है कि यार मैं चीजों को पकड़ नहीं पाया बिकॉज ऑफ इनरेंट लिमिटेशन तो ऐसा ऐसे एस का रेफरेंस देंगे और बोलेंगे कि हाँ ऑडिट करते हो इन्हर लिमिटेशन होते हैं ये तीन रीजन होते हैं जिसकी वजह से इन लिमिटेशन होते हैं ठीक है और इंधरेंट लिमिटेशन हो सकते हैं होते हैं और मैं तो बोलूंगा कि पहले पार्ट टू बताए पहले कि हाँ कुछ एरियाज में तो चीजें पकड़ना बहुत मुश्किल है फ्रॉड पकड़ना बहुत मुश्किल है रिटेड पार्टी का कंप्लीटनेस एक्जिस्टेंस पकड़ना मुश्किल है नॉन कंपलेक्स पकड़ना मुश्किल है गोइंग कंसर्न पकड़ना बहुत मुश्किल है बिल्कुल आप सही बोल रहे हो ठीक है लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली कोई फ्रॉड एरर कुछ प्रॉब्लम मिलता है तो इनरेंट लिमिटेशन के वजह से ऐसा हुआ है और ऑडिटर कभी जिम्मेदार नहीं होगा ऐसा नहीं है सबसेक्वेंट डिस्कवरी होती है तो ऐसे केस में ठीक है ऐसे केस में हमको देखना पड़ेगा कि क्या ऑडिट प्रोसेस को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया था एस पर सैंडल प्लानिंग परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन अच्छा एविडेंस सोच समझ के जजमेंट अच्छा ओपिनियन बनाया गया था क्या बनाया गया था फिर भी गलती नहीं मिली तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल लेकिन केयरलेसली काम किया था देन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल ठीक है केयरलेस काम करना पुअर क्वालिटी काम करना और फिर बाद में जाकर बोल देना कि इनहरेंट लिमिटेशन की वजह से पकड़ नहीं पाया या इनरेंट लिमिटेशन के कॉन्सेप्ट को मिस नहीं कर सकते आप तो पहले ऐसे टू समझाइए ठीक है इन लिमिटेशन समझाइए और इनरेंट लिमिटेशन उनके हिसाब से अगर उन्होंने जो समझाया पहले ऐसे टू हंड्रेड इन लिमिटेशन समझाइए समझाने के बाद आप ये बताइए कि भाई अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है कि बाद में चीजें गलत पता चली तो हमको देखना पड़ेगा कि ऑडिट केयरफुल किया था क्या कि अच्छे से किया था तो नो no प्रॉब्लम अच्छे से नहीं किया था देन इज इसका मतलब लिमिटेशन को आप मिस नहीं कर सकते इट कैनॉट एक्ट एज जस्टिफिकेशन फॉर पुअर क्वालिटी वर्क वर्क पुअर क्वालिटी फॉर लेस एविडेंस और फिर कौन से कौन से एरिया में फर्क पड़ेगा तो चार एरिया में फर्क पड़ता है ऐसे 200 हम लोग नहीं बोलते एग्जाम में क्वेश्चन कम आता है फाइनल में पूछ डाला जो एक्सपेक्ट नहीं करते पूछ डाला एमसीक्यू टू हंड्रेड पॉइंट वन ठीक है यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि ऑडिटर ऑडिटर ने अकाउंट टीम को प्रॉब्लम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज करने में उसने प्रॉब्लम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे प्रॉब्लम सोल्व करके उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसल्टेंसी देकर बनवाया एट द सेम टाइम इज डूइंग ऑडिट ठीक है तो क्या सही है क्या यह सही नहीं है इसको इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं बोलते उनका काम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मेरा काम था चेक करना मैं ही चीजों को बनाऊं मैं ही चेक करूं ठीक है तो इसमें इंडिपेंडेंस नहीं है देयर इज नो इंडिपेंडेंस देयर इज नो ऑब्जेक्टिविटी तो ऑडिटर ने गलत किया ऐसा उसका आंसर है रीजनेबल अशरेंस कौन सा आश्वासन देते हम लोग रीजनेबल अशरेंस देते हैं सेफगार्ड्स ऑडिटर्स एबिलिटी टू फॉर्म ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस ना झुकेंगे ना बिकेंगे बिना झुके बिना बिके बिना प्रेशर के जब हमारा ओपिनियन बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी लीगली पर्सनली प्रोफेशनली डिपेंडेंट नहीं होना इंडिपेंडेंस बिना प्रेशर के अपने जजमेंट बनाना बिना दबाव के बनाना दैट इज ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब क्या जब भी जानकारी मिले अलर्ट रहिए क्वेश्चन करिए क्रिटिकली असेस करिए आगे बढ़िए क्वेश्चनिंग माइंड डी आंसर है प्रोफेशनल जजमेंट देखिए हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत सारे पंद्रह सो सत्रह सो पेज के स्टैंडर्ड्स है उसमें जो चीजें मॉड्यूल में कवर्ड है पास्ट में पूछी गई है उन सबको लेकर आया जाता है इनफैक्ट इंटर के इंटर का जो मटेरियल होता है चीजें होती है वो अलग होती है फाइनल की अलग होती है क्योंकि दोनों के मॉड्यूल्स अलग अलग है दोनों के मॉड्यूल्स अलग अलग है दोनों के क्वेश्चंस अलग अलग है

अर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट इनर एंट लिमिटेशन देखिए यहां पर क्वेश्चन है कि एंगेजमेंट लेटर इज मैंडेटरी यहां पर क्वेश्चन यह है कि एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ है और साइन होने के बाद में साइन होने के बाद अच्छा पूरा क्वेश्चन अलग ही ड्राफ्ट मारा है ज्वाइंट ऑडिटर्स है ज्वाइंट ऑडिटर्स ज्वाइंट एंगेजमेंट लेटर ज्वाइंट ऑडिटर ज्वाइंट एंगेजमेंट लेटर एक ऑर्डर ने ऑब्जेक्शन उठाया कि एंगेजमेंट लेटर में कुछ चेंजेस होने चाहिए इतनी इतनी चीजें हैं कुछ चेंजेस होने चाहिए क्या चेंजेस होने चाहिए बताया नहीं है। फिर बता रहे एंगेजमेंट लेटर के अंदर ये चार चीजें हैं आप बताओ उसने क्या चेंज बोला होगा भाई साहब मतलब सिचुएशन ज्वाइंट ऑर्डर की क्रिएट की उसके बाद बोला कि कुछ मिसिंग है इसने बोला कि वो चेंज करो क्या बोला बोला नहीं है तुमको अंदाजा लगाना है कि उसने क्या बोला होगा तो उन्होंने बताया एंगेजमेंट में चार चीजें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात मिसिंग है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात मिसिंग है यह समझ में आना चाहिए था और यह मतलब पूरा पहले ऐसे का रेफरेंस दो ऐसे क्या बोलता है फिर बताओ कि केस के अंदर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसिंग है ठीक है और फिर उसकी कहानी बताओ दूसरे इसमें दूसरे इसमें सिंपली पूछा है कि भाई एंगेजमेंट लेटर में कौन सी कौन सी चीजें आनी चाहिए आप हमको एक बार बता दो हम पढ़कर आए पांच चीजें आनी चाहिए ऑब्जेक्टिव को मैनेजमेंट की जिम्मेदारी वो कौन सा एफआरएफ फॉलो कर रहे हैं ऑडिटर की जिम्मेदारी एक्सपेक्टेड ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट पांच चीजें है पांच साल से एंगेजमेंट लेटर रिवाइज नहीं हुआ उसके बारे में बोलो 2010 में रिवीजन बदला नहीं उसके बारे में बोलो ये हो गया। में नहीं लेना पड़ता बता दो नहीं, को देखना पड़ता है factors, से factors, हमारे से factors, factors होंगे, तो बदलना पड़ता है यहाँ पे उन्हें कंक्लूजन नहीं दिया हुआ है आपने कंक्लूजन भी देना चाहिए ठीक है जब इतनी चीजें बदली है तो चीजें रिवाइज हो जानी चाहिए उन्होंने क्योंकि आखिर में से वित्ता पूछा सरकम बता के छोड़ दो अपन ने खुद होकर कंक्लूजन भी लिख सकते अपन कि भाई रिवाइज हो जाना चाहिए था अपन इंस्टीट्यूट के आंसर नहीं बदलते जैसा आंसर था वैसा रखते बाकी फिर नोटपोर्ट में अपन अलग से देते प्री कंडीशन ठीक है ये इंटरनल ऑडिटर ये बंदा इंटरनल ऑडिटर ठीक है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हमको देने के लिए तैयार नहीं और रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है तो हम पढ़कर आए अगर रिस्ट्रिक्शंस बहुत देखो भाई पहले तो अग्रीमेंट में कुछ बातें प्रॉमिस करनी पड़ती है छोटे मोटे लिमिटेशन आप डालो चलता है अग्रीमेंट में आप लिख कर दो और अग्रीमेंट के अंदर छोटे मोटे रिस्ट्रिक्शन आप डालो चलता है बहुत बड़े डालोगे तो नहीं चलेगा तू इंटर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है और भी कुछ लिमिटेशन डालने वाला है तो उसके बारे में बताया है नहीं है माफ कर बेटा ठीक है तो एक्सेप्टेंस के पहले इतने रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है मुझे लग रहा है मुझे जाकर डिस्क्लेमर देना पड़ेगा डोंट एक्सेप्ट असाइनमेंट डोंट एक्सेप्ट असाइनमेंट देखिए एमसीक्यू टू वन जीरो पॉइंट वन जैसा हम क्वेश्चन देख कर रहे वैसा ही है इंटरनल ऑडिट बंदा देने से कतरा रहा है नहीं बोल रहा है इंटरनल रिपोर्ट देने के लिए क्या होगा डोंट एक्सेप्ट दी असाइनमेंट प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो देने को तैयार नहीं है सबूत की भारी कमी हो जाएगी डिस्क्लेमर देना पड़ सकता है डोंट एक्सेप्ट इट ठीक है तब तो उन्होंने बोला है कि इसमें से कौन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट एबीसीडी नीचे दिखाया और ऊपर तीन पॉइंट दिए उस तीनों पॉइंट में से कौन से पॉइंट करेक्ट है भाई जब तक वो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देने की बात नहीं करेगा हमने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए दूसरा नॉर्मल कोर्स में अग्रीमेंट में तो लिख के लेना पड़ता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट कर रहा है ये दो चीजें लगेगी मतलब दो चीजें सही दूसरा तो गलत है अगर लिमिटेशन ऑन स्कोप है तो भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ये तो बोलना ही गलत है अपने आप में पहला स्टेटमेंट स्टैंड अलोन सही है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिल रही जयराम जी की दूसरा स्टेटमेंट कि अगर ऑडिट वो अपनी सारी जिम्मेदारियां मानने को तैयार है तो ठीक है तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है ऐसे बोलो तो यहां पे जिस तरीके से ड्राफ्ट किया है परफेक्ट आंसर वन मतलब वन परफेक्ट आंसर होता है लेकिन वन अकेले कहीं पे है ही नहीं जो कहानी दी है उसके हिसाब से रिजेक्ट करना बस ये आंसर लेके निकलना चाहिए था लेकिन ड्राफ्टिंग ऐसी है वन अकेला कहीं पर भी नहीं है ठीक है तो यहां पर देखो MCQ में हैव टू जो अच्छा आंसर है बेस्ट अमंगस्ट ऑल वन इज द परफेक्ट आंसर वन एंड थ्री वहां पे ठीक है हमने आंसर चुना है upon, except. क्या, -क्या, except, क्या, नहीं, क्या नहीं आना चाहिए ऑडिटर की जिम्मेदारी आनी चाहिए मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आनी चाहिए ऑब्जेक्टिव आना चाहिए मेथड क्या फॉलो करेंगे ठीक है डालने की जरूरत नहीं है एक तो क्लाइंट रिप्लाई नहीं कर रहा सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा सबूत की भारी कमी हो रही है ऊपर से बोलता है एंगेजमेंटर बदल दो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आप हमसे ये नहीं मांग सकते वो नहीं पूछ सकते ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते ठीक है रिवाइज करने की बात कर रहा है अभी क्या एक्शन लेना चाहिए एक तो कोऑपरेट नहीं कर रहे बराबर और बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर बदल दो मतलब वो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालना था ये इन दिन से सवाल मत पूछो ये सवाल मत पूछो ये जानकारी मत पूछो पहले उन्होंने कुछ चीजें हमको नहीं दी और उसको कवर अप करने के लिए एंगेजमेंट लेटर में रिस्ट्रिक्शन डाल रहे लिमिटेशन डाल दे रहे ठीक है थीके? पहले इसमें लिखा है एज द चेंज इज रिजल्टेंट ऑफ चेंज इन सर्कमस्ट कोई चेंज इन सर्कमस्स है इंक्रीज फीस फीस की तो कोई बात ही नहीं हुई है ठीक है जस्टिफाइड चेंज ऐसा भी कुछ भी नहीं है Disagree करो भाई साहब एक बार टर्म साइन हो गये, हो गए गए आपके अगर जो टर्म्स है वो है वो एक्सेप्टेबल नहीं विड्रॉ फ्रॉम द असाइनमेंट अगर इस तरह से बीच में धोखा दोगे तो कुछ नहीं विड्रॉ करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है अब यहां पे क्वेश्चन पढ़ते हम लोग तो हमको ऐसा लगता है कि रिकरिंग ऑडिट्स को लेकर कुछ पूछा है लेकिन बाद में कब साइन करना चाहिए नॉट अबाउट रिक साइन कब करें बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दॉट प्रेफरेबली ठीक है डे बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट ऐसा भी नहीं है बिफोर साइनिंग फाइनल ऐसा भी नहीं है एनी टाइम ऑप्शनल है ऐसा भी नहीं है प्राइवेट कंपनी ऐसा भी कुछ नहीं है काम शुरू होने से पहले कर, कम से कम कर देना चाहिए अगर कॉन्फ्लिक्ट हो इफ होफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड लीगल रिक्वायरमेंट तो ये इसको सॉल्व करने का रास्ता है या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिशनल डिस्क्लोजर या फिर हम एफ का जो डिस्क्रिप्शन है वो अमेंड कर डालते हैं ठीक है आप दो तरीके हैं करने के इसको उन्होंने डी में एक तरीका बताया है अगर नहीं मानोगे तो मॉडिफाई करनी हो रिपोर्ट एक तरीका दो रास्ते थे एक तरीका यहां पे बताया है डी आंसर है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट अगर आप नोट्स टू अकाउंट में पूरी बातें बता दो ठीक है लोगों को बता दो तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा हम क्लीन रिपोर्ट देंगे नहीं माने तो फिर अगर नहीं तो फिर ऑप्शन नहीं है मॉडिफाई करना पड़ेगा प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग एप्लीकेबल इज द रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलिंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू डिस्कलोजर ऑफ सच मैनेजमेंट रिस्पॉन्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिलिटी कहां बतानी पड़ती है ऑडिट रिपोर्ट में और क्या बतानी पड़ती है लेटर ऑफ एंगेजमेंट में निड नॉट बी स्पेसिफिकली मेंशन एनी फेयर गलत बात ऑडिटर रिस्पॉन्स ए वाला गलत है डी वाला भी गलत है मैनेजमेंट में अंडर टेक टू एक्सेप्ट सच रिस्पॉन्सिटी थ्रू एंगेजमेंट रिपोर्टमेंट रिस्पॉन्सिबिल रिस्पॉन्सिलिटी सही बात है अगर ऐसा यहां पर डिस्कलोजर की बात की कहाजर डिस्कलोज कहां पर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट लेटर में भी आता है बी और सी दोनों सही है अपने अपने जगह पे एंगेजमेंट लेटर में भी हम बताते हैं और ऑडिट रिपोर्ट में भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिली रहता है अभी सात सौ जब सात सौ में कवर होती है ये बात दोनों में से बेहतर कौन से डिस्कलोजर तो ऑडिट रिपोर्ट में ही होता है मतलब ये तो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट हो गया एंगेजमेंट लेटर दुनिया को इसके बारे में ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू ही पता चलता है बेटर आंसर इज सी बेटर आंसर की डिस्क्लोजर पूरी दुनिया को जहां पता चले वो तो भैया आपकी ऑडिट रिपोर्ट ही है देखिए क्वेश्चन नंबर ये फोर है यहां पे कहानी है कि एक तो पूरा काम सीनियर पे दे दिया है कोई भी एंगेजमेंट पार्टनर इन्वॉल्व ही नहीं है एंगेजमेंट पार्टनर का सफिशियंटली इन्वॉल्व होना जरूरी है कुछ इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां लेना जरूरी है एज पर एस ए टू ट्वेंटी रोल एंड टेक सम इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट लाइक द क्वालिटी फिशियटली इन्वॉल्व तो होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट तो करनी ही पड़ेगी अगर इन्वॉल्व ही नहीं एंगेजमेंट पार्टनर्स लीडर इन्वॉल्व ही नहीं है तो वहां पर गलत है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को इग्नोर कर रहे हैं लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को इग्नोर कर रहे हैं बराबर हैंडल नहीं कर रहे दो प्रॉब्लम ओल्ड कोर्स में पूछा गया उसके बाद आया नहीं आरटीपीज में आके रह गया लेकिन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे ऐसे टू ट्वेंटी एसक्यूसी वन दोनों का रेफरेंस दिया है आप ऐसे टू ट्वेंटी का भी रेफरेंस होता चलता है लेकिन दोनों का रेफरेंस दिया है और दोनों के प्रिंसिपल सेम लाइन पे चलते हैं लेकिन दो मुद्दे थे दो मुद्दों को समझना है दो मुद्दों के ऊपर लिखना है केस डिस्कशन करना है और फिर कंक्लूजन लिखना है डेथ हो गई एक बंदे की नए बंदे ने टेक ओवर कर लिया रिव्यू करना पड़ेगा ऐसे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में रिव्यू आता है लेकिन जब ऐसा चेंज ऑफ पार्टनर होता है तो रिव्यू करना पड़ता है पूरे वही स्टेप्स लगाने पड़ते हैं एक नॉर्मल पार्टनर को कैसे पहले रिव्यू करके अपना काम करना पड़ता है वैसे ही यहां पर नए पार्टनर को पूरा काम रिव्यू करके ही वो साइन कर पाएगा लाइन से हमने पॉइंट देखे थे एक के बाद एक ठीक है प्रॉपर कंप्लांस है सिग्निफिकेंट मैटर्स है प्रॉपर कंसल्टेशन है डॉक्यूमेंट्स है सिग्निफिकेंट जज डॉक्यूमेंट्स है कॉमन डॉक्यूमेंट्स भी है करेक्ट कंक्लूजनस uh, बराबर है रिपोर्ट्स बराबर बनाई है ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं नहीं किए तो रिवाइज करने की जरूरत है नेचर टाइम एक्सटेंट यहां पे एक और मुद्दे को इन्होंने छेड़ा है और एक और मुद्दे को इन्होंने बोला है देखिए यहां पे एक और मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ओवरपीरियड थोड़ा बदला भी है पहले एक रेफरेंस देते थे कि भाई डेलीगेशन ऑफ वर्क भी बराबर नहीं हुआ यहां पे यू कैन डेलीगेट वर्क बट यू नॉट डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है मैं इसको ऑप्शनल लिख देता हूं अगर लिखना चाहे तो कि ये जो एंगेजमेंट पार्टनर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ऑडिट का बेसिक प्रिंसिपल हम जानते कैन डेलीगेट वर्क बट वी कैन नॉट डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एंगेजमेंट पार्टनर अपना काम भली दे, दे लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल है उसने ब्लाइंड रिलायंस नहीं दिखाना चाहिए काम देते वक्त समझाना चाहिए सुपरवाइज करना चाहिए टच में रहना चाहिए रिव्यू करना चाहिए डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू उसकी आज भी जिम्मेदारी बनती है वो नहीं कर रहा है तो बेसिक प्रिंसिपल भी वो नहीं कर रहा है फॉलो ऑप्शनल है लिखना चाहो तो लिखा भी है सेकेंड पॉइंट इज नॉट टेकन फ्रॉम ट्रेडिशनल थियरी यहां पे पहले बंदा साइन कर रहा है और ईक्यूसीआर बाद में हो रहा है मॉक टेस्ट पेपर बिल्कुल गलत ई का कॉन्सेप्ट आप बताइए बता कहां पे मैंडेटरी बताइए क्या जिम्मेदारी होती है पार्टनर की वो बताइए और ये बताइए कि पहले ईक्यूसीआर कंप्लीट होना है उसमें लिखा है पहले नॉट टू डेट पहले क्यूसीआर कंप्लीट होना है और फिर ऑडिट रिपोर्ट की साइनिंग होनी है फिर ऑडिट रिपोर्ट को साइन किया जाएगा भाई साहब तो ये गलत किया है ठीक है और एस एस सेवन हंड्रेड का भी रेफरेंस इकट्ठा हो जाए सारी audit, सारी ऑडिट प्रोसीजर खत्म हो जाए सारे एविडेंस खत्म हो जाए सारे ऐसे का इंप्लीमेंटेशन हो जाए जब आप संतुष्ट हो उसके बाद साइन करें जब अभी तक ऑडिट प्रोसीजर ही खत्म नहीं हुई है ठीक है ऐसे का कंप्लाइंस ही पूरा नहीं हुआ तो आप कैसे साइन कर सकते हो तो यहां पे ऐसे 220 के भी हिसाब से गलत है ऐसे 700 के हिसाब से भी गलत है इंडिपेंडेंस किसकी जिम्मेदारी है एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि ईक्यूसीआर रिव्यूअर की जिम्मेदारी है ऐसा है दोनों में आता है दोनों में आता है ठीक है

तो दोनों की जिम्मेदारी में आता है दोनों झगड़ो मत आपस में दोनों को इसकी जिम्मेदारी उठानी है अपने अपने तरीके से देखिए ऐसे 220 में ये एमसीक्यू 220.1 यहां पर कौन सी कौन सी चीज देखनी पड़ती है एक्सेप्टेंस इंटीग्रिटी देखनी पड़ती है कॉम्पिटेंस देखना पड़ता है एथिकल रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंट जो बीच में का क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉय ऑफ द एंटिटी वो नहीं देखना पड़ता तो आपको याद होना चाहिए कि भाई एक्सेप्ट करते हो कंटिन्यू करते हो कौन सी बातें हमको कौन सी बातें हम लोगों को देखनी पड़ती है चार बातें देखनी पड़ती है यहां पे पांच दी हुई है तो वो सेकंड नंबर का नहीं देखना पड़ता फिर ये इंटरेस्टिंग है एक ऑडिट हो रहा है उसमें रिव्यू हो रहा है टीम बदली है और एक टीम चेंज हो रही है इट्स ओके टीम चेंज हो रही है ऑडिट टीम चेंज हो रही है हो सकती है ना ऑडिट टू ऑडिट इट्स ओके रिव्यूअर चेंज हो रहा है और रिव्यूर जो है वो अभी फाइनल ढाई साल का एक्सपीरियंस है फाइनल की एग्जाम दे रहा है बस यहां फंस गए जो रिव्यूअर है जो बंदा रिव्यू कर रहा है रिव्यूअर हैज़ हैज़ बी क्वालिटी रिव्यूअर है चार्ट अकाउंटेंट वहां पर ये लोग गलत हो रहे हैं बस वही आंसर है ठीक है शुड हैव बीन द मेंबर जो इन्होंने टीम चेंज की है

क्या ऑर्डर की जिम्मेदारी है लोगों को एक्सेस प्रोवाइड करना टू रेगुलेटर्स थर्ड पार्टीज एंड द क्लाइंट तो इन्होंने बहुत भावनात्मक एंसर लिखा है प्रोफेशनल एथिक्स प्रोफेशनल एथिक्स में शेड्यूल ठीक है शेड्यूल टू शेड्यूल टू पार्ट वन क्लॉज वन कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है डॉक्यूमेंट्स की भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी ओनली फ्री रिक्वायर्ड बाय लॉ और परमिटेड बाय क्लाइंट एसक्यूसी वन में भी ये लिखा है सेम टू हम किसी और के साथ शेयर नहीं करें जब तक स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय लॉ या फिर परमिटेड बाय क्लाइंट ऐसे टू में भी ये लिखा हुआ है टू थर्टी में भी ये लिखा हुआ है कि ये सब सभी में यही बात लिखी हुई है जब तक परमिटेड बाय लॉ या रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड बाय लॉ या परमिटेड बाय क्लाइंट नहीं जब तक किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते सबका रेफरेंस करके रेगुलेटर के साथ शेयरिंग ठीक है ट इज रिक्वायर्ड बास एंड रेगुलेशन अगर लॉ रूल्स रेगुलेशन बोलते शेयरिंग करो तब किया जा सकता है उसमें भी सेफ रहने के लिए ठीक है क्लाइंट को इन्फॉर्म परमिशन नहीं बोला क्लाइंट को इन्फॉर्म करके शेयरिंग करना लॉ रूल्स रेगुलेशन में लिखा है तो क्लाइंट ठीक है क्लाइंट के साथ में शेयरिंग करो बिंदास कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इतनी करो भाई इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे प्रोटेक्टेड रहे वैलिटी ऑफ वर्क प्रोटेक्टेड रहे ऐसा नहीं कि उसको सब कुछ पता चले क्या चेक करने वाला है एंड अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ऑडिट ऐसा नहीं होना चाहिए थर्ड पार्टी सब्जेक्ट टू इज रिक्वायर्ड बाई लॉ और परमिटेड बाय क्लाइंट ये दो कंडीशन तो लगेगी ही थर्ड पार्टी के साथ में भी अगर आपको शेयरिंग करनी है तो राइट टू लीन की पूरी चर्चा की कॉपी पेस्ट वैसा का वैसा है नो चेंज एट ऑल जो हम डिस्कस करके आए कितने साल के लिए डॉक्यूमेंट हमको संभाल के रखने है सात सालों के लिए टू थर्टी पॉइंट वन का सात सालों तक मेंटेन करके रखना है हमको सिंपल है फिर एक यहां पे क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग सा कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इंटरनल ऑडिटर है कंपनी का इंटरनल ऑडिटर के वर्किंग पेपर है मुझे देखने नहीं देखो दोगे तो मैं सबूत की कमी महसूस करूंगा और क्वालिफाई कर दूंगा ठीक है क्वालिफाई कर दूंगा कि भाई सबूत की कमी होगी अब मेरे को यहां पे उन्होंने बोला है कि भैया इंटरनल ऑडिटर की तुम रिपोर्ट पढ़ते उतना काफी है रिपोर्ट का बेसिस क्या है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है जनरली नहीं देखना पड़ता जनरली नहीं देखना पड़ता ऐसे 610 में हम लोग पढ़ते थे और यूजिंग द वर्क और टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस तब हम ये बाप सब सोच सकते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वी सिंपली नीड इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड नॉट इट्स वर्किंग पेपर्स ये कंक्लूजन दिया गया है उसको आप ख्याल रखिए बाकी ऑप्शन में शुड रिव्यू लिखा है इसलिए वो गलत हो गया मैं रिव्यू लिखा हुआ है लेकिन सबूत मिलने के बाद में भी मैं क्वालिफाई कर सकता हूं यह सही नहीं है मिल गया तो आईसीआई का अप्रूवल ये सब तो जरूरत ही नहीं होती फिर यहां पर 3.45 करोड़ 3.45 करोड़ का वारंटी का प्रोविजन है जिसका टैक्स का रिडक्शन प्रोविजन पेमेंट बेसिस प्रोविजन बेस पे टैक्स में नहीं मिलता पेमेंट बेस पे मिलता तो डेफर टैक्स एसेट खड़ा करना पड़ेगा जो इन्होंने नहीं किया ठीक है विच ऑफ दुड नॉट बी अप्रोप्रियट विच नॉट बी अप्रोप्रियट ठीक है अब इसके अंदर वुड नॉट बी अप्रोप्रियट अब अजम्पन आपने वारंटी का प्रोविजन कैसे बनाया उसकी अजम्शन उसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग इज अप्रोप्रिएट ए इट इज अप्रोप्रिएट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की ये कंफर्म करना प्रोविजन ये भी अप्रोप्रिएट ठीक है डेफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन कैसा रहेगा ये भी अप्रोप्रिएट सी बी बी द प्रोविजन अमाउंट सीम्स टू बी मटर टैक्स ऑलटर क्वालिफाइंग ऑडिट रिपोर्ट ये बोलते हैं कि उन्होंने डेफर टैक्स का एडजस्ट देखो ये बोल रहे हैं कि प्रोविजन अमाउंट इज मटेरियल प्रोविजन के लिए क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं प्रोविजन बनाया प्रोविजन बनाया है प्रोविजन के ऊपर जो डेफर टैक्स एसेट है वो नहीं बनाया क्वालिफाई करना पड़ेगा प्रोविजन के लिए ये गलत हो गया ये गलत हो गया तो आपके डेफर टैक्स एसेट की पूरी चर्चा है उससे रिलेटेड सारी चीजें हैं आपको प्रोविजन तो बनाए उसके लिए थोड़ी क्वालिफाई करना है तो वो नॉट अप्रोप्रिएट में बी पॉइंट इज नॉट अप्रोप्रिएट इंटीग्रेटेड केस स्टडी थर्टी फोर पॉइंट टू है कि कितने लोगों ने असेंबली ऑफ फाइल्स बराबर नहीं किया डीले कितने लोगों में अब अगर आप एक टेबल दिया हुआ है एक टेबल दिया हुआ है पच्चीस छ दो महीने के ऊपर हो गए सात आठ नौ आठ का ग्यारह कर दिया नौ दस दो महीने के ऊपर हो गए यहां पे सब में दो महीने के अंदर है ठीक है दो महीने के अंदर है तो पहले दो केस में डीले हो गया कौन है ये लोग रिक्वायर्ड लिमिटेड फोर तो कितना डिले हुआ है आ, रिटेंशन कहां पे गलत हुआ है कितने सालों से यहां पर लिखा हुआ है कि एक बंदे ने चार साल में डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया एक ने छे साल में ऑडिट के सात सात तक पहुंचना था तीन और एक तीन और एक तीन और एक साल की गड़बड़ है यहां पे थर्टी सिक्स पॉइंट फोर है इंटीग्रेट केस स्टडी वहां पर ऐसा बोला है कि एक काम चोड़... काम उसका खत्म हो गया उसने चला गया वो जा रहा है प्रीवियस ऑर्डर से कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स मांगे लीगल नोटिस बोली कि हमारे कंपनी के पूरे डॉक्यूमेंट्स हमको वापस दे देखिए यहां पर पहले इसमें बोल रहा है कि वापस कर देना पड़ेगा गलत हो गया दूसरे में बोल रहा है कि वो ओनर है बट ही कैनॉट गिव वर्क किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता कंपनी परमिट भी करे तो गलत है वहां पे डी में बोल रहा है कि ओनर तो कंपनी फिर गलत है सी सही है वो ओनर है और वो परमिशन लेके शेयर कर सकता है सी इज करेक्ट देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फ्रोडोलैंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रोडोलन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे कैसे होती है उसके बारे में पूछ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे के थ्रू हो सकती है मैनिकेशन के थ्रू हो सकती है मिस एप्लीकेशन के थ्रू हो सकती है वो आपको बताना है फिर नीचे एलडुकेट हाउ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बी अकम्प्लिश एंड ऑल्सो डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ कमिटिंग फ्रॉड मैनेजमेंट ओवर राइडिंग कंट्रोल फ्रॉडुलेंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे हो सकता है फ्रॉडुलेंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर जनरली टॉप मैनेजमेंट के लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो मैनेजमेंट ओवर राइड मैनेजमेंट ओवर मैनेजमेंट राइड करके ही इसको करते हैं दैट दैट इज इज हाउ हाउ दे डू इट ठीक है तो वही उसमें समझाना है वापस वही आंसर है एफ उसको करने के तीन तरीके एग्जाम्पल करने के तीन तरीके एग्जाम्पल फिर ये बहुत ही स्टैंडर्ड बहुत ही स्टैंडर्ड इनका बहुत जगह डाल है देते हैं इसको ठीक है कारो और वन फोर्टी कि भाई अगर आपको ऐसा कोई फ्रॉड मिला तो आपने दो जगह पर रिपोर्ट करना चाहिए फ्रॉड मिला तो दो जगह रिपोर्ट करो फ्रॉड मिला तो दो जगह रिपोर्ट करो तो आप भी इसको एक स्टैंडर्ड कॉमन चीज जहां पर भी मौका मिले और आपको लिखना है ठीक है कंपनीज एक्ट के अंदर ये दो जगह पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है ये आप हर जगह पे इंक्लूड कर सकते हो इन्होंने कहीं इंक्लूड किया कहीं नहीं किया आखिरी में इंक्लूड कर लेना मैनेजमेंट फ्रॉड इज इट अप्रप्रोप्रियट फॉर ऑडिटर टू मेक इंक्वाज ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ओन असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड कंट्रोल्स इन प्लेस टू प्रिवेंट डिटेक्टेड डिस्कस हम हमारे ऐसे के अंदर यह पढ़कर आए कि हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना चाहिए उसमें टीसीडब्ल्यूजी को पूछो कि वो मॉनिटरिंग कैसे करते हैं उनको क्या पता है फ्रॉड के बारे में मैनेजमेंट को पूछो उनके सिस्टम्स के बारे में उनके असेसमेंट्स के बारे में उनके कम्युनिकेशन के बारे में उनको क्या फ्रॉड के बारे में पता है एंड so, सो हम पढ़कर है तो हम तो ये पढ़कर है कि हमने तो डेफिनेटली मैनेजमेंट से पूछना चाहिए तो बिल्कुल सही है करना चाहिए इसको तो एसेड टू फोर्टी क्या देखो कंपनी को चलाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी है कंपनी के अंदर के फ्रॉड्स को, को प्रिवेंट करना डिटेक्ट करना करेक्ट करना वो उनकी जिम्मेदारी है एसेड टू फोर्टी तो बोलता है जाना चाहिए पूछना चाहिए कि आपका सिस्टम कैसा है उसका असेसमेंट क्या है आपके इंटरनल कंट्रोल कैसे है कम्युनिकेशन फ्रॉड के बारे में कम्युनिकेशन क्या है टीसी एम्प्लॉय तो को ऐसे टू तो बोलता है इस बात को कि आप जाकर देखो क्योंकि मैनेजमेंट के जो सिस्टम्स है मैनेजमेंट का जो असेसमेंट है ठीक है मैनेजमेंट का जो कम्युनिकेशन है मैनेजमेंट को जो फ्रॉड के बारे में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हमको रिस्क ऑफ फ्रॉड ढूंढ के लाना है निकालना है हमको पता लगा तो दिस कैन बी वेरी वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है ठीक है मैनेजमेंट का रिस्क असेसमेंट कम ज्यादा होता है चेंजेस फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी कहीं पे डिटेल्ड होगा कहीं पे कहीं पे डिटेल्ड होगा बहुत कहीं पे लेस स्ट्रक्चर होगा हमने पता करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए ऐसे टू फोर्टी में बोला है कैसे रेलेवेंट है ये डेफिनेटली रेलेवेंट है हमको समझ में आएगा कि हमको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या कंट्रोल इन्वायरमेंट के बारे मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या समझ में आया कंट्रोल इनवायरमेंट समझेगा उनके इंटरनल कंट्रोल है वो समझेगा वी विल अंडरस्टैंड देर थॉट प्रोसेस देर एटीट्यूड देर कंट्रोल एनवायरमेंट कंट्रोल्स के प्रति उनका क्या इंपॉर्टेंस है उनके कितने अच्छे सिस्टम से वो समझेगा और कभी कभी ये जानकारी से हमको रिस्क पता चलेगी ठीक है देखिए नीचे पढ़ता हूं मैं जिनका अन लाइक लू प्रोवाइड यूजफुल फोर इंफॉर्मेशन रिगार्ड रिस्क ऑफ मटेरियल इन रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड आपको इससे सारे मैनेजमेंट फ्रॉड मिल जाएंगे ऐसा मतलब मैनेजमेंट खुद अपने फ्रॉड नहीं बताएगा ठीक है इतने आसानी से नहीं मिलेंगे इनफैक्ट वो तो बेस्ट पोजिशन में फ्रॉड छुपाने में अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टू इंक्वायरीज इसीलिए आपने केयरशिप

ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है इन मैनेजमेंट फ्रॉड वॉट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर पहले तो बताओ कि मैनेजमेंट फ्रॉड मैनेजमेंट फ्रॉड में टॉप मैनेजमेंट के लोग इन्वॉल्व है कंट्रोल्स को ओवरराइड करते हैं उसको छुपाने के लिए ठीक है कंसील करते हैं उसको छुपाने के लिए कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन मिसरीप्रेजेंट करते चीजों को मैनेजमेंट फ्रॉड मैनेजमेंट फ्रॉड को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है एज कंपेयर टू एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड क्योंकि उनके पास बहुत पावर है नॉलेज है उसको छुपाया जाता है एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड को पकड़ना कंपेरिटिवली आसान है ऐसे तो टीसी और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना डिटेक्ट करना करेक्ट करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना फ्रॉम फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट तो एक बेसिक बताया कि भाई मैनेजमेंट फ्रॉड कैसे होते हैं कितने खतरनाक होते हैं और पूरी जिम्मेदारी तो टीसीड्ल्यू और मैनेजमेंट की है सच ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है भैया मटेरियल फ्रॉड्स रीजनेबल रिजनेबल वेदर फाइनेंस ओपन देना एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के हिसाब से आते फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉड पकड़ना ठीक है और ऑडिट के इतने इनहेरेंट लिमिटेशन है इनहेरेंट है. है कि उसके वजह से ठीक है उसके वजह से हो सकता है हम, हम तो रीजनेबलोरेंस सिर्फ चलना और मटेरियल फॉर फ्रॉड पकड़ने की कोशिश करना बस इतनी जिम्मेदारी आती है फिर लॉ के अंदर जिम्मेदारी है वन फोर्टी थ्री में रिपोर्टिंग कारो की रिपोर्टिंग और अगर ज्यादा ही हुआ तो जयराम जी की एबिलिटी टू कंटिन्यू देखो ये कॉमन चीजें बार बार इनकी ये कॉमन चीजें बार बार ये ये हर जगह पे कॉमन पॉइंट्स है ये तीन कॉमन पॉइंट्स है भाई लॉ के हिसाब से रिपोर्टिंग कारो और एबिलिटी टू कंटिन्यू ऑल्टर की जिम्मेदारी जब बताते भाई रीजनेबल ऑस्ट्रं से काम करना है हमको मटेरियल फ्रॉड पकड़ने की कोशिश करनी है हमको गारंटी तो हम दे नहीं सकते लिमिटेशन है और फिर ये चीजें करनी है अब देखो एक जे साथ क्वेश्चन एरर इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री सर ये तो एरर है ये बहुत पुराना क्वेश्चन ड्राफ्टेड है वो ये सिर्फ ये बोलना वो यहाँ पे वर्ड एरर यूज करते हैं लेकिन उसका वर्ड एरर नहीं उसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री में बहुत बड़ा वैल्यूएशन डिफरेंस है बहुत बड़ा वैल्यूएशन डिफरेंस है बहुत बड़ा ठीक है और इससे हमारे मन में शक पैदा होता है इट इज अ सस्पेक्टेड फ्रॉड दे टू से दैट इट इज अ सस्पेक्टेड फ्रॉड कुछ तो मैनिपुलेशन है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है बहुत बड़ा मिसमैच मिला है इन्वेंट्री के अंदर बहुत बड़ा वैल्यूएशन में गैप मिला है जानबूझ के मैनिपुलेशन के ऐसा लग रहा है तो हम ये कॉमन आंसर पढ़कर आए थे आप ऐसे 240 के हिसाब से समझाओ पॉसिबल मिसस्टेटमेंट रहा तो क्या करना एक्चुअल मिसस्टेटमेंट रहा तो क्या करना कैसे मटेरियल निकाल के रेक्टिफिकेशन कराना फिर वही बात रिपीट की है वही बात रिपीट किए फिर जब ऐसे सिचुएशन में एक्सेप्शनल सरकमस्टेंस है क्या 143 फोर्टी कारो ये हम पढ़कर आए ठीक है पूरा चार्ट में हम पढ़कर आए ये कॉमन पॉइंट है कॉमन पॉइंट हम लोग पढ़कर आए वही पूरी रिपीट करो केस को डिस्कस करो थोड़ा बहुत और कंक्लूजन भाई ऊपर जो बातें बोलिए उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा ठीक है हम अगर फ्रॉड मिलेंगे तो मैनेजमेंट को बोलेंगे उसका रेक्टिफाई करो उसका इफेक्ट दो नहीं तो हम रिपोर्ट करें नहीं। ये कॉमन आंसर हर जगह पे कॉमन आंसर को लिखो केस को थोड़ा सा डिस्कस करो कंक्लूजन में जो ऊपर पोल किया वही करना है हमको डिस्कस वही हमको परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसेस जैसा हमने डिस्कस किया ऊपर फ्रॉड अगर मिलता है तो उसका रेक्टिफिकेशन हम करवाएंगे नहीं करेंगे तो रिपोर्ट करेंगे खत्म उन्होंने मटेलिटी के लिए 320 है रेक्टिफिकेशन के 450 है उन्होंने रेफरेंस थोड़ा गलत किया है मैंने रेफरेंस को ठीक कर दिया रेक्टिफिकेशन कैसे करना 450 के अंदर कवर होता है

डिटेल एग्जामिनेशन करके पता लगाओ सच्चाई क्या है गलती मिली रेक्टिफिकेशन कराओ नहीं तो रिपोर्ट दो केस डिस्कस करने का बोलना ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करो सच्चा ही निकालो रेक्टिफिके तो कराओ नहीं तो फिर ठीक है नहीं करोगे तो रिपोर्ट करना पड़ेगा वही चीज रिपीट होती है आई ओ यू कैश बैलेंस दो सौ का है उसमें दो करोड़ का आई ओ यू है सर ये आई ओ यू क्या है कभी कभी टेम्प्री बेसिस पे लोग हमसे पैसे लेकर जाते और बोलते शाम तक ला कर देता हूं कल तक ला कर देता हूं ब्रांच वाले लोग सब्सिडी वाले लोग एसोसिएट वाले लोग डायरेक्टर कुछ ऐसे हो सकते हैं वो लिख कर रहते आई ओ यू मुझे आपको इतने पैसे इतने समय में लौटाने हैं मैं लौटा दूंगा और कैश बॉक्स में उतने कैश की जगह पे आई ओ यू लिखा हुआ रहता है ओ यू आई ओ यू रिसीट लिखी होती है साल भर ये प्रैक्टिस चलती है लोग पैसे लेके जाते वापस ला के आई ओ यू कैंसिल हो जाता लेकिन थर्टी मार्च को यह नहीं चलेगा थर्टी मार्च को आप बोलोगे दो करोड़ दस लाख में दो करोड़ का तो यू है और दस लाख सिर्फ एक्चुअल कैश है हो सकता है पूरी चोरी है ठीक है हो सकता है हो सकता हो सकता है कि ये पूरी कैश गायब हो गई है उसको छुपाने के लिए आईओयू बता रहे आईओ यू थर्टी फर्स्ट मार्च को नहीं चलेगा जिसको पैसे दिए उसको आपने एडवांस दिया लोन दिया ऐसा जो भी दिया उस, आपने उसको पैसे दिया ऐसा बताना पड़ेगा उससे रिसीवेबल दिखाना पड़ेगा आपको कैश में नहीं दिखा सकते उसको उसके बाद आप ये भी बोल रहे हो कि इतना कैश होने के बाद में पचास पचास हजार विड्रॉ कर रहे खर्चों के लिए कुछ तो गड़बड़ है ये सस्पेक्टेड फ्रॉड है फिर से सारी चीजें रिपीट होगी केस डिस्कस होगा यही होगा कि आप देखिए फ्रॉड है गलत है चीजें फ्रॉड है फ्रॉड है गलत है चीजें वो आप डिस्कस करिए देखिए ठीक है और रेक्टिफिकेशन कराएगा नहीं कराएंगे तो रिपोर्ट करेंगे कॉमन सरकम सैंसे जैसे ऊपर डिस्कस किया एडिशनल प्रोसेस लगाइए पता लगाइए सच्चाई है रेक्टिफिकेशन करवाई गलत है तो नहीं करेंगे तो रिपोर्ट करेंगे आईओव्यू का मतलब समझा है नोट में नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंसल्टेंसी चार्जेस की एंट्री लगी पड़ी है कंसल्टेंसी चार्जेस कंसल्टेंसी चार्जेस की एंट्री लगी पड़ी है ठीक है एंट्री लगी पड़ी है कंसल्टेंसी चार्जेस की और उसके कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसका कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है सस्पेक्टेड फ्रॉड एक्चुअल फ्रॉड ऐसा हो गया अभी वापस वही वापस कॉमन चीजें रिपीट करनी है केस डिस्कर कंक्लूजन कंपनी में फ्रॉड हुआ

रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगने पर भी नहीं देना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगने पर भी नहीं देना फाइव एटी के हिसाब से और पॉइंट लिखने पड़ेंगे पढ़ेंगे तो डिस्कस होता ही वहां पर ये। टीमिंग एंड रीडिंग वापस पूरी कहानी टीमिंग एंड लीडिंग समझाइए सेम थिंग रिपीट अगेन एमसी है इफ एज अ रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड दर्टर इनकाउंटर्स एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस तो क्या करना चाहिए टीम को रिपोर्ट करना ऐसा कुछ नहीं है मैनेजमेंट को बोलना विड्रॉ ऐसा कुछ नहीं है विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट ठीक है इमीडिएटली सोचना पड़ता है ठीक है अब विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट इमीडिएटली डिटरमाइन प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिल एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टांस ऐसा है विड्रॉ करना जरूरी नहीं है देखो स्टेप नंबर वन सोचना पड़ेगा कि किस इसको बताना है इसके बारे में यह तो है विड्रॉ करूं कि नहीं करूं वो सोचो और अगर आपने सोचा तो सबको कम्युनिकेट करके विड्रॉ करो ए और सी में सी आंसर ज्यादा बेहतर है तीन स्टेप होते तो तो हैं पहले मैं ये बात किस किस को बताऊं किस किस को कम्युनिकेट करूं वो सोचो दैट इज सी फिर सोचो वेदर आई शुड विड्रॉ विड्रॉ इज नॉट मैंडेट्री सोचना चाहिए कि मैंने विड्रॉ करना चाहिए क्या और अगर मतलब विड्रॉ करो तो सबको कम्युनिकेट करके विड्रॉ करो ठीक है विड्रॉ करना मैंडेटरी नहीं है इसलिए वो गलत आंसर है सोचना पड़ता है सिर्फ फ्रॉड मिला है एक फ्रॉड है ठीक है फिक्टिशियस एम्प्लॉयज क्लर्क ने फिक्टिशियस एम्प्लॉय बता करके उसकी सैलरी अपने अकाउंट में डाल दी पैसे गायब कर दिए उसने वेजेस का फ्रॉड किया है क्लर्क ने वेजेस का फ्रॉड किया है आप क्या क्या चीजें चेक करोगे डमी एम्प्लॉयज नकली एम्प्लॉयज बताकर उनके नाम से सैलरी का पेमेंट किया और खुद पैसे गायब कर दिए कौन सी कौन सी चीजें आप चेक करोगे पूरा नेचर समझोगे यस कितने प्रॉब्लम पेमेंट है उसके डॉक्यूमेंट देखोगे यस न्यू ज्वाइनर्स का सिस्टम क्या है वो वो देखोगे यस बंदे के अगेंस्ट क्या लीगल एक्शन ली कौन से कौन से केस किए पैसे वसूल हुए कि नहीं हुए देखिए केस डालना केस प्रूव करना केस जीतना है मैनेजमेंट का काम है हमारा काम नहीं है हमारा काम नहीं है उसके ऊपर हम ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते मटेरियल मिस्टेटमेंट है क्या फ्रॉड के वजह से है क्या उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग हुई क्या ट्रू एंड फेयर मिल रहा है क्या बस वो देखना केस हुआ कि नहीं पनिशमेंट हुआ कि नहीं वसूली हुई कि नहीं ये सब चेक करना हमारे अंदर नहीं आता है इसलिए फोर्थ वाला कवर नहीं वन टू थ्री आएगा सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर में स्टेटमेंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा सेवरल आइटम्स मैनेजमेंट ने जानबूझकर बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट किया है क्या करेंगे आप ठीक है लेट्स सी देखो बी वाला एडवर्स ऑडिट बेसिस ऑफ इतना शायद आपको पता हो अगर एडवर्स डालेंगे तो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन जाता है क्वालिफाइड क्वालिफाइड डालेंगे तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड जाता है ठीक है यहां पे यहां पे गलत कर रहे हैं वो लोग अगर आप एडवर्स डालोगे तो बेस ऑफ एडवर्स यहां पे उन्होंने बोला मेनी आइटम्स आर गेटिंग अफेक्टेड परवेसी इफेक्टेड अगर बहुत सारी जगह गलतियां है तो हमने एडवर्स डालना चाहिए और बेसिस ऑफ एडवर्स में पूरी कहानी को समझाना चाहिए सी एक हाथ दो जगह पे प्रॉब्लम है तो मैं क्वालिफाइड के बारे में बोलता वैसा नहीं है इसलिए वो गलत है यहां पे नॉन इंटीग्रेट केस स्टडी 38.1 है 38.1 वेदर द रीजंस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट कैन बी कंसीड टू बी जस्टिफायबल ऑडिट करते-करते किसी नॉन कंप्लायंस मिला नॉन कंप्लायंस मिला लेकिन मटेरियल इंपैक्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लेकिन मैनेजमेंट के लोग उसको रेक्टिफाई करने को तैयार नहीं है ये हमको अजीब गरीब लगा लगा और हम रिजाइन करना चाहते हैं विश्वास खत्म हो गया इनके ऊपर ऐसा वो बोल रहे हैं हैं तो कर सकते क्या ठीक है और इसके लिए लीगल एडवाइस भी लिया है तो ऐसा है कि अगर आपको मैनेजमेंट की नीयत पे शक है उनकी इंटीग्रिटी पे शक है आपको लगता है उन पर विश्वास नहीं कर पाएंगे तो आप डेफिनेटली विद्रॉ कर सकते हो यू कैन विड्रॉ आंसर इज सी येस इन एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस विड्रॉल इज नॉट प्रोहिबिटेड बाई एनी लॉ और रेगुलेशन बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है मे हर बार विड्रॉ करें जरूरी नहीं है मे सोच समझ के ठीक है तो यहां पे विड्रॉल पॉसिबल है बस यही है एक्चुअली इसका थोड़ा सा डिस्कशन ऐसे 250 में भी सेम काइंड ऑफ डिस्कशन है कि नॉन कंप्लायंस मिलता है तो क्या करना चाहिए और वहां पर भी यही लिखा हुआ है कि अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही सपोर्ट नहीं मिल रहा चीजें बराबर नहीं लग रही तो आपने विड्रॉ कर लेना चाहिए तो टू में भी हम लोग पढ़कर विड्रॉ कम कर सकते हैं वी कैन डेफिनेटली विड्रॉ देखिए यहां पर वॉट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेच्री ऑडिटर इन रिलेशन टू कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन बाई दी स्टैचुटरी ऑर्डर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग फ्रेमवर्क उसका कंप्लायस डायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉज जिनका मेटल इफेक्ट हो सकता है अदर लॉज अलर्ट रही है डब्ल्यू आर लीजिए ऑर्डर की जिम्मेदारी है काफी समय से नहीं पूछा हुआ है नवंबर जीरो फोर नवंबर फोर्टीन वही बात दी हुई है एग्जैक्टली exactly हम पढ़कर है

उनकी एज कम लग रही है चाइल्ड लेबर लग रहा है कम नॉन कम्प्लायंस ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट ऐसा लग रहा है तो नॉन कम्पलायंस मिले तो क्या करें क्या कदम उठाने चाहिए क्या पुलिस वाले के पास चले जाए कोर्ट में चले जाए मुकदमा दर्ज कर दे नहीं ऐसे टू में स्टेप्स दिए हुए हैं ठीक है थीके? बात को समझो सरकम समझो आप सारी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद फाइनेंशियल सेटल पे क्या इंपैक्ट है वो समझो डिस्कशंस करो टीसी मैनेजमेंट से और जानकारी लीगल एडवाइस लो वो ना हो पाए क्वालिफाइड डिस्क्लेमर दो रिपोर्टिंग स्टेट द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया सबसे पहले रिपोर्टिंग टू हमने डिस्कस किया आउटसाइड अथॉरिटीज अथॉरिटीज रेगुलेटर्स बड़े लोग होते हैं फिर रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स थ्रू ऑडिट रिपोर्ट फिर रिपोर्टिंग टू टी सी डब्ल्यू जी तीन तरह की बातें उसमें पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर प्रिवेंशन मैनेजमेंट की क्या तैयारी होनी चाहिए मैनेजमेंट की क्या पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होनी चाहिए नवंबर ट्वेंटी एग्जाम का है उनकी क्या तैयारी होनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करके द फर्स्ट थिंग इन उसका छोटा सा चार्ट भी देखा हम लोगों ने ठीक है वी हैव ऑलरेडी सीन दैट उसको और मैं इलाबरेट नहीं कर रहा हूं तो सारे क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कोई घुमा फिरा के नहीं है ऐसे टू फिफ्टी पॉइंट वन क्वेश्चन टू फिफ्टी पॉइंट वन है एम सी क्यू कि इसमें से कौन सी चीज़ हम लोग पॉलिसीज और प्रोसीजर्स नहीं बोलेंगे हम लोग पॉलिसीज और प्रोसीजर्स नहीं बोलेंगे ठीक है जो मैनेजमेंट ने लगानी चाहिए फॉर कंप्लाइंस ऑफ लॉ हम पढ़ कर मॉनिटर monitor करो मॉनिटरिंग करो ये आता है यहाँ पर उन्होंने नहीं बोला विल नॉट ठीक है मॉनिटरिंग आता है कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना आता है ऑपरेटिंग सिस्टम आता है यहां पर उन्हें गलती कर दी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन बोल दिया सिग्निफिकेंट हम रजिस्टर मेंटेन करते हैं सिग्निफिकेंट लॉ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए और कंप्लेन के लिए वहां पे गलती होगी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन बोल दिया उन्होंने हमें पढ़ किया है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कंप्लाइंस करवाना नॉन कम्प्लाइंस को प्रिवेक्ट डिटेक्ट करना और उसके लिए उनको पॉलिसीज प्रोसिज सेट करनी पड़ती है सिस्टम सेट करना पड़ता है तो उसमें से कौन सी चीज नहीं करनी पड़ती यहाँ पे उन्होंने सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन यूज कर लिया वर्ड कुछ नोटिस की ने वेरियस फाइनस बड़ी बड़ी फाइनस पे किए इंडिकेटर कैश पेमेंट हो सकती है अगेन नॉन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है ठीक है फेक पेमेंट्स हो सकते हैं कुछ जानबूझ के रियल नेचर छुपा रहे अगेन इंडिकेटर नोटिस मिल रही है इंडिकेटर्स लीगल लॉयर बड़े बड़े लॉयर्स हायर कर रहे हैं इंडिकेटर्स ये सारे के सारे इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द लॉ ठीक है इंडिकेट केस स्टडी थ्री का थर्ड है क्या ऑडिटर ने बराबर हैंडल किया फेमा का मामला ऐसा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फेमा केस में यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि नॉन कंप्लायंस हुआ है फेमा का इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ फेमा लेकिन मैनेजमेंट के बाद एक्शन प्लान है जो वो इनिशिएट करके कि नॉन कंप्लायंस को हम ठीक करें उसमें उसको कंप्लायंस में बदले और उसके ऊपर कोई पेनाल्टी लगे कंपनी के ऊपर उनके पास है पूरा प्लान कैसे करेंगे इनकेस पेनल्टी राइजेज द इम्पैक्ट वुड बी सिग्निफिकेंट द ऑडिटर्स ऑफ क्यू आर पी मैटर बाई इन्वॉल्विंग रेगुलेटरी मैटर एक्सपर्ट एंड अग्री अल्सोथ एंड ऑल्सो अग्री विथ मैनेजमेंट व्यू तो एकदम सिंपल है फेमा का नॉन कंप्लांस है मैनेजमेंट ने बताया कि हम किस तरीके से चीजों को ठीक करेंगे हमारे पर पेनाल्टी नहीं लगेगी हमने खुद भी चेक किया और एक लीगल एक्सपर्ट जो उसको भी लाया उसको भी चेक करवाया और वो बोलता है मैनेजमेंट जो कर रहा है वो सही कर रहा है सवाल यह कि ऑडिटर ने सही किया क्या ए में लिखा है आरबीआई के पास चले जाओ अरे ऐसे थोड़ी आरबीआई के पास चले जाओ जब तक कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बोलता गलत है मॉडिफाई कर दो ऑडिट रिपोर्ट अरे ऐसे थोड़ी मॉडिफाई करते लॉ का नॉन कम्प्लेन्स तो मॉडिफाई कर देंगे ऐसा थोड़ी है ठीक है टैक्स एक्सपर्ट को लेना था अरे उसने सही एक्सपर्ट को ले लिया तो पॉइंट इसकी बिल्कुल सही है ठीक है आप एज अ मैनेजमेंट ये बहुत बड़ी आप इसमें नोट्स तो अकाउंट्स में इसको एक्सप्लेन करें हम लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे ई एम पी डालकर इम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालकर ऑडिटर तो ने जो किया बिल्कुल सही किया इसमें कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है उसने सही समय पे एक्सपर्ट को इन्वॉल्व भी किया है इंटीग्रेटेड केस स्टडी एट का फोर्थ है कि शोकॉज नोटिस मिला है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ठीक है और नॉन कंप्लायंस हो सकता है उसका मटल इफेक्ट हो सकता है तो ऑडिटर ने क्या करना चाहिए नॉन सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस एक्चुअल नॉन कंप्लायंस लग रहा है तो क्या करना चाहिए तो अंडरस्टैंड करना चाहिए डिस्कस करना चाहिए अदर एस्पेक्ट अदर एस्पेक्ट्स पे इंपैक्ट देखना चाहिए हम पढ़कर आइए लेकिन ये सी वाला पॉइंट है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स को मॉनिटर करो प्रिवेंशन और डिटेक्शन ये काम तो मैनेजमेंट का है ये ऑडिटर की जिम्मेदारी में नहीं आता लॉ का कंप्लायस करवाना प्रिवेंशन डिटेक्शन करवाना ये पूरी तरीके से मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है तो ये ऑडिट प्रोसीजर में नहीं आती ये बात इसलिए सी ठीक है ये एक ऑडिट प्रोसीजर नहीं है इसलिए वो आंसर बनता है ये जो क्वेश्चन है इसमें नीचे का जो क्वेश्चन है सेकेंड वो हमने फोर ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव डबल जीरो कॉरपोरेट गवर्नस में जो ऑडिट कमिटी के ऊपर पॉइंट है वहां पर कवर किया तो गलती से यहाँ पर आ चुका था तो ध्यान रखना कि फोर ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव हंड्रेड में ये कवर होता है कौन सी बातें हमने कम्युनिकेट करनी चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो वो हम डिस्कस करके आए हैं कोई खास बात नहीं है वी ऑलरेडी विल डिस्कस्ड सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज के ऊपर रिसेंटली पूछा गया डिफिकल्टीज में क्या आता है वो भी हमने देखा है तो यहाँ पे कुछ उसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इज नॉट एबल टू ऑडिट इट प्रॉपरली तो क्या उसने कम्युनिकेट करना चाहिए डेफिनेटली करना चाहिए कौन सी चीज आती है सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी में वो बताए स्टेट सी देखो बच्चों कोई केस स्टडी नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसमें कोई हॉलीडे हम ये सारी चीजें हमारे डिस्कशन में देख चुके हैं कम्युनिकेशन विद शेयर होल्डर वर्सेज टी जी ये सेवन सीरीज में भी हम लोग देखते हैं जब हम टी uh, सी से बात करते हैं तो इज कौल्ड इन एस ए और शेयर होल्डर्स के हम लोग ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं दट इज कल्ड इन एस ए थ्री हंड्रेड वन सेक्शन वन फोर्टी थ्री में बोला हुआ है सेवन हंड्रेड में बोला हुआ है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट बनाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है और उसके बारे में बताना है इन टू टेल टू शेयर होल्डर्स अलग अलग तो वन इज गवन बाय टू सिक्सटी वन इज गवन बाय सेक्शन फोर्टी थ्री एन एस ए सेवन हंड्रेड हम लोग जब टीसी से कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत सारे मैटर्स कम्युनिकेट करने पूरी लिस्ट दी हुई है अपॉइंटमेंट के बाद काम शुरू करने से पहले काम करते वर्क साइन करने से पहले एंड सो ऑन कंपनी में और जो कम्युनिकेशन है विद कम्युनिकेशन uh, है विद शेयर होल्डर्स ठीक है इसमें हम हाँ, इसमें हम लोग ओपिनियन देते हैं विदैंशियल ट्रू एंड फेयर कम्युनिकेशन विद टीसी कॉन्फिडेंशियल एंड कम्युनिकेशन विदर्ज दब्लिक डॉक्यूमेंट ऐसे टू सिक्सटी पॉइंट वन यहां पर ऐसा है कि और मैनेजमेंट ऑडिट करने कर रहे थे। ऑडिट के दौरान बहुत सारे मुद्दे निकले मैटर्स निकले इश्यूज निकले गलतियां सब कुछ निकला ना ऑडिटर ने कम्युनिकेटिव कम्युनिकेट दोनों ने, दोनों ने नहीं किया तूने मुझे क्यों नहीं ये सारी बातें तो ऑडिटर बोलता है कि भैया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ये सब करना इट इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट तुमको बताएगा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती गलत है टू सिक्सटी के हिसाब से सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स सारे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग सब कुछ बताना चाहिए टीसीडब्ल्यू जी को बताना चाहिए कम्युनिकेट करना चाहिए ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट ने भी अपने TCWG को बताना चाहिए ये के अंदर लिखा हुआ नहीं है लेकिन इट इज इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी इंटरेस्ट ऑफ द एंटिटी उसने भी बताना चाहिए और ऑडिटर के कम्युनिकेशन से ऑडिटर के कम्युनिकेशन से कुछ चीजें बदल गई है मैनेजमेंट uh, रिलीव हो गया अपने जिम्मेदारी से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सो आंसर इज ए टू नाइनटी नाइन के क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहां पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेवेन्यू के अंदर कुछ गड़बड़े मिली ऑडिट हो चुका है जॉइंट ऑडिटर्स को अपॉइंट किया था ऑडिट हो चुका है स्पेशल ऑडिट में रेवेन्यू के अंदर गड़बड़ मिली और रेवेन्यू डीएफ एक ज्वाइंट ऑडिटर संभाल रहा था अब वो संभाल रहा था तो उसकी जिम्मेदारी थी उस एरिया का रिस्क असेसमेंट उस एरिया का टेस्ट ऑफ कंट्रोल उस एरिया की ऑडिट प्रोसीजर्स और उस एरिया के जवाब देना ये फ्रॉड निकला उसका जवाब देना भी उसकी जिम्मेदारी है अगर समझा पाया तो ठीक नहीं तो ही शुड बी लेकिन आपस में ज्वाइंट ऑडिट के ज्वाइंट ऑडिट का डिविजन ऑफ वर्क का डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं हुआ हुआ है डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट देयर अब डॉक्यूमेंट अब डॉक्यूमेंटेशन नहीं है भाई साहब अब क्या करेंगे व्हाट शुड बी डन देयर इज नो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तो आप पहले डिवीजन ऑफ वर्क डिवीजन ऑफ वर्क की पूरी थ्योरी बताइए कि ऐसे टू नाइनटी एन के हिसाब से साथ में मिलकर जॉइंट स्ट्रेटेजी और प्लान बना चाहिए और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए कैसे डिवाइड करते हैं कौन से अलग अलग डंडी कौन से कॉमन रहते हैं तय करने के बाद कैसे उसको डॉक्यूमेंट करना साइन करना सबको बता देना इतना ही नहीं डिवीजन ऑफ वर्क भी हो तो हम एक में के काम पर भरोसा भी कर सकते हैं अब यहां पर यहां पर इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन डिवीजन ऑफ वर्क को डॉक्यूमेंट नहीं किया ये गलती है नॉन कंप्लायंस ऑफ ऐसे टू न तो है यहां पर फॉर श्योर अब लेकिन वो रेवेन्यू के अंदर जो गलती है उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा ठीक है अगर जो फर्म की जिम्मेदारी थी जो फर्म की जिम्मेदारी थी जिसने काम किया है ठीक है उसने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए अगर वो फर्म बोलती है कि नहीं 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 हमारी जिम्मेदारी थी वो नहीं भाई लेकिन अगर वो फर्म डिनाई करती है कि नहीं हम नहीं हम दोनों रिस्पॉन्सिबल है तो प्रूफ करना पड़ेगा जो फॉर्म जिम्मेदारी उसको प्रूफ करना पड़ेगा। ये हमारे आपस में हुआ था। प्रूफ कर दोगे तो वापस जिम्मेदारी उस पर शर्फ शिफ्ट हो जाएगी और अगर प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर दोनों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी तो नॉर्मली क्या होना चाहिए वो बताइए ठीक है वो अगर रिफ्यूज करे तो प्रूफ करके बताना पड़ेगा और जिम्मेदारी उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी नहीं कर पाए तो फिर दोनों जिम्मेदारी में आ जाएंगे अब ये जॉइंट ऑडिट के क्वेश्चंस में ना ये ये ऑफ जॉइंट रिपोर्टिंग लोग कहीं कहीं पे जबरदस्ती भर देते हैं जरूरत नहीं होती वहां पर भी भर डालते हैं मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपने डिविजन ऑफ वर्क पे बात की रिलायंस पे बात की केस डिस्कस किया कंक्लूजन दे दिया जैसे मैंने आपको बताया उतना काफी है फिर यहां पर ज्वाइंट ऑडिटर्स है और एक्चुअल वैल्यूएशन को लेकर आपस में इन सबके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है डिसग्रीमेंट है कुछ लोग आपस में अग्री कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ है ठीक है और कोई बोलता है मेजोरिटी चलेंगे कोई बोलता है मेजोरिटी से नहीं चलेंगे ऐसा आपस में डिस्कशन दिया हुआ है और आखिरी बोला है जिम्मेदारियां बताओ तो फिर से एक तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब रिपोर्टिंग अलग अलग करना चाहते हैं मतलब रिपोर्टिंग की बात लिखनी पड़ेगी और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ ली तो दो बातें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी यहां पे कि भैया सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां कहां आती है ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां कहां आती है ज्वाइंट एंड सेवरल वो आपको पहले बताना पड़ेगा यू नी एक्सप्लेन दैट फर्स्ट फिर आपको रिपोर्टिंग के बारे में भी समझाना पड़ेगा तो आपको दो पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा यहां पे बच्चे गलती ये कर सकते हैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन करके आ गए सिर्फ रिपोर्टिंग एक्सप्लेन करके आ गए दोनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस बात का आप ख्याल रखिए तो आप समझ रहे कैसे ठीक है आपको आइडेंटिफाई करना है कि, कि भाई मुझे ऐसे के कौन से कौन से पार्ट लिखने यहां पे वो आपको आइडेंटिफाई करते जमना चाहिए और अगर एक बार आपने क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं समझे तो वो आपको याद रहेगा फिर यहां पे पूछा हुआ है ठीक है सिंस द इज न्यू टू दीज ऑडिटर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट ऑडिट टू होम द वर्क हैज डिवाइडेड मैनेजमेंट हेड डिस्कशन अंडस्टूड दैट इज जॉइंटेड रिस्पॉन्सिबल ओनली ओनली फॉर द वर्क अलोकेट टू हिम वेदर और नॉट ही हैज प्रिपेयर सेपरेट रिपोर्ट ऑन द वर्क परफॉर्म्ड बाई हिम एडवाइस देखिए यहां पर भी दो बातें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है समझानी चाहिए और दूसरा रिपोर्टिंग क्या है समझानी चाहिए इन्होंने आंसर गलत दिया है इंस्टीट्यूट के आंसर्स गलत दिया है मैं बोलूंगा गलत चीजों के साथ ना चले ठीक है मैंने यहां पे नीचे नोट भी डाला हुआ है कि इन्होंने यहां पे आंसर गलत दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझाना चाहिए था और रिपोर्टिंग को समझाना चाहिए दो बातें समझानी चाहिए थी जो दो बातें पहले भी समझाई गई इसके पहले क्वेश्चन में हम एक दूसरे काम पर भरोसा कर सकते रिलाय कर सकते वो तो था ही नहीं फोकस पॉइंट सो बी केयरफुल इंटीग्रेटेड केस स्टडी थर्टी थ्री है उसमें ऐसा दिया हुआ है कि तीन जॉइंट ऑडिटर्स हैं दो लोग एक ट्रीटमेंट को सही मानते हैं और बोलते हैं उसके साथ चलेंगे एक बंदा उनकी ट्रीटमेंट को नहीं मानता है तो क्या मेजोरिटी व्यू से चलना पड़ता है क्या हम कोई व्यू से नहीं चलना पड़ता तो जो अकेला बंदा है वो क्या करेगा उसको कोई मेजोरिटी से चलने की जरूरत नहीं है वो अपना सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट डालेगा सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट कॉमन ऑडिट रिपोर्ट में सेपरेट ओपिनियन नहीं अपने आप में उसकी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट रहेगी तो आंसर इज डी परफेक्ट है पहले वाले में बोला है मेजोरिटी से चलो

कौन से फैक्टर्स हमने देखना चाहिए जब हम बेंचमार्क तय कर रहे हैं हमने थोड़ा इसका शॉर्टकट चेंज भी किया आइटम्स इन ओवन सी आइटम्स इन ओवन तो बेंचमार्क में क्या लेना वो आपको पता चल जाएगा कुछ भी कहानी बनाते पहला ऑडिट है तुम सीनियर हो जूनियर को समझाओ वो एलिमेंट्स के बारे में आपको लिखना पड़ेगा हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको रिवीजन एडिशनल इंफॉर्मेशन से कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है क्या उसको री इवेलुएट कर सकते बिल्कुल कर सकते लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत सारा बहुत सारे रिव्यूजन के अलावा और भी बातें लिखी इन्होंने ये भी समझाया कि पहले मटल्टी का इंजन मतलब ओवरऑल uh, उसका मतलब मतलब ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाते हैं उसको निकालते हैं पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल होती है फिर जरूरत पड़ने पर ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर लेवल पर हम लोग जाते हैं पहले उन्होंने बैकग्राउंड बताया थोड़ा सा ठीक है बैकग्राउंड बताए फिर उसके यूजेस भी बताए प्लानिंग स्टेज पे यूज करते हैं परफॉर्मेंस इवेल्यूशन स्टेटमेंट अनकरेक्टेड ओपिनियन सब जगह इसको यूज करते हैं ठीक है थीके? मतलब ये बैकग्राउंड थोड़ा बता रहे हैं सर हमको कैसे समझेगा देखिए ये तो क्या है कि क्वेश्चंस को देखकर ये क्वेश्चन आंसर का थोड़ा प्रैक्टिस करके बैकग्राउंड कभी भूल भी जाओगे तो हो सकता है फिर भी आपको पूरे मार्क मिले लेकिन जब भी आपके पास समय है और तो आपने हल्का फुल्का बैकग्राउंड हमेशा लिखना चाहिए रिलेटेड कॉन्सेप्ट थोड़े से और लिखने चाहिए यूजेस है फिर फाइनली रिवीजन मुद्दे की बात रिवीजन की बात करें बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं ठीक है उसके रीजंस भी यहां पे बताया है अगर लोअर लेवल करोगे तो परफॉर्मेंस मोटरिटी को बदलना है सब जगह पे समरीज दी हुई है जो ब्लू में है वो समरीज है जो ब्लू में आपको चाहिए वो समरी है और रीजंस दिए हैं तो यहां पे बिल्कुल हम उसको बदल सकते हैं ये आंसर है देखिए अब यहां पे थ्री ट्वेंटी पॉइंट आपका एमसीक्यू है यहां पे ऐसा दिया है कि हजार करोड़ के प्रॉफिट्स पिछले साल हजार करोड़ के प्रॉफिट्स थे नहीं। जिस साल ऑडिट कर रहे हो हजार करोड़ के प्रॉफिट्स है प्रॉफिट का पांच परसेंट पचास करोड़ लेकर हम लोग मटर्निटी कंप्यूट कर रहे हैं लेकिन इतनी सारी गलतियां निकली एडजस्टमेंट में इनके प्रॉफिट पांच करोड़ हो गए हम लोग किस तरीके से कंप्यूट कर रहे थे फाइव परसेंट फाइव परसेंट ऑफ दी प्रॉफिट तो पांच परसेंट ऑफ थाउजेंड करोड़ लिया था लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट बहुत कम निकल रहा है पांच सौ करोड़ आधे ही निकले तो मटरिटी कम होकर पच्चीस करोड़ हो जाएगी मतलब साल खत्म हुआ साल खत्म होने के बाद में हजार करोड़ का पांच परसेंट दिया लेकिन इतने रेक्टिफिकेशन निकले इतने स्टेटमेंट निकले तो इट एज रूज टू ट्वेंटी फाइव करोड़ अगर मर्टरिटी लेवल पहले पचास करोड़ तक की गलतियां चलती थी उससे छोटे कोई खास नहीं अब अगर पच्चीस करोड़ कर दोगे तो काम बहुत बढ़ जाएगा काम बहुत बढ़ जाएगा छोटी छोटी गलतियों को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन ज्यादा करवाने पड़ेंगे और जैसे ही मटरिटी लेवल कम करते हो छोटे मोटे आइटम्स भी चेक करने पड़ते हैं आपको पहले हो सकता है कुछ ब्रांचेस पचास करोड़ के नीचे वाली कुछ हमने छोड़ दी थी अब पच्चीस करोड़ का उसको लेना पड़ेगा तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि काम बहुत बढ़ रहा है ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे हम आ, हमारा काम बढ़ रहा है वी वॉन्ट टू चेंज द बेसिस वी वॉन्ट टू चेंज द बेसिस ऑफ मटरिटी बाई इंक्रीजिंग परसेंट ऑफ प्रॉफिट हम परसेंटेज चेंज करना चाहते हैं, हम जहां पे पांच परसेंट बोलते थे हम दस परसेंट कर देंगे तो मटरिटी लेवल सो द सिचुएशन इज ठीक है सिचुएशन ये है कि रेक्टिफिकेशन के ऐसे प्रॉफिट्स बदल गए तो पांच परसेंट ऑफ प्रॉफिट की जगह से वो बोलते हैं दस परसेंट कर लेते हैं ओके okay. देखिए पहले तो जो ऑडिटर के जो एडजस्टमेंट्स है एडजस्टमेंट होने के बाद जो आपने जो डेटा आता है ठीक है उसका उसके ऊपर जैसे अगर करंट ईयर का डेटा यूज कर, कर रहे हो अगर आप करंट ईयर का डेटा यूज कर रहे हो मटेरिटी कंप्यूट करने के लिए तो ऑडिटर के एडजस्टमेंट

ज नो सफिशियंट रीजन टू चेंज द बेसिस जो आपका फॉर्मूला है फॉर्मूला चेंज करने का रीजन नहीं है आपके पास में आज भी पांच परसेंट रेलिवेंट है तो देखो इस एग्जाम्पल में यह है पहले मटिलिटी पचास करोड़ थी अब वो पच्चीस मटिलिटी लेवल इज चेंजिंग एंड दैट शुड चेंज नो प्रॉब्लम एट ऑल बट यू कैनॉट चेंज बेसिस विदाउट वैलिड रीजन यार मेरा काम बढ़ जाएगा तो काम कम करने के लिए मैं बेसिस बदल दू सिर्फ मेरा काम नहीं बढ़ना चाहिए तो मैं पच्चीस परसेंट से बढ़कर के पच्चीस परसेंट पांच परसेंट से बढ़ करके दस परसेंट कर दो ऐसा मत करिए आपके आंसर्स में दो आंसर्स गलत है ठीक है इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ने क्या अपने रिवाइज करता रहता है बताता भी नहीं है ठीक है उसके हिसाब से उन्हें आंसर बदले है तो आप थ्री ट्वेंटी डॉट वन का बी है आंसर थ्री थर्टी पॉइंट सेवन का सी है आंसर तो वो आप बदल लीजिए वो आप चेंज कर लीजिए फिर क्वेश्चन है जजमेंट अबाउट मटेरियल आर मेड इन लाइट ऑफ सराउंडिंग सराउंड अफेक्टेड बाय क्या कोई मिस्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं डेफिनेटली उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है नेचर पे डिपेंड करता है और यूजर्स क्या सोचते हैं यूजर किस चीज को इंपॉर्ट देते हैं इन पे डिपेंड करता है तो बोल रहे द ऑइटस परसेप्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स यूजर के फाइनेंशियल नीड्स क्या है उस पर डिपेंड करता है जो बिल्कुल सही है यूजर के फिर बोथ यूजर के नीड्स क्या है एंड साइज एंड नेचर ऑफ मिशन ये भी सही है फिर साइज एंड नेचर कंपनीज कंट्रोल एनवायरमेंट तो ये तो गलत है और बेटर आंसर इज बी बोथ दोनों पे डिपेंड करता है देखिए ये आपका फोर्टी पॉइंट थ्री 40.3 है यहां पर ये लोग बात कर रहे हैं पॉइंट एस्टीमेट की तो जब एस्टीमेट बनाने होते हैं ना तो दो तरह के एस्टीमेट्स होते हैं पॉइंट एस्टीमेट जैसे एक पर्टिकुलर जब एक मैं सिंगल अमाउंट निकालता हूं उसको बोलते हैं पॉइंट एस्टीमेट कि भाई हमारे हिसाब से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होना चाहिए पचास लाख तो वो गया पॉइंट एस्टीमेट

दे वन ट ठीक है सपोज एग्जांपल के तौर पे सपोज 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 दैट इज से मैनेजमेंट का जो एस्टिमेट है दैट इज से फिफ्टी लैक्स ठीक है अब ऑडिटर का जो एस्टिमेट है उससे उसको कंपेयर करना पड़ेगा एस्टिमेट से कंपेयर करना पड़ेगा सपोज दैट इज फोर्टी लैक्स चालीस लाख रुपए ठीक है कितना डिफरेंस है दस लाख का तो जब दोनों कंपेयर करेंगे और डिफरेंस निकलेगा किस रेंज का डिफरेंस चलेगा कितना डिफरेंस चलेगा जब तक ये डिफरेंस मटेरियलिटी लेवल या उससे कम है देखिए मैनेजमेंट के हिसाब से एक एस्टिमेट है ऑडिटर के हिसाब से एक एस्टिमेट है दोनों के बीच में का डिफरेंस है कितना डिफरेंस चलेगा जब तक ये डिफरेंस मटरिटी लेवल या उससे कम रहेगा मटरिटी लेवल या उससे कम रहेगा तब तक चीजें एब्सोल्युटली फाइन है इट विल बी एब्सोल्युटली फाइन ऐसा बोल सकता हूं बिल्कुल और हम कौन सी मटर्निटी और कौन सा हम मटरिटी लेवल यूज करते परफॉर्मेंस मटरिटी लेवल जब तक ये जो डिफरेंस है ये विद इन परफॉर्मेंस मटेरिटी लेवल है तब तक इट इज एब्सोल्यूटली फाइन इसको और एक तरीका है बोलने का सपोज मैं ऐसा बोलूं कि मैनेजमेंट का सपोज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी यही हमारा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है दस लाख रुपए सपोज मैनेजमेंट एस्टिमेट पचास लाख है ऑडिटर का एस्टिमेट कितना चलेगा प्लस माइनस दस लाख की रेंज मिल जाएगी ऊपर साठ लाख तक जा नीचे चालीस लाख तक जा अगर इस रेंज में ऑडिटर का एस्टिमेट है इस रेंज में ऑडिटर का एस्टिमेट है तो डिफरेंस इज विद इन परफॉर्मेंस मटरिटी लेवल एवरीथिंग विल बी फाइन आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ठीक है बात समझिए आपको तो बहुत सिंपल है कि दोनों के बीच में का डिफरेंस परफॉर्मेंस मटरिटी या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए उसी को ध्यान में रखिए बोला है डिफरेंस टू बी इक्वल टू अर लेस देफॉर्मेंस मेटिली कवर ऑल रीजनेबल आउटकम्स परफॉर्मेंस मटिलिटी यूज करना चाहिए जब आप ये डिफरेंस आप एनालाइज कर रहे हो तो और अगर आपको रेंज बनानी है तो परफॉर्मेंस मटिलिटी के हिसाब से आपने रेंज बनानी चाहिए यहां पे और रेंज ऐसे नहीं आप इसको और थोड़ा बेहतर रेंज ऑफ एस्टीमेट ऐसे आप ऑल्टर का एस्टीमेट कितना है 40 40 प्लस माइनस 10 लाख ऑल्टर का 40 लगे इससे 10 लाख ऊपर नहीं चलेगा दैट विल बी अ प्रॉपर रेंज वो एक प्रॉपर रेंज रहेगा एक्सेप्टेबल रेंज रहेगा ऐसा हम बोलेंगे सो दैट विल बी 50 लाख टू ठीक है 30 लाख टू 50 लाख ये सही रहेगा ऑडिटर के चीज को बेस 30 लाख से टू

और उन्होंने उसको कंसोलिडेट नहीं किया है उनके पास रीजंस है कि वो कुछ काम नहीं कर पाए कुछ वैल्यूएशन नहीं कर पाए लाइब्रेडिटी के तो उन्होंने उसको कंसोलिडेट नहीं किया है। और नोट्स टू अकाउंट्स में रीजन देकर रखे ठीक है थीके? तो एज अर्ट हमने क्या करना चाहिए देखिए सबसे सारी जिम्मेदारियां मैनेजमेंट की है मैनेजमेंट ने प्रॉपर वैल्यूएशन सब करवा कर कंसॉलिडेट करना चाहिए था लॉजिकली और उन्होंने नहीं किया तो उससे मटेरियल इंपैक्ट है वो भी परवेसिव थोड़े से फिक्स एसेट गलत होंगे थोड़े से इन्वेस्टमेंट थोड़े से करंट एसेट थोड़े से करंट लाइब्रेड थोड़े से इनकम थोड़े से एक्सपेंस परवेसिव इफेक्ट है एक तो मटेरियल इंपैक्ट है आप सब जानते हैं कि अगर मटेरियल और परवेसिव इंपैक्ट होता है ऐसे सात में कवर होता है कि हम लोग एडवर्स ओपिन देते हैं तो आंसर इज बी ठीक है सात में इसको हम लोग और अच्छे से डिस्कस करने वाले हाँ मैं ये बात मानता हूं शेड्यूल थ्री में लिखा है कि कोई भी अगर आप सब्सिडी को कंसोलिडेट नहीं करते तो उसके रीजंस देने चाहिए ठीक है रीजन देना इज नॉट अ अब्सटीट्यूट फॉर कंसल्टेशन आपने एक चीज फॉलो की कि आपने रीजन दिया लेकिन आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो फॉलो नहीं की कंसोल्टेशन की ठीक है तो आपको तो ऐसे केस में हमको एडवर्स ओपिनियन देना ही पड़ेगा देखो रीजन देने वाली बात कहां पे बहुत रिलेवेंट होती है एग्जेपन की वजह से अगर कोई कंसोल्टेट नहीं कर रहा तो रीजन वो उसमें और सूट होती है लेकिन यहां पर रीजन देने से आपकी गलती कम नहीं होने वाली है. और इसके जो आंसर है अगर आप देखेंगे जो इंटीग्रेट के जो आंसर है इसमें गड़बड़ हुई है सत्रह नंबर केस स्टडी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक तो थे आप उसके ऑप्शन ठीक कर लीजिए बी सी डी सी बी और सिक्स का ए अब क्वेश्चन अगर देखते हैं डिस्कस बिथ्री कंप्लायंस प्रोसीजर्स एंड देर यूज इन इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ये पुरानी लैंग्वेज है यार कंप्लाइंस प्रोसीजर्स कंप्लायंस प्रोसीजर्स मतलब ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है तो कंप्लायंस प्रोसीजर्स कभी कभी कंप्लायंस ऑडिट हम पीएसयू में पढ़ते हैं मतलब रूल्स रेगुलेशन का कंप्लायंस लेकिन कंप्लायंस प्रोसीजर ये टर्म का मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल ही होता है और वही दिया है उसका डेफिनेशन कौन से कंट्रोल टेस्ट करेंगे नेचर ऑफ टेस्टिंग टाइमिंग ऑफ टेस्टिंग एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग पांच बातों पे फोकस करना पड़ता है डेफिनेशन है कौन से कंट्रोल्स चेक करना है हम पढ़ के आए सब कुछ ब्लू कलर में समरी है ब्लू कलर इज समरी आपका पूरा का पूरा ठीक है फिर उसके बाद आपका टाइमिंग ओके यहां पे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा उन्होंने सिर्फ नेचर ऑफ चेकिंग तो आप भी यह ध्यान में रख सकते हैं कि आप सिर्फ नेचर ऑफ चेकिंग तक बताए जब भी अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर शॉर्ट नोट पूछे टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में डेफिनेशन बताओ कौन सा कंट्रोल है नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड बहुत ज्यादा हो जाएगा इसलिए क्वेश्चन आंसर पढ़ना जरूरी होता है कि भाई कितना लिखना है जो हम पढ़कर आए उसका कितना पोर्शन लिखना है कौन सा पोर्शन लिखना है और कितना पोर्शन लिखना है इंटरेस्टिंग इंटरिम पीरियड इंटरिम पीरियड मतलब साल खत्म होने के पहले अगर आप ऑडिट करने के लिए जाते हो हैं मुझे तो याद आता है कि हम लोग बड़े बड़े ऑडिट्स में थर्टी फर्स्ट डिसंबर का ही एंडिंग करवा देते हार्ड क्लोजिंग बोलते थे मतलब थर्टी फर्स्ट डिसंबर तक की सभी चीजें पहले चेक करवा लो और पूरा ट्रायल बैलेंस चेक करवा देते और उसके बाद फिर जैन फे मार्च की साइमलटेनियटाफट मार्च खत्म हुआ कि अप्रैल में फटाफट रिपोर्ट दे सके रिलायंस का तो ऐसे होता है पंद्रह बीस अप्रैल तक रिपोर्ट आ जाती है, यार। है, तो इनका कहना है कि ऑडिट टीम गई और उन्होंने इंट्रीम पीरियड कैन बी यूज ऑफकोर्स इट्स ऑडिट पर हम तो पिछले साल का भी यूज करते हैं पीरियड का ऑडिट डेफिनेटली हम लोग यूज कर सकते सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी इंट्रीम पीरियड की चेकिंग के बाद में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस इन कंट्रोल हुए क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर चेंजेस हुए तो चेंजेस से क्या इंपैक्ट हुआ देखना पड़ेगा और उसकी भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी इंट्रीम चेकिंग है अगर मतलब, uh, भी नहीं, मतलब कितना है सिर्फ तीन महीने बाकी है पता इंट्रीम चेक होने के बाद अभी और नौ महीने बाकी है दस महीने बाकी है ग्यारह महीने बाकी है अगर जितना ज्यादा समय बाकी रहेगा उतना आपने और चेकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए तो डेफिनेटली इंट्रीम पीरियड इंट्रीम पीरियड में जो हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया उसका एविडेंस डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं उस पर रिलाई कर सकते हैं भरोसा कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ आपको देखना है कि इंट्रीम पीरियड का चेकिंग होने के बाद कितने चेंजेस हुए सिग्निफिकेंट चेंजेस और लेंथ ऑफ रिमेनिंग टाइम पीरियड कितने ठीक है महीनों के लिए आपको एविडेंस यूज किया मतलब आपने चेक किया अप्रैल में जून तीस जून को नौ महीने बाकी है दिसंबर में चेक किया तीन महीने बाकी है नौ महीने बाकी है तो और थोड़ा सोचना पड़ेगा शायद चेकिंग करने के बारे में ध्यान देना पड़ेगा और यहां पर कहानी में ट्विस्ट भी है ठीक है कंट्रोल किस चीज का हम आगे जाके ऐसे फाइव फिफ्टी में हम ये पढ़ते हैं रिलेटेड पार्टीज को लेकर कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होनी चाहिए ताकि रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई एक सिस्टम होना चाहिए लॉयर होने चाहिए कंपनी सेक्रेटरी चार्ड अकाउंटेंट्स जब भी कोई इन्वेस्टमेंट हो रिलेटेड पार्टी है क्या सोचे हमारे अंदर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया कोई रिलेटेड पार्टी का सोचो ठीक है रेगुलर बेसिस पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पार्टी के सोचो हमारे कंपनी में सिस्टम होना चाहिए कि भाई हर महीने या हर क्वार्टर में बैठकर हम हम लिस्ट अपडेट करें रिलेटेड पार्टीज की इन्वेस्टमेंट्स को देखकर शेयर होल्डर रजिस्टर्स को देखकर डायरेक्टर रजिस्टर्स को देखकर अग्रीमेंट्स को देखकर एंड सो ऑन फिर उनके ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई हो उसके प्रॉपर अप्रूवल हो प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो समरी बने डिस्कलोजर हो यू नीड वेरी गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स गुड टीम गुड सॉफ्टवेयर गुड रिकॉर्ड्स फॉर रिलेटेड पार्टी मतलब रिलेटेड पार्टी के कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं और उसमें फिर ऐसा बोल रहे हैं कि इंट्रीम चेकिंग हुई है तो हमको ऐसे फाइव फिफ्टी का रेफरेंस देना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे ऐसे फाइव फिफ्टी का हमको रेफरेंस देना पड़ेगा और ऐसे फाइव फिफ्टी का रेफरेंस देना पड़ेगा और उसमें बताना पड़ेगा ठीक है फाइव फिफ्टी का रेफरेंस देकर क्या बताना पड़ेगा कि ऐसे 550 फिफ्टी रेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की ऑडिट के लगता है और उसमें ऐसा बोला यस कंपनी के अंदर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए आइडेंटिफाई करने के रिलेटेड पार्टीज उनके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन उसके अप्रूवल्स उसकी, उसकी रिकॉर्डिंग उसका समरी उसका शुड बी प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक है ऐसे फाइव फिफ्टी बोलता है कि रिलेटेड पार्टीज की रिस्क रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में जहां पर भी रिस्क है यू हैव टू परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर ही आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स तो ऐसे 550 फिफ्टी से वी शुड आइडेंटिफाई रिस्की रिलेटेड पार्टी रिस्क कहां कहां पे आपने आइडेंटिफाई करना है उसके लिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ठीक है तो 550 550 आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने के बारे में बोलता है रिलेटेड पार्टी के ऊपर वो बताओ ठीक है तीस के अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल का डेफिनेशन बताओ कौन से कंट्रोल्स वो बताओ नेचर टाइम एक्सड इन शॉर्ट बताओ ये आप कट कर देना लाइन क्योंकि मॉड्यूल ने छाप दिया

इंट्रीम पीरियड के बाद जो टाइम बच गया साल एंड तक उसके बारे में तो ये तीन बातें आपको समझाना है कि भाई हां पांच सौ पांच पार्टी से डील करता है जहां पर भी रिस्क मिले फर्दर प्रोसेज लगाओ फर्दर प्रोसियर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल आता है तीन भी बात करता है वो बताओ और इंट्रीम पीरियड ठीक है ये ये ऑल टूगेदर इट्स इट्स अ गुड थिंग इट्स अ यूनिक थिंग इंट्रीम पीरियड की बात कर रहे हैं हमारे मॉडल में नहीं है हमारे मॉडल में नहीं है अभी तक पास्ट एग्जाम कहीं पर भी नहीं आया था ठीक है इस आरटीपी में नवंबर 21 के आरटीपी में इसका आगमन हुआ का पिछले साल पे भरोसा कर सकते क्या ऑफकोर्स उसके फैक्टर्स है कितने साल तक करना कब रीटेस्ट करना इसके फैक्टर्स है पीएम और सीएम चीफ गेस्ट है उनसे पूछो हम पढ़कर है वो शॉर्टकट आप यूज करिए मैंडेटरी मेटर आइटम्स में क्या लगाना इफेक्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम लेते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में सोचो क्लोजिंग प्रोसेस के बारे में सोचो पांच बातें समझानी पड़ती है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लगा नहीं लगाना नवंबर ट्वेंटी वन एग्जाम में क्वेश्चन आया वो ओके ऑब्जेक्टिविटी नॉलेज एबिलिटी एंड विलिंगनेस पढ़कर हम लोग वेदर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसियर टू बी परफॉर्म अब यहां पर ये पूछ रहे हैं ठीक है कंप्लीटनेस ऑफ ट्रेड पेबल मैनेजर ने बोला कि तू कंप्लीटनेस ऑफ ट्रेड पेबल चेक कर ठीक है कंप्लीटनेस के बारे में एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन आया जिसमें ऐसा दिख रहा है कंप्लीट में कुछ छूट गया सिक्सटी थाउजेंड हायर देन द रिकॉर्डेड इन ट्रेड पेबल लेजर कंप्लीटनेस में बोले कंप्लीटनेस चेक मतलब मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि ट्रेड पेबल में कुछ चीजें मिसिंग है समथिंग इज मिसिंग और एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन आया उसमें भी ऐसा दिख रहा है कि रिकॉर्डेड बैलेंस कम है और सामना लेने जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन उसमें ज्यादा है कुछ मिसिंग है तो के के लिए 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 है उसके लिए, completeness के लिए तुम क्या करोगे कौन सी लगाओगे तो यहां पे चार अलग अलग दी हुई है ठीक है परचेस ऑर्डर का डेट बराबर है ना वो कट ऑफ वाली प्रोसीजर्स है ईयर एंड में क्रेटर का पेमेंट बराबर हुआ ना पेमेंट हुआ मतलब क्रेटर एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्टेंस के लिए है. Confirmation, ये भी एग्जिस्टेंस के लिए बेस्ट है जीआरएन जितने गुड्स मिल चुके हैं जितने गुड्स मिल चुके हैं करस्पॉन्डिंग हैं ना उसका परचेस रिकॉर्ड है ना ट्रेड पेबल रिकॉर्ड है ना दैट इज बेस्ट फॉर कंप्लीटनेस तो देखो देर कैन बी डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉर डिफरेंट असरशन पहला जो प्रोसीजर है कि भाई जितने आखिरी आखिरी के जीआरएन मिले हैं जितने गुड्स हमको मिले हैं सबका परचेस बुक हुआ है ना ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गुड्स मिल गए और परचेस बुक नहीं हुआ दैट इज चेकिंग कंप्लीटनेस फिर यहां पर एक कंपनी है पीटी जैसे पीटी कैट का था ये सैंपल वाले जो क्वेश्चन है अजीबो गरीब है बहुत ही सबसे पहले इश्यू किए थे इंस्टीट्यूट ने सैंपल वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं और अब ये लोग एक्सपांशन का सोच रहे हैं दिंक ऑफ एक्सपांशन उनके नॉन करंट एसेट्स है लैंड बिल्डिंग वगैरह होंगे वैल्यूएशन कैसे चेक करेंगे वैल्यूएशन ठीक है अब वैल्यूएशन कैसे निकलता है लैंड एंड बिल्डिंग का फर्नीचर का फिक्स एसेट्स का कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो चीजें रहेगी वो वैल्यूएशन से रिलेटेड है एंश्योर डिस्पोजल्स आर प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर एंड रिकैलकुलेट गेन लॉक जब बेचा जाता है एसेट उसको बराबर

कि भाई कोई कैपिटल नेचर आइटम तो नहीं है जो इसको हमको इंक्लूड करना था मुझे तो लगता है ये भी है, ये भी भी क्लोज है है वैल्यूएशन से रिलेटेड फोर बोर्ड मिनट्स ऑथोराइज था ना डिस्पोजल डिस्पोजल तो नहीं था था ठीक है ऑथराइज ना और फिक्स एज ए रजिस्टर में एंट्री आई ना ये मुझे एकदम वैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं लगता भाई सोच लगताइजेशन से ऑथराइज था ना ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन रियल है ना वो मुझे ज्यादा लगता है इट्स नॉट वैल्यूएशन रिलेटेड सैंपल बेस्ड पे एडिशन मार्क एडिशन ठीक है जो भी एडिशन थे वो सही एडिट जो इस साल के एडिशन है उसकी कॉस्ट बराबर इंक्लूड की ना ये भी वैल्यूएशन से कनेक्टेड लगता है फिजिकल कंडीशन ये तो पक्का फिजिकल कंडीशन डैमेज तो नहीं है देखो मैंने टू वन सिक्स को मार्क किया है ऑनेस्टली स्पीकिंग छ है छ में से मुझे सिर्फ एक आइटम चौथे नंबर का चौथे नंबर का एक आइटम मुझे लगता है ठीक है जो वैल्यूएशन uh, का नहीं लगता अब वन टू अब क्या इट इज मुझे मेरे हिसाब से आंसर था वन टू थ्री फाइव सिक्स ऐसा है ही नहीं वन टू थ्री फाइव सिक्स है ही नहीं सबसे क्लोज जो है वन टू फाइव सिक्स मतलब मैं बोला थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल एमसीक्यू और एमसीक्यू इज ऑलवेज सिलेक्टिंग द बेस्ट अमंगस्ट ऑल यार ये तो पक्का है कि डेप्रिसिएशन वाला वैल्यूएशन में आना चाहिए ये भी पक्का है कि फिजिकल कंडीशन वाला आना चाहिए वन भी आना चाहिए बेस्ट आंसर मेरे हिसाब से होता लेकिन वैसा तो है ही नहीं ऑप्शन तो बेस्ट मैं बोलूंगा कि बेस्ट आंसर नॉट परफेक्ट आंसर वन टू फाइव सिक्स ये सब के सब वैल्यूएशन कहीं पे कॉस्ट पे इंपैक्ट है कहीं पे कॉस्ट पे इंपैक्ट है कहीं पे डेप्रिसिएशन पे इंपैक्ट है कहीं जो बैलेंस अकाउंट का उस पर इंपैक्ट है यहां पर वापस रेवेन्यू ऑफ करंटर दस परसेंट से इंक्रीज हो गया ऑक्रंस ऑक्रंस को चेक करना है

फिर यहां पर नॉट अ सबस्टैंडिव प्रोसीजर टू बी यूज कौनसी इसमें से प्रॉपर्टी प्लान और इक्विपमेंट को चेक करने की बात हो रही है कौन सी ऐसी चीज है जो प्रॉपर्टी प्लान और इक्विपमेंट के चेक करने की बात नहीं है नहीं है देखिए यहां पे पहले इसमें लिखा हुआ है कि आप लिस्ट लीजिए एडिशंस कितने हुए है

वो भी सही है री ऑफ डेप्रेशन चार्ज ऑन एडिशनल डिस्पोजल मेड मैं आपको अगर बोलू तो ये डी वाला भी वैल्यूएशन से कनेक्टेड है वैल्यूएशन से कनेक्टेड है अब इन्होंने वापस चारों की चारों प्रोसीजर आपकी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से कनेक्टेड है लेकिन कौन सी लेस कनेक्टेड है कौन सी चीज लेस कनेक्टेड है तो डी इसका फोकस डेप्रिसिएशन पे ज्यादा है डेप्रिसिएशन पे ज्यादा इसका फोकस एज कंपेयर टू प्रॉपर्टी प्लेट वाई याद क्वेश्चन है यार

फॉलोइंग सबसे ऑइटर डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट डेप्रिसिएशन से कनेक्टेड चीजें बताइए ठीक है डेप्रीसिएशन एसेट्स की लाइफ चेक करना रेसिडल वैल्यू बराबर है ना ये चेक करना ठीक है बजट में आपने अगर आपने चेंज किया है अगर आपने यूजफुल लाइफ चेंज किया है तो आपने बजट में बनाया चेंज किया तो इसके बाद में कब दूसरा एसेट आएगा आपने जो यूजफुल लाइफ लिया है उसी यूजफुल लाइफ के हिसाब से आप तय करो कि नया एसेट कब आएगा रिप्लेसमेंट कब होगा ठीक है तो आपकी यूजफुल लाइफ और आपकी बजट की प्लानिंग इट शुड मैच अगर आपने बोला यूजफुल लाइफ साल साल है तो बराबर पांच साल के बाद नया एसेट आ रहा रिप्लेस होगा ये बजट में दिखना चाहिए कैपिटल बजट में तो यूजफुल लाइफ चेक करना इसका डायरेक्ट इंपैक्ट डेप्रिसिएशन से है ठीक है परचेसेस आपने कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू बराबर किए है क्या ठीक है ये डिस्पोजल्स की अकाउंटिंग बराबर की क्या डिस्पोजल इतना कनेक्टेड नहीं है, है, है। फुल्ली डेप्रिशिएट जो जीरो के चांसेस ज्यादा होते हैं चेक करना पड़ता है चोरी तो नहीं हुई एक्सिस्टेंस के लिए काम का है वो आखिरी वाला पॉइंट लेकिन सबसे बेटर तो ए

फिर जनरल लेजर का बैलेंस मैच करो बराबर देखो बैंक स्टेटमेंट से बैलेंस चेक करो जो चेक आपने इश्यू किए थे तो सब्सिक्वेंटली बराबर पे हो गए ना डिपॉजिट के पैसे मिल गए ना ये सब बैंक रिको चेक करने की बात आती है बैलेंस हाउस पर जनरल लेजर बराबर ना बराबर बैंक रिको में आता है बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट बराबर बैंक रिको में आता है स्क्रूटिनाइज कैश बुक एंड बैंक कैश एंड बैंक स्टेटमेंट बिफोर एंड आफ्टर द पीरियड एंड फॉर एक्सेप्शनल एंट्रीज एक्सेप्शन एंट्रीज और ट्रांसफर्स विच आर मटर इफेक्ट ऑन द बैलेंस शीट साल खत्म होने के ठीक है बड़ी बड़ी एंट्रीज देखो बड़ी बड़ी एंट्रीज कैशअ बैंक का काम है लेकिन बैंक रिको से कोई मतलब नहीं उसका बैंक रिको से मतलब नहीं आंसर इसी वैल्युएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नॉट वैल्युएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस से किसका कनेक्शन नहीं है परसेंटेज कंप्लीशन डायरेक्ट कनेक्शन है

और प्रॉब्लम में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वो लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करते हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअल से बहुत अलग तो नहीं है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करना अलाउड है अलग तो नहीं है ठीक है द परसेंटेज कंप्लीशन इफ दे आर इन अकॉर्डिंग विद एएसएम पॉलिसीज देखो परसेंटेज कंप्लीशन कंप्यूट किया जाता है ठीक है कंप्यूट किया जाता है पॉलिसी यह है कि परसेंटेज कंप्लीशन निकालो और स्टैंडर्ड कॉस्ट लगाओ पॉलिसी यह है परसेंटेज परसेंटेज कंप्लीशन कंप्लीशन निकालो और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाओ जितना है उतना है उसमें अंदाजा नहीं लगाना पड़ता तो जाके काउंट करना पड़ेगा ठीक है जाके देखना पड़ेगा तो यहां पर वापस मैं बता रहा हूं ये जो सैंपल वाले पेपर्स है एमसीक्यूज है बहुत ही गंदा खेला इन्होंने बहुत ही गंदा ठीक है इन सब में स्टैंड कॉस्ट वाला आना ही चाहिए डब्ल्यू आई पी परसेंटेज आना ही चाहिए परसेंटेज कंप्लीशन निकाला जाता है स्टैंड कॉस्ट लगाया जाता है वो पॉलिसी है परसेंटेज कंप्लीशन पॉलिसी के हिसाब से नहीं कि भाई फिफ्टी परसेंट कर दो हंड्रेड परसेंट कर दो तो सी अमंगस्ट ऑल सी इज लेस रेलेवेंट ऐसा मैं बोल रहा हूं लेस रेलेवेंट अब यहां पर पूछा है हजार करोड़ का टर्नओवर है सात प्लांट है इनके बेसिकली प्रॉब्लम यह हुआ है कि इन्वेंट्री काउंट करते वक्त कुछ इन्वेंट्री इन्वेंट्री काउंट करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्वेंट्री के छूट गए इन्वेंट्री के डॉक्यूमेंट छूट गए इनके भाई साहब फाइव करोड़ की इन्वेंट्री के डॉक्यूमेंट छूट गए ठीक है क्या करना चाहिए मटेरियल नहीं है छोड़ दो ए वाला गलत है सी में लिखा हुआ है नॉट रिलेवन मटेरियल अब कैसे रिलेवन मटेरियल नहीं है तीन हजार करोड़ का टर्नओवर है प्रॉफिट जितने भी होंगे ईएमपी में डाल दो अरे गलती है ये सरासर गलती है सरासर गलती है ये अगर ये सरासर गलती है ना भाई साहब तो आपको यहां पे मॉडिफाई करना पड़ेगा आपका ओपिनियन परफेक्ट आंसर इज बी बी सही है देखिए क्वेश्चन बार-बार ये पूछा जा पूछा गया कि जब आप जब आउटसोर्सिंग होती है अवॉइड करने जाते हो तो आपने क्या जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए या फिर ऐसा पूछा जाता है आप कैसे असेस करेंगे इस सिचुएशन को कैसे असेस करेंगे तो असेस करने के लिए जानकारी इकट्ठा करनी होगी और हम पढ़ के आए चार सर्विसेस चार जानकारी सर्विसेस की और चार करी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होंगे वॉट विल बी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होंगे तो हम पढ़कर आए भी अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं ठीक है आपके अग्रीमेंट्स है आपका सिस्टम ओवरव्यू है टेक्निकल मैनुअल यूजर मैनुअल अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स है उससे भी अगर जानकारी आपको नहीं मिल पाई ठीक है तो आप एडिशनल क्या प्रोसीजर लगाओगे एडिशनल आप क्या प्रोसीजर लगाओगे एडिशनल प्रोसीजर भी हम पढ़कर आए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लो टाइप वन टाइप टू रिपोर्ट मंगा लो किसी और को भेज दो खुद चले जाओ बहुत बार यह पूछा गया ठीक है न्यू कोर्स में एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है ओल्ड कोर्स में बहुत पहले तड़प रहा ये क्वेश्चन आने के लिए कैसे तय करें कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज है वो रेलिवेंट है क्या हमारे ऑडिट के लिए वो हमारे लिए रेलेवेंट होंगे विल टू द ऑडिट इफ इट्स रेलिवेंट फॉर बिजनेस प्रोसेस इफ इट्स रेलवेंट फॉर द बिजनेस प्रोसेस के लिए रेलिवेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए रेलवेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रेलवेंट है कहीं पर भी रेलेवेंट होगा तो हमारे लिए रेलवेंट होगा और जनरली कौन सी चीजें रेलेवेंट मानी जाती है उसका एग्जाम्पल्स देखकर हम लोग ई टेप करके शॉर्टकट कर, यहां पे अलग से शॉर्टकट है ई वाला बेटर है वो यूज करना सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पांच ऑर्गे समझनी है है वो भी देखना पड़ता वही तरह के चार प्लस चार फैक्टर्स देखने पड़ते हैं दो तरह की रिपोर्ट होती है अगर इंक्लूसिव रिपोर्ट है कुछ करना नहीं पड़ेगा कारवाउट रिपोर्ट है तो मेहनत करनी पड़ेगी फोर जीरो टू लगाना पड़ेगा रेफरेंस ऑफ टाइप वन टाइप टू रिपोर्ट थोड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग करके दिया हुआ है पेरोल अकाउंट्स ये इन्होंने कहानी बताई है ठीक है और कहानी में कहानी तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा घुमाई घुमाई है गोल गोल कुछ है नहीं उसके अंदर ठीक है एक ने पेरोल का, का काम दूसरे को दिया दूसरे ने तीसरे को दिया सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ कहानी में फिर बाद में टाइप टू रिपोर्ट मिल रही ठीक है वो भी कार्रवा रिपोर्ट है उसको भी लेकर आगे कहानी में पूरी कहानी कहानी बहुत बनाई है मुद्दा यह है कि आर्टिकल ने एक ऑडिट रिपोर्ट बनाई और उसने रेफरेंस दिया है टाइप टू रिपोर्ट को फाइनल ओपिनियन अनमोडिफाइड है अनमोडिफाइड ओपिनियन में उसने रेफरेंस देकर रखा है तो आपको समझाना पड़ेगा कि अगर आप अन रिपोर्ट दे रहे हो तो रेफरेंस देने की जरूरत नहीं होती कभी भी अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ सिर्फ मॉडिफाई करते तो रेफरेंस देना पड़ता है अगर रेफरेंस दो भी तो बताना पड़ता है डिमिनिश इट डजंट डिमिनिश द रिस्पांसिबिलिटी तो आर्टिकल ने जो रेफरेंस दिया वो गलत किया है सीनियर बोलता है रेफरेंस निकाल दो तो बिल्कुल सही है रेफरेंस निकाल देना चाहिए सीनियर की बात बिल्कुल सही है बिल्कुल 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 सही है सीनियर की बात उसका रेफरेंस निकाल देना चाहिए अब देखिए थर्ड पार्टी को आउटसोर्स मारा है ऐसा बोल रहे आउट ऑफ पेरोल हो रहा है ठीक है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए टाइप टू की बात कर अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइप टू की बात कर रहे हैं पहले में और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए टाइप टू की अंडरस्टैंडिंग के लिए वन और टू दोनों चलता है दोनों चलता है इसलिए सी आंसर परफेक्ट है कि भाई अंडरस्टैंडिंग के लिए वन और टू दोनों चलता है लेकिन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए सिर्फ टू चलता है सी आंसर इज परफेक्ट बी में लिखा है अनमोडिफाइड को रेफर करना गलत ठीक है और डी तो ऐसी बकवास है

वो बोलता है आई एसओ सर्टिफाइड है ठीक है सर्टिफाइड का तो कोई रेफरेंस ही नहीं है तो जहां जहां पे आई सर्टिफिकेशन है वो तो निकाल दो इंसिस्ट ऑन कंडक्टिंग ऑडिट इन थर्ड पार्टी ऑडिट थर्ड पार्टी का ऑडिट नहीं करना है वहां पे जहां जो क्लाउड सर्विस है वो लोग किस तरह के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना के रखे ताकि अनऑथराइज एक्सेस ना हो कोई भी चेंजेस या मैनुपलेन की रिस्क ना हो उसके कंट्रोल्स कैसे है वो कंट्रोल्स बराबर है ना उस पर रिपोर्ट चाहिए हमको परफेक्ट आंसर इज डी हमको उनका ऑडिट करने में इच्छा नहीं है वहां पे जो कंट्रोल्स है आर कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली वो हमको देखना है तो डी इज परफेक्ट देखिए ये क्वेश्चन फोर है सोर्स ऑफ मिस्टेटमेंट आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ मिस्टेटमेंट सोर्सेस ऑफ मिस्टेटमेंट भाई स्टेटमेंट का मतलब समझा दो और सोर्सेस समझाते हैं ओमिशन से लेके आखिरी में अनरीजनेबल एस्टिमेट तक समझा दो एक सीक्वेंस में सोर्स पूछा है सोर्सेस ऑफ मिसस्टेटमेंट ठीक है आखिरी बार बहुत पहले पूछा था लेकिन बहुत सिंपल है स्ट्रेट फॉरवर्ड है आ सकता है भैया इंटर ए कोर्स से निकाल दिया तो आ सकता है इंपैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट अनकरेक्टेड अब यहां पर एक ऑडिट कर रहे हैं हमने बोला उनको कि रेक्टिफिकेशन करो और वो अब इसका क्या इंपैक्ट होगा अब सीधा अनकरेक्टेड स्टेटमेंट से शुरू करते थे पूरा लाइन से समझा दो पूरा लाइन से मिस्टेटमेंट मिला तो क्या करना वो लाइन से पूरा का पूरा समझा दो भैया द कंप्लीट थिंग पूरी चीज आपने लाइन से पूरी आपने कवर करनी चाहिए पूरी के पूरे दस पॉइंट देखिए क्या क्वेश्चन मे 21 में क्वेश्चन पूछ लिया था इंक्वायरी पे स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्वायरी पे क्वेश्चन पूछ लिया था इंक्वायरी नहीं की इन्होंने ऐसा बोला है कि इन्होंने इंक्वायरी नहीं की भाई इंक्वायरी तो बेसिक चीज यार बिना कॉल्ड हो ही नहीं सकता इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्वायरी तो वही डेफिनेशन ओरल रिटर्न रिस्पॉन्सिस देख कर हम लोग इवेल्युएटिंग वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए उसका काम इवेल्युएट करते वक्त तीन स्टेप हमको लगना पड़ेगा ग्रेचुअटी लाइब्रिटी एक्सपर्ट निकाले एज सिक्सटी फाइव एज अगेंस्ट एग्जिस्टिंग ऑफ सिक्स रिटायरमेंट एज यहां पे बोला है कि एक्चुअली ने 65 लेकर चला है जबकि कंपनी अभी सोच रही है प्रपोजल तो यार ये मिसमैच है वो जो डेटा यूज कर रहा है और जो डेटा कंपनी का है जब तक डेटा अप्रूव नहीं करती सिक्सटी के हिसाब से ही चलना चाहिए ठीक है लेकिन उसके अंदर बातें वही थी सिर्फ एक पासिंग कमेंट डालना है कि भाई कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से चलना पड़ेगा एक्सपर्ट रिस्पांस की जिम्मेदारी क्या रहेगी वी कैन डेलीगेट वर्क नॉट डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेट जिम्मेदारी हमारी है एक्सपर्ट रिपोर्ट देता भी है और गलत हुई तो क्या होगा ठीक है अगर हमने प्रूव किया कि हमने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को ध्यान में रखकर प्रॉपर एक्सपर्ट का इवेल्यूट करके भरोसा किया हमने ऐसे बराबर फॉलो किया वी आर नॉट रिस्पांसिबल, हम अगर केयरलेस थे वी आर रिस्पांसिबल, कैसे इवेल्युएट करेंगे तीन स्टेप्स वही तीन स्टेप है स्टेप वन टू थ्री एक ऑथर्स नॉट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन इज साइलेंट वी कैन अज्यूम

एडवोकेट की जो रिपोर्ट थी वो प्राइमा फेसी काफी गलत थी उसमें काफी प्रॉब्लम्स थे ठीक है उसी चीज को तीन और पांच करोड़ के हिसाब से भी रिपीट किया इसका आंसर उन्होंने ऐसे ऐसे फाइव हंड्रेड का रेफरेंस दिया कि ऑडिट एविडेंस वो हमको बताता है कि कभी कभी ऑडिट के दौरान मैनेजमेंट ठीक है मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स uh, की रिपोर्ट उसको दी जा सकती है अलग अलग चीज़ों के लिए यूजफुल लाइफ के लिए इन uh, के लिए प्रोविजन्स के लिए लिटिगेशन के लिए करेक्ट ये या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये आ सकता है तो ऐसे फाइव में मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट ऑल्टर को मिल सकती है वो इवेल्यूट करके भरोसा कर सकता है इट इज वेरी मच पॉसिबल तो आप ऐसे 500 का रेफरेंस दीजिए मैनेजमेंट एक्सपर्ट बताइए उस पर भरोसा कर सकते हैं ब्रॉडली तीन स्टेप्स लगते हैं वो भी बताइए लेकिन यहां पर इतना बड़ा डिफरेंस है और इतनी लीगल चीजें लीगल चीजें बराबर बराबर लॉ को बराबर इंप्लीमेंट नहीं किया गया था प्राइमा फेस ही ऐसा ठीक है इन्होंने इससे समझ में आता है देखिए ऑडिटर को ये पूरा एक्सपर्ट का काम चेक करके भरोसा करना था प्राइमा फेसी डिपेंडेबल है 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 ना पूरा देखना था ये जो तरह का मिसमैच दिख रहा रहा उससे समझ में आ रहा है कि ऑडिटर ने एक्सपर्ट का, का काम बराबर चेक नहीं किया बराबर स्टडी नहीं किया बराबर इवेलुएट नहीं किया बराबर तीन स्टेप्स नहीं लगाए ठीक है ऑडिटर ने ओपिनियन रिजेक्ट करना चाहिए था एक्सपर्ट का अगर इतने मिसमैच है तो तो इस केस में वो उनका कहना है अगर यहां पर उन्हें बोला ऑल्टर ने एक्सेप्ट किया कि बस एक रिपोर्ट मिली है, ऐसा बोला हुआ है तो हम बोलेंगे हम रिजेक्ट करेंगे कि यार उसका बराबर नहीं लग रहा तो आप ऐसे फाइनल का रेफरेंस दीजिए मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में समझाइए तीन स्टेप का ओवरव्यू दीजिए और हमेशा जिम्मेदारी है प्राइमा फीस बराबर है ना चेक करना पूरा लगाना तीन स्टेप्स लगाकर और उसके बाद ही उसने अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए यहां पर इनकंसिस्टेंसी है बहुत ज्यादा मिसमैच है बहुत ज्यादा मिसमैच है ठीक है

केस का डिस्कशन करिए कि इतने बड़े बड़े डिफरेंस uh, मतलब जब लॉ के हिसाब से चीजें बराबर नहीं थी ठीक है तो ऑर्डर लॉ के हिसाब से चीजें बराबर नहीं है तो वो जो अगर बराबर नहीं है तो इनकंसिस्टेंसीज को रिजोल्व करना चाहिए था इनकंसिस्टेंसी है कि भाई लॉ कुछ और बोल रहा है आपने ट्रीटमेंट कुछ और किया है वो इनकन्सिस्टेंसी को लेकर बैठना चाहिए था रिजोल्व करना चाहिए था और जानकारी लेना चाहिए कौन सही है कौन गलत है वो केस का डिस्कशन करिए और कंक्लूजन ऑडिटर ने वो रिजेक्ट करना चाहिए था रिपोर्ट को उसके बेस पे प्रोविजन नहीं बनाना चाहिए था जो सही प्रोविजन आ रहा है उसके हिसाब से बनवाना चाहिए एक्सपर्ट तो भगवान हो गया उसी को फॉलो करो ऐसा नहीं होता है देखिए एमसीक्यूस ऐसे 500 में क्वालिटी मतलब एप्रोप्रिएटनेस इसके 500.3 का है बी आंसर है क्वालिटी मतलब एप्रोप्रिएटनेस बहुत ही सिंपल है फिर 500.5 के अंदर ऐसी कहानी है कि एम्प्लॉज uh, के बारे में डेटा दिया है और एम्प्लॉयज के वेजेस और सैलरी को लेकर कौन सा सबसे ज्यादा रिलायबल है मोस्ट रिलायबल कौन सा होगा पहले में लिखा है कि ऑडिट टीम मेंबर पूरा कैलकुलेशन खुद कर लेता है है फिर अगले में लिखा है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर से मिल रहा है फिर अगले में लिखा है फाइनेंस डायरेक्टर से ओरल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है फिर अगले में लिखा है कि इंटरनल ऑडिटर का बंदा सैंपल बेस पे कुछ चीजें चेक कर लेता है बेस्ट कौन सा है हमारा बंदा सब कुछ कैलकुलेट करता है बेस्ट है फिर इंटरनल ऑडिटर का बंदा सैंपल बेस पे कुछ कैलकुलेशन करता है वो अच्छा एविडेंस है, है फिर उसके बाद में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर से आता अच्छा है फिर वर्बल कम्युनिकेशन आता फिर वो तो आंसर बी है उसका फिर यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक कंपनी है उसके दो प्लांट है उन्होंने अभी रिसेंटली यूजफुल लाइफ को रीअसेस करवाया एक एक्सपर्ट से और उसको रीस्टेट किया रीअसेस एक्सपर्ट का पूरा उन्होंने यूजफुल लाइफ चेंज किया अब एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट मैनेजमेंट को दे दी सब कर लिया ऑर्डर बहुत नाराज हो रहा है वो बोलता है कि हमेशा एक्सपर्ट जब भी रहेगा एक कॉपी डायरेक्टली उसको मिलनी चाहिए ही शुड गेट वन कॉपी डायरेक्टली उसको आनी ही आनी चाहिए ताकि उसको पूरा विश्वास हो भरोसा उसी एक्सपर्ट से आ रही है न, रिपोर्ट अब तुमने नहीं दिया तुमने नहीं किया अब मेरा काम बढ़ गया बोले तुमने रिपोर्ट नहीं दी ठीक है इसलिए अब मुझे जाकर उसके एक्सपर्ट के डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे उसका काम और ज्यादा हमको चेक करना पड़ेगा रिपोर्ट दे तो चेक नहीं करना पड़ता ऐसा ऑडिटर बोल रहा है मैनेजमेंट बोलता है कि मैं चेक करने नहीं दूंगा दोनों कहीं ना कहीं गलत है

तो फिर मैनेजमेंट भी गलत है इसलिए दोनों कहीं ना कहीं गलत है अगर हम बात करते ओनरशिप की ओनरशिप और प्रॉपर्टी के लिए बेस्ट कौन सा है नहीं, वो तो के लिए। उसके डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट उसके जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है वो सबसे बेस्ट चीज है उसके लिए पीछे आंसर गलत है 500.7 का सी नहीं आंसर बी आंसर है तो वो देख लीजिए और 500.8 कॉपी पेस्ट सेम है कॉपी पेस्ट सेम है बेस्ट डॉक्यूमेंट जो टाइटल डीड्स है जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स है ठीक है प्रॉपर्टी सब रजिस्टर के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सबसे बेस्ट है वो ही दिया हुआ है देखिए ये एग्जाम क्वेश्चन था यहां पे बताइए बोले प्रोसीजर्स इफ कंडक्टेड एट डेट अदर देन तो पहले वो कहानी बता रहे डिस्टर्बेंस है रीजन के अंदर तो ईयर एंड पे नहीं कर पा रहे कोई भी रीजन हो सकता है डिस्टर्बेंस है माहौल ठीक नहीं है ऐसा अगर कुछ है तो इन्होंने पहले पांच सौ एक का रेफरेंस देखकर फिजिकल वेरिफिकेशन आप पांच सौ एक का फिजिकल वेरिफिकेशन आप कैसे करते वो बताना चाहिए फिर यहां पर कुछ रीजन है कि दूसरे डेट पर जाना पड़ रहा है तो ऐसे अलाउ करता है ना ठीक है ऐसे बिल्कुल अलाउ करता है मे बी कंडक्टेड अ डेट अदर देन डेट इज वेरी मच पॉसिबल अगर वो परपेचुअल ऐसे बोलता है कि ये चीज पॉसिबल अगर वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम लगते तो पांच सौ एक का रेफरेंस दीजिए रेफरेंस देने के बाद में दूसरे डेट पे जाकर चीजें करना बिल्कुल पॉसिबल है ये आप बताइए लेकिन परपेचुअल रिकॉर्ड जो बीच में चेंजेस होते हैं रिको बनता है उसमें जो डेटा लगता है चेंजेस का वो परपेचुअल रिकॉर्ड आता है ठीक है लेकिन उन्होंने यहां पर रुके नहीं अगर दूसरे डेट पे जाएंगे तो उस डेट पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ये फिजिकल वेरिफिकेशन वाले दो स्टेप्स ये फिजिकल वेरिफिकेशन वाले आपके वाले दो स्टेप्स है फिर इसके अलावा रिकंसिलिएशन से रिलेटेड आपके स्टेप्स है वही स्टेप्स है करेक्ट क्या परपेचुअल रिकॉर्ड्स रिलायबल है क्या उसमें डिफरेंस है तो देखिए ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस निकल कर आ रहा है उसको एडजस्ट बराबर किया आपको केस पकड़ के चलना है। केस का आप दो ठीक है कि भाई जाते तो क्या फिजिकल वे करना पड़ता है दूसरी डेट पॉसिबल है वो फिर केस डिस्कस किया कि यहां पे दोनों प्रोसीजर जो ऊपर दी वो करनी पड़ेगी इमप्रैक्टिकेबल ठीक है इमप्रैक्टिकेबल यस इट्स इंप्रैक्ट वेरी मच इट्स अगेन पॉसिबल की चीजें हो बॉर्डर एरिया में बॉर्डर एरिया में है इम्प्रैक्टिकबल है अनअवॉइडेबल रीजन है तो क्या करेंगे इसमें हाउ हाउ टू गो अबाउट इट अगर इम्प्रैक्टिकल है तो आपको ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर उसकी चर्चा करनी पड़ेगी उसका पूरा आपको डिस्कशन करना पड़ेगा अनेबल सर्कमस्टांसिस उस टाइम पे अटेंड नहीं कर पा रहे क्या करेंगे तो भाई सफिशंट अप्रोपरियट एविडेंस इकट्ठा करना है पहले तो जो क्वेश्चन था कि जनरली सफिशंट अप्रोपरियट एविडेंस कैसे इकट्ठा करते वो भी ध्यान देना है एविडेंस इकट्ठा करना है जनरली स्टेप स्टेप नंबर नंबर और step number two लगाते लेकिन कभी कभी फिर रीजन आप बताएंगे फिर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स आप बताएंगे नहीं कर पाए तो आप बताएंगे ठीक है अगर आप देखेंगे दोनों क्वेश्चन में क्या खास बात थी फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे कंडक्ट करते उसको रखा था उसके साथ में स्पेशल केस वन डिस्कस हुआ स्पेशल केस नंबर टू डिस्कस हुआ उसके साथ में आपने क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना चाहिए कि फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या करना वो चाहते हैं क्या हमसे तो ये सीखने वाली बात होगी ये सीखने वाली बात होगी कि भाई साहब फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करना वो आप इंक्लूड कर ही लो आंसर के अंदर थर्ड पार्टी ठीक है थर्ड पार्टी को लेकर आरटीपी में आया है थर्ड पार्टी के पास में स्टॉक है तो आप क्या करेंगे यहां पर हम पढ़ कर आए बस वही है कंफर्मेशन की बात करिए अदर प्रोसेजर्स की बात करिए खुद जाकर इंस्पेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं उसकी बात करिए फिर कंफर्मेशन को 505 के हिसाब से करेंगे इंस्पेक्शन करना है वो तो इंस्पेक्शन कैसे करना है पांच में पड़ती है अदर ऑडिट प्रोसीजर के बारे में चर्चा करिए मोटा मोटी तीन चीजें तीनों चीजों को एक एक करके एक्सप्लेन करना है अंडरस्टैंडिंग मेथड्स अंडरस्टैंडिंग मेथड्स यूज बाय मैनेजमेंट एग्जाम दैट विल बी रेलवेंट अंडरस्टैंडिंग मेथड्स तो यहां पे तो मैं बोलता हूँ पूरा लिखिए ऐसे पांच सौ एक लगता है पांच सौ एक बोलता है कि उन्हें तो मैं तो पूरा पहले आपने मेथड को अंडरस्टैंड करना चाहिए उसको इवेल्यूएट करना चाहिए उसको टेस्ट करना चाहिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगानी चाहिए अदर प्रोसीजर्स लगानी चाहिए और जब हम अंडरस्टैंडिंग करते तो कौन से मैटर्स वही मैटर्स के बारे में वो लोग बोल रहे हैं ट्रांसफर्स अलोकेशन चार मैथड जो थे उसके बारे में बात कर रहे हैं इंटरेस्टिंग एमसीक्यू क्यों ये और हटके थोड़ा सा मतलब ऐसे के ऊपर बेच नहीं वो बोलता है कि मेरे पास में चेकिंग करने के लिए आठ घंटे हैं मेरे पास में चेकिंग करने मेरे पास चेकिंग करने के लिए आठ घंटे हैं ठीक है अब आठ घंटे में फिजिकल अब आठ घंटे में फिजिकल वेरिफिकेशन को निपटाना है अब फिजिकल वेरिफिकेशन को हमको निपटाना है आठ घंटे टाइम है हमारे पास में क्या करेंगे हम लोग वॉट शुड बी डू और कंपनी की ये सिचुएशन है कि कंपनी पूरा का पूरा ईआरपी यूज़ करती है बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर यूज़ करती है ईआरपी और उसके आईटीजीसी टी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जनरल कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं वैल्यू करने के लिए जो मूविंग एवरेज रेट है वो यूज़ करते हैं द कंपनी हैज़ डन ए एनालिसिस तो ये बस ए एनालिसिस के ऊपर गेम है बोले टाइम कम है बच्चे भी ये करते हैं आखिरी में ए एनालिसिस लेकिन भाई अपन ने तो फाड़ू डिविजन के अंदर बारह ऑलमोस्ट बारह घंटे के आसपास तो आपका पूरा कोर्स ही कवर होता है ठीक है तो एबीसी एनालिसिस की अगर मैं बात करूं इफ आई टॉक अबाउट एबीसी एनालिसिस ठीक है तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी को बनाना पड़ेगा कैसे जो ए कैटेगरी उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और बी कैटेगरी और सी ए कैटेगरी को आप पूरा अच्छा खासा कवर करने की कोशिश साथ साथ में आप थोड़ा टाइम बी और सी को भी दो बी और सी को भी उसके भी जो इंपॉर्टेंट आइटम चेक करने की आप कोशिश करो और ऐसे करते करते आप आगे बढ़ो जितना कर सको आठ घंटे में पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर लो देखो पहले में सिर्फ ए की बात की है बाकी की बात नहीं कर रहा इसलिए गलत दूसरे में बी और सी की बात की है लेकिन सी उससे भी बेहतर है क्योंकि उसमें पूरे टाइम यूटिलाइजेशन की बात की है कि भाई चेक फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ ए क्लास ऑफ आइटम एज मच एज पॉसिबल अलॉन्ग विदन बी क्लास एंड सी क्लास ऑन सैंपल बेसिस ए मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करो बी और सी पे सैंपलिंग लगा दो इन वैल्यू वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर आप उसमें भी वैल्यू को इंपॉर्टेंस देकर चलो

अब यहां पे इन्वेंट्रीज आर हेल्ड बाय थर्ड पार्टी ठीक है और ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन आप कैसे पता लगाओगे कि स्टॉक बराबर है ना और सही पार्टी के पास है ना ठीक है तो अब यहां पे तो बेस्ट है एक्सटर्नल ऑप्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी विथ द इन्वेंट्रीज आर देयर ये बेस्ट होगा पहले इसमें बोला हुआ है कि स्टॉक रजिस्टर से चीजें मैच कर लो दूसरे इसमें कंफर्मेशन की बात की है

करना एक तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती हम बहुत ही हम इंस्पेक्ट करते हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर जाएगा ठीक है डिपार्टमेंट हेड से रिटर्न कंफर्मेशन लेना उसको तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बोलते वो भी गलत लग रहा है तो यहां पे छोटी मोटी गलतियां है बे, बेस्ट आपका है क्या कंफर्मेशन ले लीजिए देखिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन के यूजर्स ये तो बहुत ही बहुत आसान है हम बैलेंस शीट के सीक्वेंस में पढ़कर आए पहला क्वेश्चन कुछ खास नहीं डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कौन से फैक्टर कंसिडर करने चाहिए कौन से फैक्टर कंसिडर करने चाहिए वाइल डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ठीक है स्टेट द इफेक्ट ऑफ यूजिंग पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट बाय मिस्टर एच कौन से फैक्टर्स तो फैक्टर्स हम लोग पूरे पढ़कर आए बड़ा प्यारा सा शॉर्टकट हमने देखा पूरा लेटर था लेटर के बाजू में एक 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 चीज करते आए आठ पॉइंट है पूरे आठ के आठ पॉइंट हम देखे एकदम क्लियर कट फैक्टर्स पूछ रहे हैं काफी समय से पूछा नहीं गया ये एग्जाम में बड़ा प्यारा शॉर्टकट है यहाँ पे फिर निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एक कंपनी वो सोच रहे हैं कि पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहे negative, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए तो बताइए निगेटिव मतलब क्या निगेटिव का परसुएस एविडेंस कम होता है और अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं एज ओनली सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो उसके अंदर आपको कुछ बातें देखनी पड़ेगी यार कुछ बातें आपको देखनी पड़ेगी फैक्टर्स हमने हरवा लाइफ का एग्जाम्पल लिया बड़ी प्यारा सा केस पांच बातें हैं पांच बातें सारी की सारी अगर आएगी तो निगेटिव के लिए जाइए जाइए नहीं तो के लिए मत अब ये केस है यहां पर कंफर्मेशन uh, यूज किया है बंदे ने इन द लिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल ऑफ ट्रेड पेबल स्मोल बैलेंस स्मॉल बैलेंस के लिए चलता है वन ओल्ड आउटस्टैंडिंग ट्वेंटी फाइव लैक्स होम नो कंफर्मेशन ऑन क्रेडिट बैलेंस रिसीव्ड कमेंट भाई ऐसा है कि जो बहुत बड़े बड़े बैलेंसेस हो रिस्की बैलेंसेस हो आउट रिस्की बैलेंसेस हो जैसे लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हो आपने इसके लिए पॉजिटिव कंफर्मेशन के लिए जाना चाहिए तो पहले क्या है उसके बारे में ये समझा रहे ठीक है फिर बता रहे कि कैसे निगेटिव कन्फर्मेशन लेस परसुएसी होता है उसका एविडेंस कम होता है समझा रहे ठीक है तो बड़े बैलेंसेस के लिए यूज करना गलत है पूरा समझा करके वही समझा रहे इस बात को रिस्पॉन्स नहीं आया मतलब सबसे ऐसा बोल नहीं सकते हो सकता है उसको पहुंचा ही नहीं हो उसने कंसिडर ही नहीं किया हो ठीक है रिप्लाई नहीं किया हो ऐसा भी हो सकता है ठीक तो ऐसे इसमें अगर रिस्पॉन्स नहीं आया है तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज कर सकते थे दे शुड हैव यूज्ड पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भी भेजकर आप देखिए एक बार और सब्सिक्वेंट ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस लगाइए बेसिकली अब नहीं मिल रहा आपको इसे सबूत एक तो पॉजिटिव लगाने के बारे में आपने सोचना चाहिए था और नहीं मिल रहा है तो ऑल्टरनेटिव के बारे में आप सोचिए सब्सिक्वेंटली उसको पेमेंट किया क्या ठीक है और बाकी चीजें आप देखिए सही में कई ऐसा तो यहां पे एक और खास बात कई ऐसा तो नहीं कि ये फेक क्रेडिटर्स हो फेक क्रिएटर्स फेक क्रिएटर हो ऐसा तो कुछ नहीं है करेक्ट तो इसके लिए आप बाकी एविडेंसेस भी देख लिए बाकी एविडेंस आप देखिए तो यहां पे यही है कि इस तरह एक तो पहले तो अप्रोच पहले आपने समझा अप्रोच ही सही नहीं था अब ऐसा हुआ भी है तो पॉजिटिव यूज कर लीजिए और बाकी प्रोसीजर लाकर देखिए सफिशिएंट अप्रोच एविडेंस मिल रहा है क्या रिजॉल्व करने की कोशिश करिए और नहीं तो फिर आखिरी में यही सबूत नहीं मिला तो क्वालीफाई देंगे तो अच्छा इंटरेस्टिंग केस है वो मैनेजमेंट का रिफ्यूजल ठीक है डिस्प्यूट आप रिफ्यूजल है ना हम पूरा पड़ कर है रीजन देखिए रीजनेबल है क्या देखिए रिस्क को नहीं तो फिर ठीक है सोचिए रिस्क बदलनी है क्या प्रोसीजर बदलनी है क्या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर पर जाइए पूरा चार्ट हम लोगों ने देखा बस वही चार्ट को यहां पे प्यारी तरीके से समझाया हुआ है बहुत ओल्ड कोर्स में बहुत पॉपुलर था न्यू कोर्स में भी काफी बार रिपीट हो रहा है गोते खा रहा है इधर से उधर फाइव वन ठीक है कंपनी इज नॉट टेकिंग कंपनी इज नॉट टेकिंग बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स एंड बैलेंस एन द बुक्स ऑफ कंपनी इज कंसर्ड फाइनल कंपनी इज नॉट टेकिंग कंपनी कहे लेगी भाई वाई विल कंपनी डूट ठीक है यहां पर बोला हुआ है कि कंपनी बैलेंस कंफर्मेशन नहीं ले रही है आपका वॉट शुड बी योर डिसीजन रिव्यू इंटरनॉलिट रिपोर्ट भाई इंटरनॉलिट रिपोर्ट कहां से आ गई काट फिर बी में लिखा है नो नीड टू टेक डेटर कंफर्मेशन ये पॉइंट कहां से आ गई मटीरियल है काट डी वाला मैनेजमेंट रिपोर्ट काट

फिर अगर हम बात करते हैं पांच सौ पांच पॉइंट दो की तो बैंक रिकंसिलेशन की बात चल रही है बैंक रिकन्सिलेशन इज नॉट कंप्लीट इन सम ऑफ द बैंक बैंक रिकन्सिलेशन कंप्लीट नहीं होगी बहुत बहुत बिजी बैंक अकाउंट है बहुत सारी एंट्रीज है उसको करना बहुत मुश्किल है ठीक है क्या करें और ओल्ड एंट्रीज भी है ओल्ड एंट्रीज भी है रिकन एक तो इनके बैंक अकाउंट्स है उनका रिको बना नहीं रहे ऊपर से बोल रहे कि ओल्ड एंट्रीज है कुछ ओल्ड एंट्रीज है तो क्या करना चाहिए अनयूजअल ओल्ड एंट्रीज है उसको निकाल दीजिए भाई हो सकता है अमाउंट में कम हो लेकिन अगर अनयूजअल नेचर की है लंबे समय से आउटस्टैंडिंग है नेचर ऑफ द नेचर ऑफ द आइटम भी तो कोई चीज होती है माना अमाउंट में थोड़ा कम हो लेकिन नेचर नेचर थोड़ा सा अजीबो गरीब लग रहा है रिस्की हो गया है एकदम से इग्नोर करना सही लग रहा है पहला तो गलत लग रहा है सी वाला देखिए नोट्स टू अकाउंट बता दो अबे नोट्स टू अकाउंट्स में कहा है बताएंगे बे ये क्या हो रहा है हैं कम्युनिकेट टीसी डब्ल्यू जी ना इसका एक्सटेक बैंक कंफर्मेशन आप बैंक से ये आइटम्स कंफर्म करिए कि आउटस्टैंडिंग है क्यों है क्या रीजन है उसकी पूरी जानकारी आप कंफर्मेशन लेके आप ले सकते हैं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजिए फिर यहां पर यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बैंक से कंफर्मेशन आता है उसमें फिक्स डिपॉजिट कुछ नहीं है और इनके पास में फिक्स डिपॉजिट के ओरिजिनल सर्टिफिकेट है क्या बात है क्या बात, क्या बात क्या बात इनकंसिस्टेंसी ऑफ एविडेंस है एक्सटर्नल का बैलेंस अलग है और अपने पास जो ओरिजिनल एफडी सर्टिफिकेट है वो अलग है दोनों में मिसमैच है कौन सही है बैंक से ओरिजिनल सर्टिफिकेट सही है ठीक है सत्यम में यही फ्रॉड था यही फ्रॉड था पहले जाके एफडी में पहले जाके एफडी डी बनाते थे ठीक है फिर कुछ दिन बाद जाके बोलते थे कि एफ डी सर्टिफिकेट गायब हो गया डुप्लीकेट दीजिए फिर पंद्रह दिन जाके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेकर पैसे ले लेते वापस इस पूरे प्रोसेस में आखिर में पैसे तो मिल गए साथ में एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट रह गया ऐसा अगर तुम साल भर में पांच बार पांच बार करो तो सौ करोड़ रुपए रह जाएंगे और पांच सौ करोड़ पांच सौ करोड़ के सर्टिफिकेट आ जाएंगे आपके पास ओरिजिनल अब रियल पांच सौ करोड़ गायब कर दो और लोगों को बोला एफडी बनाए तो गड़बड़ है इनकंसिस्टेंसी ऑफ ऑल डिबिडन सही है, है। सीधा कर डाले क्वालिफाई करना एकदम सही अच्छा बात नहीं होगी ठीक है कि क्वालिफाई कर डाले रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंस क्वालिफाई कर एक रीजन है सीधा ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरे में लिखा है कि डिफरेंस इन बुक्स इग्नोर कर दे हैं? इग्नोर कर दे यहां बोलते क्वालिफाई सीधा सही नहीं लग रहा ऐसा इग्नोर कर दे ये भी एकदम सही नहीं लग रहा फिर यहां पे

लेजर में साढ़े तीन वहां पर और दो पचहत्तर अरे वो तो बोल रहा है बैलेंस कम है क्योंकि हमने गुड्स भेजे हमने इनवाइस रेस किया उनका अकाउंटिंग करना बाकी है टेंरी डिफरेंस है फिर हमारा छह बीस उनका फोर एटी उन्होंने पैसे भेज दिया हमारी अकाउंटिंग करना बाकी है अच्छा एक जगह पे उन्होंने अकाउंटिंग नहीं की अभी तक गुड्स इन ट्रांजिट या सेल की एक जगह हमने एंट्री नहीं की है पैसे की उसके बाद में बैलेंस मैच हो रहा है पांच थ्रे फाइव थर्टी फाइव फाइव थर्टी फाइव मैच हो रहा है लेकिन फोर्टी फाइव थाउजेंड का बोलते डिस्प्यूट है ऐसा पता चला न्यू इंफॉर्मेशन मिली

एग्जिस्टेंस का तो मिलता ही है valuation का मिल सकता है, लेकिन valuation में हो सकता है सामने वाला कैसी, इन सब की ज्यादा जानकारी ना मिलती है. है के लिए कभी कभी वैल्यूएशन की भी जानकारी मिल सकती है बट दोनों में से बेहतर एग्जिस्टेंस है फिर फिर यहां रिस्पेक्ट टू uh, बढ़िया अब यहां पर भी ठीक है मैनेजमेंट कलेक्ट कर रहा सारे रिस्पॉन्सेस और ऑडर को लाके दे रहा है सत्यानाश गलत और ऊपर से दो जगह डिस्प्यूट है तो वो तो दे ही नहीं दे रहा देंगे ही नहीं बोले अब यहां पे बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉरंटेड एज पर रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलिवेंट एस देखिए ए में लिखा है कि सीधा उसने रिलाई नहीं करना था मैनेजमेंट के इस रिलाई ही नहीं करना था मैं बोलता हूं कि वापस गलत है ऐसा बोलना इवैलुएट द रीजन होना चाहिए था यार ये कभी कभी ड्राफ्टिंग सीधा भरोसा ना करे अगर वो बोल रहे कि डिस्प्यूट है फलाना है डिकाना है इनसे कंफर्मेशन नहीं ले सकते तो करके आप उसमें ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाने के बारे में सोचो बेटर होता है इवैल्युएट रिस्पॉन्स बोलते फिर बी में ऑपटेन डायरेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ट्रेड रिसीवेबल्स एंड दिसल सुपरवाइजर सेल सुपरवाइजर बीच में क्यों है भाई डायरेक्ट रिस्पॉन्स लो आप तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ए और बी दोनों करेक्ट है कि भाई साहब आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर के बारे में सोचिए और सुपरवाइजर के थ्रू मत जाइए सीधा आपको जवाब मिलना चाहिए यहां पे फिर कंफर्मेशन मंगवा रहे और डिस्प्यूट डिफेक्टिव गुड्स का डिस्प्यूट है ऐसा बोल रहे कंफर्मेशन में डिस्प्यूट की जानकारी मिली तो अब कौन सी कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगानी चाहिए पोस्ट ईयर एंड क्रेडिट हम लोग पहले ट्रेड पेबल्स की बात कर रहे हैं हम लोग ट्रेड पेबल्स की बात करें सप्लायर की बात करें उसके बीच में डिस्प्यूट है हमारे बुक्स में जो बैलेंस है हम बोल रहे हैं कि सिर्फ साठ हजार पे करना है वो बोलता है अस्सी हजार पे करना है हम बीस हजार के गुड्स वापस भेज चुके हैं तो आपने क्या चेक करना चाहिए बीस हजार के गुड्स अब वापस भेज चुके हैं और वो भी तीस मार्च को आखिर आखिर में साल खत्म होने के बाद में बाद में सप्लायर से क्रेडिट नोट आया क्या क्रेडिट नोट आया क्या बीस का ट्वेंटी का वो देखना चाहिए पहला बिल्कुल सही है गुड्स रिटर्न नोट क्या सही में साल खत्म होने के पहले ऐसे गुड्स रिटर्न हुए थे क्या वो भी सही है पोस्ट इंड कैश बुक फॉर एविडेंस दैट अमाउंट हैज बीन सेटल्ड जब मैं रिटर्न कर रहा हूं तो मैं उसको पेमेंट क्यों करूंगा एज गु आर रिटर्न ठीक है नो पेमेंट विल हैपन नो पेमेंट विल हैपन किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं होगा इट शुड बी इट शुड बी चेक फॉर नॉन पेमेंट एंड नॉन सेटलमेंट पैसा तो पे नहीं करना उल्टा देखना है पैसा तो गलती से पे तो नहीं कर दिया तो वन एंड टू सही है भाई बेसिकली रिटर्न के लिए आप क्या चेक करोगे उसके ऊपर कहानी है देखिए ये इंटीग्रेटेड केस स्टडी का केस है फोर्टी टू पॉइंट थ्री यहां पर क्या कहानी मैं आपको बताता हूं कि एक बंदे ने यह देखा कि बहुत रिस्की एरिया है सबूतों की कमी है और कोई सबूत मिल नहीं रहा है लग रहा है कोल्यूजन में फ्रॉड फैला हुआ है जब भी ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा रिस्क हो फ्रॉड के चांसेस हो कोल्यूजन के चांसेस हो तो आपने हमेशा पॉजिटिव कंफर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए बहुत डेंजरस सिचुएशन में जो एक चीज आपको बहुत ज्यादा काम आएगी पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट उसने जरूरी समझा जो भी उसने जरूरी समझा लेकिन नॉट ऑप्ट सच कंफर्मेशन उसको चाहिए था

क्या क्वेश्चन पूछते हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब क्या वो हम समझा सकते हैं डेफिनेशन इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर आप देखो प्रायर ईयर देखो ऑडिट नहीं होना चाहिए किसी और ने करना चाहिए फिर ऑडिट प्रोसीस बताओ अब ये बोलते हैं कि कोई और था बंदा ऑडिटर तो, तो कैसे काम करना और फर्स्ट अगर वेन द फाइन आर ऑडिटेड फॉर प्रिस ऑडिट ईयर या फिर पहली बार ही ऑडिट हो पिछले बार ऑडिट ही नहीं हुआ सेम प्रोसीजर है कंफ्यूज मत हो जाना आप पिछले बार ऑडिट नहीं हुआ या फिर पिछले बार ऑडिट किसी और ने किया दोनों के लिए कॉमन प्रोसीजर हमने देखी है ठीक है ये पुराने जमाने के हिसाब से उन्होंने अलग अलग ऐसा कर दिया था कोई अलग करने की जरूरत नहीं है और फिर ऑडिट रिपोर्ट भी पूछा है भाई बहुत सारी चीज़, तीन चीजें पूछी है आपको स्टैंड में से इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट भी समझाना पहले पांच का रेफरेंस देना पड़ेगा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट समझाना नंबर वन फिर प्रोसीजर समझाना है लास्ट ईयर से क्या एविडेंस करंट ईयर से क्या एविडेंस फिर ठीक है मिस्टेक मिसटेटमेंट मिला तो क्या करना वो समझाना है फिर आपको रिपोर्टिंग भी बतानी है सबूत नहीं मिले तो क्वालिफाइड डिस्क्लेमर गलती मिली तो क्वालिफाइड वर्स आपको ओपनिंग बैलेंस का वो भी बताना है तीन बातें बतानी है लोग रिपोर्टिंग बहुत बार भूल जाते हैं बहुत बार भूलेंगे और नीचे के इसमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस की प्रोसीजर्स पूछिए कि भाई क्या स्टेप्स क्या स्टेप्स परफॉर्म करेंगे ठीक है यहां पे बिल्कुल वही दिया हुआ है पहले इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट फिर ऑडिट प्रोसीजर्स सिर्फ यहां पे एक चीज ठीक है यहां पे एक चीज एक एक्स्ट्रा है और रिपोर्टिंग एक्स्ट्रा उन्होंने करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर से कैसे सबूत मिलते समझाया जैसे फिक्स एसेट्स को आप फिजिकल वेरीफाई करने गए पहले का सबूत मिल गया इन्वेस्टमेंट का देखा पहले का पहले मिल गया डेटर क्रेडिटर के कन्फर्मेशन के थ्रू मिल सकती है चीजें कन्फर्मेशन के थ्रू चीजें मिल सकती है या फिर आप सब्सिक्वेंट रिकवरी पेमेंट कर रहे हो उससे भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैनल्स एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ये भी हो गया फिर इसके बाद में आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हो मैनेजमेंट से कुछ चीजों को लेकर तो यहां पे करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर्स में अपने आप करंट ईयर ऑडिट करते करते अपने आप आपको ओपनिंग बैलेंस की जानकारी मिलती है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते वक्त आप पिछले साल की भी कुछ बातें लिखवा लीजिए तो बस इसी बात को थोड़ा और इलाबरेट किया है बाकी सब कुछ जो हम लोग पढ़कर आए चार्ट देखा हम लोगों ने वही है पूरा चार्ट अब यहां पर एक डेटर का बैलेंस है इस साल कोई ट्रांजेक्शन नहीं है ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बन गया कोई किसी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं इस बार ठीक है तो बंदे ने चेक ही नहीं किया उसको तो वापस पांच सौ दस लगता है इनिशियल फर्स्ट टाइम ऑडिट की बात कर रहे हो लोग। फर्स्ट टाइम ऑडिट हुआ है उसकी बात कर रहे हैं टॉकिंग अबाउट दैट तो अगर फर्स्ट टाइम ऑडिट है भाई साहब ठीक है अगर फर्स्ट टाइम ऑडिट है तो तो ऐसे केस में इन दिस पर्टिकुलर केस आपको फाइव वन जीरो अप्लाई करना पड़ेगा फाइव वन जीरो अप्लाई करना पड़ेगा आप इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट बताइए उसकी ऑडिट प्रोसीजर पूरी समझाइए यू एक्सप्लेन कंप्लीट ऑडिट प्रोसीजर जो भी है वो आपको बतानी पड़ेगी और फिर ठीक है ऊपर से आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की साल भर में किसी भी तरह का नहीं हुआ है बैलेंस वैसा का वैसा ही कोई ट्रांजेक्शन नहीं है या बैलेंस जेन्यून और पैसे मिलने वाले हैं ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेना चाहिए था तो आप पूरी प्रोसीजियर समझाइए एक्चुअली बिल्कुल भी कोई हिचकिचाट मत रखिए अलग से क्या याद रखना पूरी जो ओपनिंग बैलेंस की प्रोसीजर हम लोग डिस्कस करते हैं पूरी की पूरी समझाइए और करंट ईयर प्रोसीजर को और समझाइए साथ में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेना था लिख कर दो कि ये सही में कोई ट्रांजैक्शन नहीं ओपनिंग क्लोजिंग बिल्कुल सेम है कुछ में कुछ भी नहीं हुआ ये बैलेंस हम निकालेंगे बंदा ना प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है ना बंदा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहा है बोल रहा है बस सेम है ना चीजें चल जाएगी ये गलत अप्रोच हो गया ये केस डिस्कस करिए कंक्लूजन मात्र दो क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन का मेन कंटेंट एकदम सेम है मेन कंटेंट बिल्कुल सेम है और यहां पे पूरी प्रोसीजर आपने लिखनी चाहिए देखिए यहां पे उन्होंने थोड़ी कम चीजें इंक्लूड की है आप डरिए मत आप पूरा लिखिए ना ऐसे दो जगह आप क्या अलग अलग याद रखेंगे आप रिलेवेंट बात ही लिख रहे हो उल्टा इलाबरेट करके लिख रहे हो ठीक है देखिए यहां पे क्वेश्चन है 510 के ऊपर सीएफओ यह बोल रहा है कि भाई पिछले साल की जानकारी से तुमको क्या मतलब क्या करना है पहले तो कोई मांगता नहीं था पिछले साल की जानकारी कोई मतलब नहीं तुमको पिछले साल की जानकारी से और साल खत्म होने के बाद की जानकारी से भी तुमको क्या मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आए हो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए लो तो भाई साहब ऐसे के हिसाब से तो इन ओपनिंग बैलेंस तो चेक करना ही करना है उसके लिए पिछले साल की जानकारी हम एक्सेस डेफिनेटली कर सकते हैं वी कैन डेफिनेटली एक्सेस इट ठीक है पूरी कहानी आपने बोला बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट भी है 510 के हिसाब से कर सकते हैं और बात की जानकारी पांच सौ साठ सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए पहले की और बाद की दोनों जानकारी हम एक्सेस कर सकते हैं ठीक है और अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है फिर भी जितने भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए हम सब ले सकते हैं वी कैन टेक दैट तो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो ले सकते कंपनीज़ हिसाब से भी ले सकते कोई चिंता करने की बात नहीं है तो ऑर्डिटर का अप्रोच गलत है गलत सीएफओ सही है उसी को तो घुमा फिर गलत ये भी गलत है पिछले और साल के ऑर्डिटर से मिलो ठीक है ये कोई मतलब नहीं भाई 510 और पांच के हिसाब से दोनों चीजें वैलिड है बस ये उसका सही आंसर है देखिए यहां पर एक्सप्लेन एनाटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स एज सम ऑडिट टेक्निक एक्सप्लेन ब्रीफली द ऑफ द परल प्रोसीजर एनिटिकल प्रोसीजर का मतलब बताइए चार स्टेप्स बताइए आप कितने तरह के कंपेरिजन करते हैं वो बताइए सिंपल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है वो बताइए फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बस इतना आप समझाइए काफी हो गया एनेटिकल प्रोसीजर के ऊपर शॉर्ट नोट है ऑनस्टली स्पीकिंग मेरे को इसके चांसेस कम लगते हैं ओल्ड कोर्स में मे जीरो सेवन एग्जाम्स मे एट आर टीपी नवंबर आर टी पी बहुत ही पहले का हो गया यार। और एक्चुअली बहुत सिंपल है पॉइंट वो भी नहीं बहुत ज्यादा सिंपल है दैट इज द प्रॉब्लम ठीक है, वही पहले डेफिनेशन बताया किस तरह के रिलेशनशिप फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सिंपल कॉम्प्लेक्स अलग अलग कंपैरिजन उसी यूजेस यूजेस भी भाई सब। या पर्पस आप बोल सकते हो तो दो चीजें डेफिनेशन वाली पार्ट भी और पर्पस वाली चीज भी उन्होंने समझाइए एडिकल प्रोसीजर्स रेंटल इनकम एंड पेरोल ये थोड़ा सा हटके है क्यों बता रहे कि एक होटल है और आप कैसे रेंटल इनकम और पेरोल कॉस्ट में कैसे लगा सकते हैं तो बोल रहे कि यस अनसोफेस्टिकेटेड मतलब अनसोफेस्टिकेटेड मतलब बहुत ही सिंपल तरीके आप लगा सकते हैं इनफैक्ट ये सुटेबिलिटी में दो हम यूज करते हैं अगर आपके ऐसे नो नंबर ऑफ ये दो एग्जांपल एग्जैक्टली सेम डिस्कस किए अगर आपके ऐसे आपके फिक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी फिक्स्ड है तो आप क्या कर सकते हो कितने कितने टोटल एम्प्लॉयज है ठीक है और कितनी उनकी सैलरी है ये यूज करके आप प्रोडिक कर सकते हो टोटल पेरोल कॉस्ट

सुटेबिलिटी के साथ हमने डिस्कस करते चीजें ठीक है ये आप लाइन निकाल दीजिए नाउ जो ड्राफ्टिंग है वो एक्जैक्टली exactly ड्राफ्टिंग उन्होंने दो एग्जांपल्स है बस वो निकाल के उस पर पूछ लिया व्हाट आर द कंसीडरेशन टू बी केप्ट इन माइंड वाइल परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर ऑन डेटा प्रिपेयर्ड बाय द क्लाइंट टू बी केप्ट इन माइंड परफॉर्मिंग एनलिटिकल प्रोसीजर ऑन डेटा क्लाइंट अब ये लोग बोल रहे हैं, कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए जब हम analytical procedure perform करते हैं। लेकिन एनलिटिकल प्रोसीजर तो तीन जगह परफॉर्म कर सकते हैं प्लानिंग फेज में एग्जीक्यूशन फेज एविडेंस इकट्ठा करने के लिए या कंक्लूजन फेज कौन से फेज की बात कर रहे हो दिया नहीं है यह अंडरस्टैंड आपको समझ लेना है कि भाई ये सबस्टेंटिव एनालिटिकल की बात कर रहे हैं सबस्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं इस बात को समझ लेना है फिर सुटेबिलिटी डेटा रिलायबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू डिफरेंस को इन्वेस्टिगेट चार बातें समझानी है चार बातें आपको समझानी पड़ेगी डेटा रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी ऑफ डेटा सीनियर एनसीसी हम पढ़कर एनसीसी फिर द एक्सटेंड रिलायंस एक्सटेंट ऑफ रिलायंस थोड़ी सी वर्डिंग बदल गई एनालिटिकल प्रोसीजर पे कितना भरोसा करना वही है सब कुछ वही है कि जितना ज्यादा डेटा रिलायबल होगा उतना ज्यादा भरोसा हम कर पाएंगे एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर सीनियर एनसीसी वाले पॉइंट्स बताने हैं

प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है कुछ भी लिखते कभी कभी दिस इज नॉट अ प्रॉपर स्टेटमेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट हम कम ज्यादा नहीं कर सकते इट इज आइडेंटिफाइड इट इज अड हाँ उसके लिए हम लोग ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट शुड बी विद इन एक्सेप्टेबल लेवल नहीं ऑडिट रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क शुड बी बॉड बिलो एक्सेप्टेबल लेवल नॉट आरएमएम तो थोड़ा वो गलत बोलने में थोड़ा चूक गए ठीक है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के लिए ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ती है इतनी प्रोसीजर लगाओ कि रिस्क को डिटेक्शन रिस्क एक्सेप्टेबल लिमिट्स में रहे आप पढ़कर कंफ्यूज हो सकते हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं फिक्स हूँ स्ट्रेटेजी ऑडिट रिस्क ऐसी चीज है कि जो स्ट्रेटेजी बनाते वक्त हम निकालते या आखिरी का सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बन रहा था बराबर मतलब जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ऐसा भी होता है कभी कभी भाई साहब क्वेश्चन बनाने वाले क्वेश्चन बनाने वाले भगवान नहीं होते गलती तो कभी कभी भगवान जी भी कर देते हैं बराबर तो इंसान ही है वो लोग तो अब ये एमसीक्यू है एमसीक्यू है यहां पर इन्होंने कुछ एम्प्लॉयज का डाटा देकर रखा हुआ है और यहां पे बोल रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर कौन सी है बताओ टोटल वेजेस को फाइनेंशियल स्टेट टोटल वेजेस का कोई रजिस्टर होगा कोई आ, पेरोल सिस्टम होगा पेरोल सिस्टम से टोटल वेजेस निकाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच कर रहे

इधर बोलते हैं एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करो कंपैरिजन आ गया ना कंपैरिजन अगर आ गया तो फिर एनालिटिकल प्रोसीजर थ्री और फोर ठीक है फिर यहां पर थर्टी सिक्स परसेंट इंक्रीज है बोले परचेस में यहां पे पूछा है कि क्या करोगे अगर परचेस में बहुत इंक्रीज है मतलब फेक परचेस का रिस्क है मतलब एग्जिस्टेंस में रिस्क है एग्जिस्टेंस में रिस्क है तो आप क्या करते हो भाई परचेस को उठाते हो और सपोर्टिंग एविडेंस से मैच करते हो फाइनेंशियल रिकॉर्ड से परचेस उठाएंगे और सपोर्टिंग एविडेंस से मैच करेंगे भैया सपोर्टिंग एविडेंस है क्या है मतलब रियल है नहीं मतलब गड़बड़ है अब बोलते कौन सी प्रोसीजर सही है पहला वाला तो कट ऑफ अपने को देखो परचेज बहुत बढ़ गए मतलब आपको ये दिमाग इंटरेस्टिंग है ये आपका दिमाग चलना चाहिए कि भैया परचेज बढ़ गए मतलब फेक परचेज के चांस है कॉमन सेंस से भी आता है ठीक है यहां पे एक और चीज है एग्जिस्टेंस के साथ साथ में कट ऑफ हो सकता है इधर के उधर के इधर आ गए अगले साल के इधर आ गए इसलिए परचेस एकदम बढ़े हुए दिख रहे तो कट ऑफ चेक करना समझ में आता है एकदम सही है कट ऑफ चेक करना समझ में आता है भाई इधर का उधर नहीं गया उधर का इधर नहीं आ, एक बार चेक कर लो देखो तो आखिरी आखिरी में अगले साल के इस साल तो नहीं आ गए भाई अगर परचेस बहुत बढ़ गए या तो हो सकता है नकली है या तो इधर का उधर उधर का इधर हुआ है कट ऑफ कट ऑफ वाले आसर्षण में प्रॉब्लम है एक काम करो आप देखो कितने कितने हमारे परचेस के डॉक्यूमेंट देखो शिपिंग कितने गुड्स आए हैं रैंडमली आप रैंडमली जीआरएन निकालो और देखो जीआरएन की अकाउंटिंग हुई है क्या ये कंप्लीटनेस चेक होता है जब आप सपोर्टिंग एविडेंस से फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे जाते हैं तो इट इज कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस नहीं चाहिए एग्जिस्टेंस में दिक्कत है क्या कट ऑफ में दिक्कत है क्या वो चाहिए आप परचेस सिलेक्ट करो लेजर से और आप उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से चेक करो ये आपका फॉर एग्जिस्टेंस हो जाएगा ये फॉर कट ऑफ हो जाएगा वन एंड थ्री क्लासिफिकेशन बराबर है क्या आंसर इज वन एंड थ्री इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग है आपको इतना क्लिक होना चाहिए कि भाई बहुत बढ़ गया मतलब एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम है कट ऑफ में प्रॉब्लम है एग्जिस्टेंस और कट ऑफ दोनों में प्रॉब्लम है यह आपको क्लिक होना चाहिए उसके बाद में पहला और तीसरा पॉइंट उस पर हिट कर रहा है कंप्लीटनेस आपको अभी क्लियर होना चाहिए कंप्लीटनेस कैसे चेक करते रैंडमली सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख और देख उसकी अकाउंटिंग हुई है क्या जब आप सपोर्टिंग एविडेंस से फाइनेंशियल रिकॉर्ड पे जाते हैं मतलब आप उसका कंप्लीटनेस चेक कर रहे हैं ठीक है थीके? तो आंसर इज वन एंड थ्री द बेसिक फिर नेक्स्ट द बेसिक अजम्पन द यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीडर्स की प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप जो हमने फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा की रिलेशनशिप निकाले हैं दे विल कंटिन्यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम विद इन द इंडस्ट्री वो कंटिन्यू करेंगे ये हम अज्यूम करके चलते हैं ये सबसे बेसिक अजम्पन है तो आंसर इज बी अभी यहां पे ठीक है यहां ये बोल रहे है कि सप्लायर का क्रेडिट पीरियड का डिक्रीज हुआ है क्रेडिट पीरियड डिक्रीज सप्लायर का मतलब हम उनको जल्दी पे कर रहे हैं पहले हम लोग ऑन एन एवरेज 90 डेज में पे करते ना अभी 98 डेज में हम पे कर रहे हैं पहले हम 108 दिन में पे कर रहे थे ऑन एन एवरेज जो सप्लायर का पेमेंट का टाइम है वो इस बार कम हो गया है हम क्रेडिटर्स को जल्दी पे कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है एनालिसिस जल्दी हम लोग पे कर रहे हैं मतलब का कम हो गया। आप पता हो कम है, तो बैलेंसिस भी कम होता है डिक्रीज इन सप्लायर क्रेडिट पीरियड मतलब डिक्रीज इन क्रेटर बैलेंस है मतलब कंप्लीटनेस वैल्यूएशन में गड़बड़ लग रही है कंप्लीटनेस मतलब कुछ छूट गया बढ़ गया ठीक है बढ़ गई चीजें मतलब फेक के चांसेस है कम हो गई चीजें मतलब कंप्लीटनेस में प्रॉब्लम है ट्रेड पेबल वाल आइडेंटिफाई लार्ज डेबिट्स शुड बी रिकॉर्डेड लार्ज डेबिट्स हो सकता है कि कुछ गलत डेबिट्स लग गए ऐसा तो नहीं डेबिट कुछ गलत डेबिट्स लार्ज डेबिट्स लग गए मतलब कैसे कस्टमर्स को डेबिट करने की जगह सप्लायर्स को डेबिट कर दिया ऐसा कुछ हुआ है क्या बैलेंस एकदम कम दिख रहा है बहुत ज्यादा डेबिट्स दिख रहे हैं मतलब यार कुछ डेबिट्स दिख रहे हैं उससे भी वैल्यू में प्रॉब्लम आ सकता है, है डिपोजिट ट्रेड ट्रेड दिखना चाहिए गलती से यहां तो डेबिट नहीं गए वाउचर को सिलेक्ट करो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मैच करो मतलब एग्जिस्टेंस है मतलब एग्जिस्टेंस है एग्जिस्टेंस थोड़ी चेक करना ट्रांजेक्शन कट ऑफ दिया हुआ इधर का उधर तो नहीं हो गया उधर का इधर तो नहीं हो गया ठीक है कंपेयर द अमाउंट ओड टू ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर इन ट्रेड पेबल्स लिस्टिंग विद टू सप्लायर इन प्रीवियस पिछले साल से कंपेयर करो कोई सप्लायर छूट तो नहीं गया सबके अमाउंट नॉर्मल लग रहे हैं ना? देखो ऐसा है मैं आपको बताऊं ये अब थोड़ा क्लोज है ठीक है दिस अपियस क्लोज ठीक है आपको ए वाला भी वैल्यूएशन वाला सही लग सकता है सी वाला भी कट ऑफ की वजह से चेंजेस वो भी सही लग सकता है पिछले साल से कंपेयर करो उसे समझा कि सभी सप्लायर आए ना अब इसमें क्लोज है यार कट ऑफ की वजह से भी कभी कभी वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है ये भी क्लोज है ए सी और डी तीनों क्लोज है अब ठीक है इट इज नॉट वेरी गुड ड्राफ्टेड एमसीक्यू इसमें इन्होंने डी को प्रेफरेंस दिया कि भाई पुराने सारे सप्लायर कवर हुए ना वैल्यू भी नॉर्मल शायद दोनों के लिए एविडेंस मिल रहा है इसलिए देखो सैंपल वाले ऐसे भी जो जितने एमसीक्यू ने सैंपल थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियली है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बहुत पहले पहले बनाए थे जब एमसीक्यू पहली बार है तब के ये तो थोड़ा क्लोज है थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है उसको मार्क करके रखना अपन ने अपन ने उसको मार्क करके रखना क्योंकि ये अगर ऐसा ही कुछ आया एग्जाम में तो अपने को पता होना चाहिए तो यहां पे प्रॉब्लम कंप्लीटनेस वैल्यूएशन में कट ऑफ की वजह से भी वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है

एंगेजमेंट पार्टनर बैंक ऑन टारगेट है ओवरऑल कंक्लूजन के लिए मैंडेटरी होना ही होना चाहिए कोई वॉलंटरी नहीं है अब इस एमसीयू के अंदर कहानी है कि एक आर्टिकल काम कर रही थी लेकिन एग्जाम्स के लिए चली गई तो उसका काम चेक करना है ठीक कहानी बताइए ऐसी अक्रूवल्स अब रिसीवेबल है पेबल है वो नहीं बता रहे अक्रूवल अक्रू accru दोनों होते अक्रू दोनों होते जिस तरीके से दिख रहा है शायद पेबल फिफ्टीन परसेंट इंक्रीज है अक्रूवल्स में पंद्रह परसेंट इंक्रीज है मतलब डर लगता है इंक्रीज है मतलब डर लगता है फेक हो सकते हैं में प्रॉब्लम है अमाउंट गलत है अमाउंट गलत है एक्यूरेसी का प्रॉब्लम हो सकता है अक्रूवल्स लाइबिलिटी आइटम में हम लोग बराबर वैल्यूएशन वर्ड यूज करते हैं अमाउंट के लिए इनकम एक्सपेंस में एक्यूरेसी यूज करते कट ऑफ के वजह से भी हो सकता है ठीक है कट ऑफ के दो है करेक्ट फाइनेंशियल पीरियड कट ऑफ डेट्स बराबर है नीचे वाला भी कट ऑफ दो चीजें एक ही के ऊपर कर रहा है मतलब वो आंसर नहीं है कट ऑफ कट ऑफ पे री कैलकुलेट करके देखो अमाउंट बराबर आ रहा है क्या रिकल्कुलेशन विल हेल्प यू इन वैल्यूएशन की बराबर है क्या देखो पेमेंट्स हुए क्या ऑक्रंस के बारे में जानकारी है यहां पर भी सैलरी की नॉट अप्रूवल्स ठीक है ये भी थोड़ा क्लोज है देखो सैंपल पेपर वाला ये भी यहाँ पे अक्रूवल्स बोला है पढ़ के समझ में आता है कि लाइब्रेरी की बात करें लाइब्रेरी बढ़ चुकी है हमको डर लगता है कि भैया ये नकली तो नहीं है अमाउंट तो सही है वैल्यूएशन तो सही है ठीक है वैल्यूएशन सही है कट ऑफ के दो है इधर का उधर उधर नहीं उदर का नहीं का इधर इतना स्पेसिफिक आंसर नहीं है तो कट ऑफ उड़ गया भाई साहब फिर दो चीजें हैं रिकैलकुलेट करो या फिर सैलरी का पेमेंट चेक करो सैलरी का पेमेंट कितना हुआ है वो आप चेक करो नाउ सैलरी का पेमेंट वो बोल रहे सैलरी सीधा जितनी सैलरी उसका पेमेंट हुआ सैलरी के बारे में बोल रहे है, हमको सैलरी नहीं जो अक्रूड है अनपेड है उसके लिए एविडेंस चाहिए तो सी वहां पर ठीक है सैलरी की बात कर रहे इसलिए सैलरी इसलिए वहां पर थोड़ा गलत हो गया बेटर आंसर इज बी देखो ये सैंपल पेपर में ऐसे अजीब वरीब थोड़े से मिलते हैं उसकी ज्यादा चिंता मत करो आप डोंट वरी मच अबाउट इट आप जो हम समझ रहे मोटा मोटी कि इंक्रीज डिक्रीज से क्या हमको मैसेज मिलता है वो समझो इंक्रीज मतलब एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम डिक्रीज मतलब आपका कंप्लीटनेस uh, में प्रॉब्लम फिर वैल्यूएशन तो हमेशा होता है कट ऑफ भी फिर आपको देखना पड़ता है कौन सी चीज कौन से असर्शन को हिट कर रही है यहां पर डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग का हमने इंपॉर्टेंस आप समझो कंप्लीटनेस में कैसे हम लोग सपोर्टिंग एविडेंस से रिकॉर्ड देखते रिकॉर्ड हुआ क्या एग्जिस्टेंस में रिकॉर्ड से इधर देखते बस ये दो तीन चीजों का आपको परसेंटेज चेंज का मतलब पता होना चाहिए आपको डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग से किस चीज को हिट कर रहे हो पता होना चाहिए फिर ऑप्शन को एनालाइज करो तो आपको अपने आप जैसे कट ऑफ कट ऑफ कट हो गया सैलरी वाला कट हो गया वैल्यूएशन वाला बच गया देखो एक तो ये थोड़े अजीबो गरीब है आने के चांसेस कम है आए तो भी कैसे आगे बढ़ना वो मैंने आपको बता दिया देखिए क्वेश्चंस सैंपलिंग रिस्क क्वेश्चन में पहले बहुत कुछ पूछते हैं आखिरी में पूछा गया वो देखना पड़ता है रिस्क फैक्टर्स सैंपलिंग रिस्क और रिस्क फैक्टर जैसा क्या है रिस्क फैक्टर ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं ऐसे फाइव थर्टी में मतलब वो सैप्पलिंग रिस्क ही समझाना है बस ये समझना है कि सैम्पलिंग रिस्क को आप समझाइए रिस्क की वजह से दो तरह के एरर्स निकल के आ सकते हैं टाइप वन टाइप टू एरर टाइप वन खतरनाक है इफेक्टिवनेस पे असर है टाइप टू में आपके क्वांटम ऑफ वर्क एफिशिएंसी पे असर पड़ता है ये आपको बताना है लेकिन पढ़ते क्वेश्चन पढ़ते आपको यही देखना है रिस्क फैक्टर्स अच्छा रिस्क फैक्टर तो ऐसा कुछ होता नहीं है यार मतलब यही लिखना पड़ेगा राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग क्या होती है उसकी बातें नॉन स्टैटिस्टिकल क्या होती है उसकी बातें एक बार तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया था शुड सिलेक्ट सैंपल एक्सपेक्टेड टू बी रिप्रेजेंटेटिव कमेंट ऐसा सैंपल सिलेक्ट करो जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो भाई पूछना क्या चाहते हो पूछना क्या चाहते हो वो तो बताया ही नहीं अब ये स्टेटमेंट कहीं तो भी इंक्लूड होगा देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्लानिंग नहीं कर सकते डोंट बी फूल ठीक है अपने को जो समझता लिख देने का दस पंद्रह मार्क का अजीबो गरीब रहेगा एकदम दिल खोल के छोड़ने का उसको बेवकूफ नहीं हम लोग कि उसके चक्कर में हम लोग बाकी पेपर खराब कर देंगे छोड़ो दस पंद्रह मार्क का चलता है नो प्रॉब्लम एट ऑल अजीबो गरीब वो भी पेपर डिफिकल्ट तो ऐसा रहता है तो कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन देखिए यहां पर हमको स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकली समझाना था भाई वो भाई दो अप्रोच हो सकते हैं पहले उन्होंने पुराना यार ये पुराने कोर्स का पहले सैम्पलिंग मतलब क्या जो भी अप्रोच हो रिप्रेजेंटेटिव हो दो मेजर मेथड्स हैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है ठीक है, है और स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में दो चीजें अच्छी है साइंट ये बहुत साइंटिफिक है प्रूव्ड है अनबायस्ड है उसके एडवांटेज आप बता दीजिए नॉन सेटिस्टिकल सैंपलिंग के बारे में थोड़ी सी बातें बोलिए ठीक है जजमेंट है इसके अंदर जजमेंट पर्सनल एक्सपीरियंस पे हम लोग चलते हैं फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अनबायस्ड रहकर चले प्रडिक्टिव ना रहे दोनों की थोड़ी अच्छी अच्छी बुरी बातें आप करिए सैंपलिंग मेथड्स ये भी ओल्ड कोर्स में पूछा है पूरे के पूरे मेथड्स पूछ लेंगे इसके चांसेस तो मुझे नहीं लगते हैं कोई पर्टिकुलर मेथड के बारे में कोई चीज घुमा फिरा छोटा मोटा पूछ सकता है ठीक है फिर भी चांसेस कम है सभी मेथड्स के बारे में हमने समरी देके रख दी है प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल्स न्यू कोर्स में तो कोई इसको ज्यादा पूछा गया नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूछेंगे नहीं हैपेजार्ड सैम्पलिंग हम पढ़कर आए इसका बहुत डिटेल में हम पढ़कर आए जो हम पढ़कर आए बस वही लिखना है इज नथिंग कोई बहुत ही डिस्कशन है केस स्टडी है ऐसा कुछ भी नहीं है नेचर एंड क्वालिटी एस्पेक्ट देखो पूछा नहीं था नेचर एंड कॉज नेचर एंड कॉज पूछा नहीं था पूछा क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तो आपको यह समझना है आपको यह समझना है कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब नेचर एंड कॉज नेचर एंड कॉज आपको समझना है समझ रहे आप इसको कहां पे क्या लिखना कहां पे क्या लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये क्वालिटी एस्पेक्ट देखकर आपको समझेगा अच्छा नेचर एंड कॉज के बारे में लिखना है प्रसले पहले आंसर सही नहीं था टॉलरेबल लेवल्स क्या टॉलरेबल लेवल्स मतलब एक्सेप्टेबल लेवल्स ये लेवल तक गलतियां होगी तो भी हम मान लेंगे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स रिलायबल है टेस्ट ऑफ कंट्रोल में टेस्ट ऑफ डिटेल में मान लेंगे कि देर नो में इन तो टॉलरेबल लेवल होते क्या ये मॉनिटरी लिमिट सेट बाई दी एक मोनिटरी लिमिट सेट कर दी है ये लेवल तक भी अगर गलतियां पहुंचती है इससे नीचे उसके लेवल तक तो वो ये कंक्लूड करेगा ये कंक्लूड करेगा एक रीजनेबल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से भाई सब बराबर है ही दैट एक्चुअल आर नॉट द मॉनिटरिंग लिमिट एक ये मॉनिटरी लिमिट सेट करता है और मॉनिटरी uh, लिमिट सेट करता है और देखता है कि ये टॉलरे ये जो मॉनिटरी लिमिट है इससे गलत चीजें कम है ना कम है ना इतनी है उससे कम है ना ठीक है

कि लेवल में से कुछ डिडक्शन कर देते हैं अनडिटेक्टेड गलतियों के लिए और जो बच जाता है उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी तो उसी के बारे में देखो ये थेरी पुरानी है है पुराने एग्जाम्स में पूछी हुई है, एक लिमिट ऑडिटर ने सेट करके रखी है टू इवेल्यूएट रिजल्ट ऑफ दी सैंपल सैंपलिंग सैंपल डिजाइन करते वक्त इसको तय किया जाता है इस लिमिट के नीचे उससे कम रहा तो हम बोलते हैं स्टेटमेंट नहीं है इसके ऊपर गए तो हम बोलते हैं स्टेटमेंट है ठीक है ये करते वक्त हम लोग एक थोड़ा सा रिडक्शन करते हैं जैसे परफॉर्मेंस मेटरियल निकालते हैं वैसा रिडक्शन इसमें किया जाता है इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि टॉलरेबल इज सेम एज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जनरली सेम ये सिमिलर टू तो टॉलरेबल स्टेटमेंट है एक रेट सेट किया हुआ है ये रेट तक अगर चीजें है तो कंट्रोल रिलायबल ऐसा माना जाता है हम चेक करते हैं इससे कम है तो कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली चलिए एमसीक्यू देखते फाइव थर्टी पॉइंट वन

अब यहां पर यहां पर एक स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के अकाउंट अकाउंट्स पेबल क्रिएटर चेक कर रहे हैं ऐसा बोला है ट्वेंटी परसेंट पेबल चेक किया बहुत ट्वेंटी परसेंट फिफ्टी एट थाउजेंड गलती है थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड की गलती है और एक अट्ठाईस हजार की गलती है थर्टी थाउजेंड की गलती है कंट्रोल्स बराबर नहीं थे वीक थे उसके से गलती हुई अट्ठाईस हजार की गलती एनोमली है वन ऑफ एरर ऐसा लिखा है वन ऑफ एरर से आपको समझना कि एनोमली है

कंट्रोल्स की कितनी गलती है उसकी वजह से हमको पॉपुलेशन की गलती मिल जाएगी ठीक है लग रहा है स्टेटमेंट सी आर के कंपनी शुड बी आज टू एडजस्ट पेबल फिबर बाय फिफ्टी एट थाउजेंड देखो आ, सिर्फ फिफ्टी एट थाउजेंड की गलती ऐसा नहीं है इसके बेसिस पे प्रोजेक्शंस करने पड़ेंगे प्रोजेक्शंस करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कितनी बड़ी गलती है कितनी बड़ी गलती है वो देखना पड़ा प्रोजेक्शन करना पड़ेगा फिर उसके बाद हम आगे का सोचेंगे हाँ ये जो गलती है तो रेक्टिफाई करने देखो बी और सी दोनों सही है कि भाई सैंपल में इतनी गलती तो सैंपल में ये रेट ऑफ डेविएशन है तो पॉपुलेशन का रेट ऑफ डेविएशन मिल जाता है बिल्कुल सही है ठीक है सर लेकिन आपने तो बोला था क्याल्कु... आपने तो बोला था प्रोजेक्शन देखो मैंने बोला कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको ऐसे रेट ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन और सी में बोला रेक्टिफाई देखो रेक्टिफिकेशन करना है सैंपलिंग के बाद करना पड़ेगा सैंपलिंग प्रोसेस का काम नहीं है वो रेक्टिफिकेशन ऐसे 450 में होता है तो दोनों में से बेटर आंसर इज बी इट इज पार्ट ऑफ द सैंपलिंग ठीक है आपको थोड़ा सा ये सैंपल के जो भी है थोड़े से अजीबो गरीबी है लेकिन ये आपको फिर से यहां पे क्लैरिटी में हमने क्यों प्रेफर किया इसको वाई वी हर प्रेफर इट्स अ पार्ट ऑफ सैंपलिंग कि भाई प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन निकलता है इट्स अ पार्ट ऑफ सैप्लिंग गलतियां रेक्टिफाई करना सैंपलिंग होने के बाद में ठीक है बाद में रेक्टिफाई हम लोग करने का सोचते हैं वो ऐसे फोर में होता है दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसेस तो बेस्ट आंसर इज बी अब इस केस में ऐसा है कि बिजनेस बहुत बढ़ गया ऑडिट टीम ने पिछले साल थोड़े से सैंपल सिलेक्ट करके चेकिंग की थी बिजनेस बहुत बढ़ गया है क्लाइंट क्या बोलता जितना तुमने सैंपल पिछले बार बार किया था उतना इस बार भी करो तुम बढ़ा नहीं सकते गलत ऐसा थोड़ी होता है ठीक है क्लाइंट बिल्कुल गलत बोल रहा है बिल्कुल गलत है अगर अपने ऐसे के फाइव थर्टी के अंदर प्रिंसिपल है सैंपल साइज कब बढ़ाना चाहिए कब कम करना चाहिए अगर बिजनेस बढ़ा हुआ है तो हो सकता है हमको सैंपल साइज बढ़ानी पड़े अगर चीजें पूरी बढ़ गई है वही फॉलो करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी जरूरी है आंसर इज ए क्लाइंट का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल वैलिड नहीं है इट इज नॉट अट ऑल वैलिड यहां पे ब्लॉक सिलेक्शन किसको बोलेंगे ठीक है ग्रुप में बांटना स्ट्रेटिफाइड है फिक्स्ड। आपका रखना डिस्टेंस इंटरवल है मॉनिटरिंग सैंपलिंग डी वाला है उसको ब्लॉक सिलेक्शन बोलेंगे यहाँ पे हमने पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का पूरा सेटअप बनाकर रखा हुआ है और बोला पूछो बोलो क्या ही है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है सिंपल देखिए ये इंटीग्रेट केस स्टडी 25.4 है 25.4 पे बेसिकली हुआ ऐसा है कि दो गलतियां मिली है दो गलतियां मिली है चार लाख की गलती आठ लाख की गलती चार लाख की गलती सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम था उसकी वजह से गलती हो गई और आठ लाख का एनोमली है एनोमली की वजह से हुआ है टेम्प्री गलती बार बार रिपीट नहीं होगी क्या करना चाहिए हमने मटेरिडी के नीचे छोड़ दो ऐसा भी नहीं सिर्फ रेक्टिफाई करो रेक्टिफाई करो चार सौ पचास में हम पढ़ते हैं लेकिन अरे रेक्टिफाई नहीं हमको प्रोजेक्शन करना पड़ेगा गलती मिलने के बाद प्रोजेक्शन करने पड़ेंगे गलती मिलने के बाद सिर्फ रेक्टिफाई नहीं करना पड़ता गलती मिलने के बाद प्रोजेक्शन करने पड़ते तो वो बी वाला भी इनकम्प्लीट है डिफरेंट सैंपलिंग वो भी गलत तो आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा सैंपल में इतनी गलती तो पॉपुलेशन में कितनी गलती सैंपलिंग में हम प्रोजेक्शन पे जाकर रुकते हैं प्रोजेक्शन करते प्रोजेक्शन हम लोग करते हैं ठीक है और वहां से हम डिसीजन लेते हैं तो सिर्फ रेक्टिफिकेशन कर देना दैट इज नॉट द एंड ऑफ द सैंपल ठीक है प्रोजेक्शन करना इज द नेक्स्ट स्टेप तो डी परफेक्ट आंसर है देखिए ऐसे 550 के क्वेश्चंस हाउ टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस ऑफ रेट पार्टी ट्रांजेक्शन कंपनी के अंदर कितनी रेडेड पार्टी रिलेशनशिप्स है उसके ट्रांजेक्शन इसकी जानकारी कैसे इकट्ठा करना पॉसिबल सोर्सेस ऑफ रेट पार्टी इंफॉर्मेशन

यहां पे पूरी लिस्ट है वो लिस्ट आपको यहां पर बता दें बहुत फेमस है बार बार एग्जाम्स एमटीपी आरटीपी में कि वो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको भर भर के जानकारी दे सकते हैं रिलेटेड पार्टीज की नवंबर ट्वेंटी एग्जाम में था रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वो भी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस डेडली कॉम्बिनेशन डेडली

पेरेंट कंपनी ने हमको लोन दे दिया कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, नहीं है अग्रीमेंट नहीं है रीपेमेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं है रीपेमेंट इंटरेस्ट कुछ पे किया नहीं है पेरेंट कंपनी बहुत ही मेहरबान है लोन दे दिया बिना बिना अंडरस्टैंडिंग के कोई इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हो रहा रीपेमेंट नहीं हो रहा फ्री में कंप्यूटर्स दे दिए उन्होंने कंप्यूटर्स दे दिए उसके बारे में भी कोई लिखा पड़ी नहीं है नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ नहीं बता रहे लोग फिर ये तो अब लेने की बात थी दिस टेकिंग टेकिंग मनी अब यहां पर हम लोग पे कर रहे हैं मार्केटिंग सर्विसेस मार्केटिंग सर्विस महीने का सवा तीन लाख रुपए पे कर रहे मार्केट वैल्यू पच्चीस हजार रुपए मतलब तीन लाख रुपए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पे 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 कर कर रहे रहे लाख रुपए वी आर एक एक पार्टी को हम एक तो हमको चीजें फ्री में बहुत सारी मिल रही वो कहीं पर भी नोट टू अकाउंट कहीं पर भी बताया नहीं है हम लोगों को ज्यादा पे कर रहे हैं वी पेइंग मोर मार्केट में जो प्राइस है उससे भी ज्यादा पे कर रहे ठीक है उसके बारे में भी नोट अकाउंट्स में कुछ नहीं है फिर कुछ तो सीएफओ से इंफॉर्मेशन पूछी है की वो दे नहीं रहा तो तीन चीजें ऐसी है जो चीजें हमको मिल रही है वो भी नोट में नहीं बताई जो हम ज्यादा पे कर रहे वो भी नहीं बताया फिर इसके बाद, इसके बाद बाद में नो no इंफॉर्मेशन जानकारी भी नहीं दे रहे अभी देखो इसमें कहानी में ट्विस्ट है एडवाइस अबाउट आइटम्स टू बी रिपोर्टेड टू इसकी अकाउंटिंग उसकी क्या डिस्क्लोजर होनी चाहिए वो नहीं पूछा है ऑडिट रिपोर्ट में क्या करेंगे वो नहीं पूछा है कारों में क्या करेंगे वो नहीं पूछा है कंपनीज एक्ट में क्या होगा वो नहीं पूछा है आपको ये पूछा है कि आप टीसीडब्ल्यू को क्या कम्युनिकेट करोगे बहुत ही खास टीसीडब्ल्यू को क्या कम्युनिकेट करोगे ठीक है पहले रेफरेंस है कुछ खास दिया नहीं उसमें सिर्फ इतनी बात बोलिए कि ऐसे टू में भी हम लोग पढ़ते हैं फाइव फिफ्टी में भी हम लोग पढ़ते हैं ऑडिट के दौरान जो सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं वो आपने सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं वो आपने टीसीडब्ल्यूजी जी को जरूर जरूर बताने चाहिए ठीक है और सिग्निफिकेंट मैटर्स आपने जरूर बताने चाहिए यू शुड ऑलवेज टे और ये सिक्सटी 260 550 में लिखा हुआ है 260 में लिखा है सिग्निफिकेंट मैटर्स बताओ देखो दो चार्ज विद गवर्नेंस, दो चार्ज विद गवर्नेंस आपके पीरियडिकली आते रहते डिस्क्लोजर करते रहते डेली बेसिस पे नहीं होते हो सकता है उनको पूरी जानकारी ना मिले इसलिए आप जाकर उन, आप उनको बताओ कम्युनिकेट करो सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स कोई भी बड़ी चीज उनसे छूटनी नहीं, नहीं, चाहिए पहली बात ठीक है कोई भी चीज उनसे ना छूटे उनको बताइए ताकि उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो उनको सारी जानकारी उनको मिले उसमें फिर वो बोलते हैं पहले तो कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि अगर कंपनी कम, अगर में अगर कंपनी में अचानक कोई हमको रिटेड पार्टी मिलती है जो पहले आइडेंटिफाइड नहीं थी ट्रांजेक्शन मिलते जो पहले डिस्कलोज नहीं किए थे ये बहुत बड़ी बात है। और जो पहले उसको पता नहीं थे अचानक उसको कहीं और जानकारी से पता चला उसने ये बात पीसीडब्ल्यू जी को जरूर जरूर बतानी चाहिए हो सकता है उनको भी पता नहीं फिर ऐसे चीजें मिली जिसपे ऑथराइजेशन नहीं है ऑडिट कमिटी बोर्डर्स का प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं जो होना चाहिए था ठीक है ऑथराइज उसका प्रॉपर ऑथराइजेशन अप्रूवल नहीं है यह बात भी बतानी चाहिए तो यहां पे बोला है कि यस दो बातें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है जो मैनेजमेंट ने छुपाया था वो बताना चाहिए कि भाई हमसे छुपा के रखा था या हमको पता चला आपको बता रहे शायद हो सकता है आपको भी नहीं पता और अप्रूवल्स ऑथराइजेशन नहीं है वो भी बताना चाहिए और ये भी बोला है कि अगर टीसीडब्ल्यू और मैनेजमेंट के लोग सेम है सब कुछ पता ही है मैनेजमेंट के लोगों को मतलब सब कुछ पता ही है टीसीडब्ल्यू के लोगों को तो फिर से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है तो आपने टीसीडब्ल्यूजी को पूरी जानकारी देनी चाहिए और जानकारी देने के बाद में एएस का कंप्लायंस एएस 18 कंप्लाइंस 24 का कंप्लायंस ओवरऑल बराबर हो रहा है ना पहले तो आप कम्युनिकेशन कर दीजिए दी वो खत्म करो और आप एज ऑडिटर हो तो आपको चेक करना ही ए एस इंडियस फॉलो रखे वो भी आपकी जिम्मेदारी में आता है ठीक है फिर यहां पर ब्रीफ समरी बतानी थी सभी मैटर्स की ब्रीफ समरी बताइए यहां पर कि भाई हमको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिली हमको फ्री ऑफ हमको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हमको चीजें मिली हमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग मिला हमको कंप्यूटर्स मिला इसको नोट्स ये हम बताएंगे उसकी समरी बताएंगे और ये और एक चीज नोट्स टू अकाउंट्स में इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना था कि विदाउट कंसिड्रेशन रिलेटेड पार्टी से ये, ये चीजें मिली हुई है इसको सेपरेटली बताना चाहिए ठीक है इट शुड बी शोन सेपरेटली फिर उसके बाद हमने भी लोगों को दिया है पैसा इसका भी सेपरेट डिस्क्लोजर होना चाहिए और सीएफओ जो जानकारी नहीं दे रहा है दो चीजों का तो सेपरेट डिस्कलोजर होना चाहिए पहली और दूसरी अगर नहीं करोगे सेपरेट डिस्कलोजर तो हम क्वालिफाई कर देंगे क्योंकि आप गलती कर रहे हो क्वालिफाई एडवर्स हो सकता है और तीसरे में तो आप जानकारी दे रहे हो डिस्लेमर हो सकता है तो आपको बताना था कि ये चीजें कम्युनिकेट कर ये ये चीजें कम्युनिकेट करनी पड़ेगी और नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ चीजें नोट्स टू अकाउंट्स ही नहीं तो क्वालिफा हो जाएगा आगे फिर से वो रेफरेंस देके छोड़ देते कि भाई इतना कम्युनिकेट कर दो आप यू कम्युनिकेट दीज थिंग्स कारो के अंदर कारों के अंदर जो रिपोर्टिंग करना है कर अप्रूवल्स 188, 177, 188, 177 बराबर लिए गए क्या वो भी चेक कर लेना डिस्कलोजर बराबर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के हिसाब से वो चेक कर लेना और कारों में रिपोर्टिंग कर दो, कर दो, बस ऊपर ऊपर से दिया हुआ है तो ये पूरा केस जब पहली बार पढ़ो तो ऐसा क्या क्या रेफरेंस दू कंपनी का कंपनी कितना रेफरेंस दिया ब्लू में सिर्फ ऐसे लिखा है कि कुछ चीजें अप्रूवल और रिकॉर्ड्स के लिए बनी है कुछ आ, आपको बता दें डिस्कलोजर्स के लिए ऑडिट रिपोर्टिंग के लिए एंड सो ऑन ठीक है सबका रेफरेंस दिया है जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहया है कुछ भी नहीं बस सिंपल है टीसी को इन्फॉर्म रहना चाहिए करना चाहिए आपने ऐसे टू सिक्सटी दोनों में लिखा हुआ है और रीडर पार्टी की जानकारी आप दे देंगे बाकी कई और इम्प्लीकेशन है तो वो भी आपने सोचना चाहिए उसके बारे में डिटेल में गए नहीं है जब रिस्पेक्टिव चीजें देखेंगे तो उसमें और चर्चा करेंगे से 177, 188 थोड़ा आपको आने वाला है ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर के अंदर कारो भी आएगा अब यहां पर कौन से सिचुएशन में रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप लग रहा है सब बकवास बातें दी हुई है अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है इक्विटी शेयर्स में तो रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप लग रहा है ठीक है मतलब हमारा फैमिली फ्रेंड काम करता है नहीं डिबेंचर में पैसे लगाए कोई खास बात नहीं ठीक है ये सब नहीं अगर आपके पास इक्विटी शेयर है तो डेफिनेटली रेड पार्टी में आंसर इज डी अगला है क्या जानकारी आपने इकट्ठी करनी चाहिए फॉर ताकि आप रेडेड पार्टी की रिस्क पता कर सको क्या जानकारी हम पढ़ कर कितनी रेडेड पार्टीज है किस तरह के उनके साथ ट्रांजेक्शन नेचर रिलेशनशिप है ट्रांजेक्शन है सिस्टम क्या है आपका आइडेंटिफाई करने का ऑथराइजेशन अप्रूव करने का सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और आउटसाइड नॉर्मल कोर्स सब सबका वो समझना ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है तो कौन सी बात समझनी चाहिए जहां जहां पे ओनली लिखा है ना बी में ओनली ओनली लिखा है वो तो ऐसी गलत हो गए और कंपनीज फ्रॉम पॉलिसी फॉर डीलिंग विद रेट बाय ट्रांजेक्शन एंड मटेरियल ट्रांजेक्शन पॉलिसी बनाई है क्या चलो पॉलिसी भी एक था लेकिन ज्यादा बेहतर कि अप्रूवल्स लिए गए क्या ट्रांजेक्श रियर पार्टीज कौन है कितने बड़े ट्रांजेक्शन है अप्रूवल्स लिए गए क्या प्रॉपर अग्रीमेंट्स बने क्या एंड सो ऑन ए इज बेटर सिर्फ पॉलिसी जानने से बेहतर ये पूरी ए वाली जो इन्फॉर्मेशन है ठीक है वो ज्यादा बेहतर है ज्यादा रेलिवेंट है कि क्या जानकारी इकट्ठा करना उसके लिए फाइव सिर्फ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना चाहिए सिर्फ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लो रियर पार्टी के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं गलत बात यार इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की हम लोगों ने बात की वो डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए दिमाग लगा के हम लोगों ने रिस्क असेस करना चाहिए और गहराई तक और इंडेप जाना चाहिए बिल्कुल गलत बात है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेकर निपटा दो आप क्या फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या ऑफकोर्स फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है आइडेंटिफाई करना जानकारी के लेना जानकारी के बाद आइडेंटिफाई असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट रेड पार्टी ट्रांजेक्शन उसकी रिस्क निकालना उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर तय करना परफॉर्म करना गलती है कि वो पता लगाना आखिरी में रिप्रेजेंटेशन सब जिम्मेदारी में आता है तो सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से बात नहीं बनने वाली वो कॉमन सेंस था इनफैक्ट फाइव एटी का ज्यादा क्वेश्चन है लेकिन ठीक है फाइव फिफ्टी पॉइंट फोर अब यहां पे यहां पे एक चीज देखिए अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कभी कभी एकदम साफ साफ से बताता है रिलेटेड पार्टी मतलब क्या एब्सोल्यूट क्लैरिटी उसके ट्रांजेक्शन कैसे उसमें क्लैरिटी बिल्कुल उसका मतलब बताया हुआ है कैसे उसका अप्रूवल ऑथोरेशन लेना वो बताया हुआ है कैसे उसकी अकाउंटिंग का सब कुछ बताया हुआ डिटेल में ऐसा होता है कभी कभी नहीं बताता तो अगर फ्रेमवर्क साइलेंट है तो क्या हम रिलेटेड पार्टी की चेकिंग छोड़ देंगे पूरी बिल्कुल नहीं अगर फ्रेमवर्क के अंदर रिलेटेड पार्टी के बारे में दिया है तो क्या दिया हो पढ़ लो समझ लो और उसके हिसाब से रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करो उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन देखो प्रॉपर ऑथोरेशन अप्रूवल सब कुछ बराबर हुआ है ना वो देख लो लेकिन अगर एफ आर एफ अगर साइलेंट है रेडेड पार्टी को लेकर तो कुछ नहीं करेंगे ऐसा नहीं होता ऐसे फाइव फिफ्टी की डेफिनेशन लो वॉट डू बिन रेड पार्टी आइडेंटिफाई करो कितनी रेडेड पार्टीज है उसकी जानकारी लो उसमें क्या गड़बड़ होने के चांसेस है वो रिस्क देखो सी दैट रिस्क ऑल्स उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है ठीक है तो ये सब आ, ये सब कुछ ये सब कुछ करना पड़ेगा ऐसे 550 के हिसाब से सब कुछ छोड़ दो ऐसा तो नहीं होने वाला अब इसमें दो है कि भाई यस आपको तो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी रिस्क आइडेंटिफाई करना रिस्क आपको पता लगानी पड़ेगी इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन देना पड़ेगा कंक्लूजन कभी हमको सिर्फ रेड पार्टी पे नहीं देना पड़ता फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे देना पड़ता है उस पर कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल सब ठीक लग रहा है ना रेड पार्टी भी ठीक लग रहा है मोटा मोटी कुछ उसमें गलती तो नहीं है ये दोनों में ए और सी में सिर्फ ए की फर्क था वो सिर्फ रेडेड पार्टी पे कंक्लूजन और रिपोर्टिंग की बात करता है ओवरऑल तो ओवरऑल वाला बेहतर है क्योंकि ओपियन कभी भी सिर्फ रेड पार्टी पे नहीं आता पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है ओवरऑल मोटा मोटी सब ठीक लग रहा है ना छोटी मोटी गलतियां चलती है ऐसे फाइव सिक्सटी क्वेश्चन देखते हैं देखिए ये पहला क्वेश्चन है वो बोलते हैं कि जिम्मेदारी क्या है सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बताया अरे लेकिन तुम क्या चाहते हो बैलेंस शीट डेट के बाद में ऑडिट रिपोर्ट के बीच में की चीजें आप चाहते हो कि उसके बाद की चीजें चाहते हो कुछ भी बोला हुआ नहीं है नथिंग दे स्पेसिफाइड तो आपको समझ जाना है आपको क्या लिखना है बैलेंसिट डेट के बाद डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में की जो इवेंट्स है उसको लेकर ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है वो तुमको लिखना है अब ये तो और बहुत ही बढ़िया केस बनाया कि एक कंपनी है जो एयरलाइंस के लिए फूड पैकेट बनाती है ठीक है और काफी सारा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काफी सारा अपने पास में स्टॉक को जमा करके रखते है वो लोग कोविड आया एयरलाइंस कोविड आया एयरलाइंस का पूरा बिजनेस ठप हो गया तो इनके भी प्रॉब्लम हो गए कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं हो रहे और इनका पूरा जो स्टॉक है उसमें प्रॉब्लम है पैसे भी नहीं मिल रहे इनको बेसिकली गोइंग कंसर्न भी इनका गोइंग कंसर्न का भी इशू है उनका बेसिकली बट गोइंग कंसर्न के बारे में नहीं बोला है साल थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बीस के बाद यह सब चीजें हो रही है उसका इफेक्ट कैसे लेना उसके बारे में बोला है अब मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि आप हमेशा केस कुछ भी बनाओ केस कुछ भी बनाओ पूछा क्या है वो देखो पूछा क्या है यहां पे कि भाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स की प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है ना तुम कैसे इंश्योर करोगे पूरा फोकस पूरा फोकस उनका फाइव सिक्सटी के ऊपर है

ये सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो एक क्वेश्चन है ए एस फोर क्या बोल रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है उसकी डेफिनेशन क्या है ये सब बैकग्राउंड है इंस्टीट्यूट हो सकता है ये कुछ कुछ आंसर्स में में इंक्लूड करे ना करे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपका जो आना ही आना चाहिए आना ही आना चाहिए इट शुड कम ऐसे फाइव सिक्सटी ऑर्डिटर की क्या ड्यूटी है क्या ऑडिट प्रोसीजर्स है हम पढ़कर आए उनके केबिन में दो बातें हमारे केबिन में दो बातें एडजस्टिंग इवेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आना ही आना चाहिए

क्या स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी चाहिए जब ऐसे फाइव सिक्सटी के अंदर आप इंक्वायरी करते हो तो फिर अब ये इंटरेस्टिंग कहानियां कहानी ऐसी है थर्टी फर्स्ट मार्च को साल खत्म हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च को साल खत्म हुआ फोर्थ ऑफ मे को ऑल्टर ने साइन कर दिया ठीक है और साइन कर दिया दो दिन बाद कंपनी को पता चला कंपनी को पता चला कि उनको बहुत सारा पैसा बहुत सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंडिंग था मिलना बाकी था अब वो पैसा पांच हजार आठ सौ करोड़ अब वो पैसा उनको, अब वो पैसा उनको मिलने वाला है मिलने वाला है और आठ मई को अब देखो टाइमलाइन समझ रहे हो साल खत्म हुआ चीजें फाइनलाइज होकर साइन हो गई उसके बाद में उनको पता चला उनके बाद बाद में सब कुछ हो चुका उसके बाद पता चला कि एक नया डिसीजन आया कि पांच हजार आठ सौ करोड़ आपको मिलने वाले हैं कुछ पेंडिंग थे गवर्नमेंट के पास में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व थी ऑफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको रिवाइज कर रहे ठीक है रिवाइज कर रहे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर के अपने व्यू बताने के लिए बोला गया है कि भाई तुम्हारे व्यू क्या है तुम बताओ देखिए ऐसा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद में एजीएम आने के पहले अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज करना चाहते हैं इफ दे वांट टू चेंज अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो वो बड़े आसानी से बड़े आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं मैं कंपनी लॉ के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं है ठीक है बड़े आसानी से वो लोग चेंज कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना उनका अधिकार है बिल्कुल वो इसको बदल सकते हैं उन्होंने रिवाइज किया ठीक है और हम लोग इसके ऊपर वी विल वी, वी अगर वो रिवाइज कर रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम इसके ऊपर रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे तो अब रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे बहुत सिंपल सी बात है इन्होंने इसको कैसा ट्रीट किया मैं आपको बता रहा हूं इन्होंने बोला कि ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुकी थी उसके बाद अचानक ये बात पता चली उन्होंने इसको ट्रीट किया फैक्ट कि ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद में कुछ फैक्ट्स पता चले हैं कुछ फैक्ट्स पता चले हैं तो वो ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद जो फैक्ट्स पता चलते हैं उसके हिसाब से चल रहे उन्होंने आंसर दिया कि भाई साइन करने के बाद कोई ऑब्लिगेशन नहीं था लेकिन अगर आपको कई सी इंफॉर्मेशन मिलती है जो अगर आपको पहले से पता होती तो आप आपका ऑडिट रिपोर्ट बदल देते ठीक है आपका ऑडिट रिपोर्ट बदल देते और जाकर आप डिस्कस करो मतलब दे आर ट्रीटिंग इट फैक्ट दे जो हमको बाद में पता चला कोई ऑब्लिगेशन नहीं है डिस्कस करो डिटरमाइन करो चेंज चाहिए क्या पूछो कर रहे है क्या मैनेजमेंट अमेंड करता है रिवाइज रिपोर्ट दे दो रिवाइज रिपोर्ट आप बिंदास दे दो लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप ई एम पी डाल चीजों को, को समझा सकते हो एक एडिशनल बात बता रहा हूं करेक्ट तो नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करना चाहिए पहले तुम साइन करोगे फिर हम साइन करेंगे एकदम सिंपल एकदम सिंपल सी लेकिन इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है अब मैं ये ज्यादा का एनालिस्ट आपको बता रहा हूं अगर आपको ये समझ में आ गया दिमाग में सेट हो गया तो अच्छी बात है इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट के फैक्ट्स अगर मैं टेक्निकली जाऊं ना तो इसमें प्रॉब्लम है केस में टेक्निकली क्या प्रॉब्लम है एक तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज होने के बाद कोई बात पता चली इट इज नॉट अ अब्सिक्वेंट इवेंट एज पर उसके हिसाब से नहीं है और ये ऐसे के हिसाब से भी सब्सिक्वेंट इवेंट है ये कोई पहले की बात नहीं है ये कोई डिसीजन पहले से आ चुका था ऑडिट रिपोर्ट में डिसीजन आ चुका था हमको पता नहीं चला ऐसा नहीं है ये अगर बहुत टेक्निकली मैं जाऊं तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट है ही नहीं एयरस इंडिया के हिसाब से ऐसे के हिसाब से एक सिंपल सा केस है नई जानकारी मिली है नई जानकारी मिली है और कंपनीज एक्ट के अंदर रिविजन पॉसिबल है उन्होंने वेरी सिंपल केस वॉन्ट टू रिवाइज बिकॉज ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन दे वॉन्ट टू रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज रिपोर्ट लेकिन उन्होंने इसको ट्रीट किया है फैक्ट्स के हिसाब से अब आप सर हम क्या करेंगे अगर ऐसा का ऐसा केस आता है सेम लाइंस पे केस आता है तो हम भी इसको फैक्ट्स फैक्ट्स पता चले ठीक है फैक्ट्स हमको पता चले आफ्टर गिविंग ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर गिविंग ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद में फैक्ट्स पता चले ऐसा हम ट्रीट कर, कर आगे बढ़ेंगे ठीक है बाकी ये ऐसी सिचुएशन है कि एकदम बहुत सिंपल था कोई ऐसे भी जनरली नहीं लगता अगर मैं बहुत टेक्निकली डीप जाकर मैं इंटरप्रिटेशन करूं तो और सेक्शन 131 कंपनीज एक्ट के हिसाब से पूरा हम ऐसा मानकर चल रहे सेक्शन

इस केस के अंदर बहुत सिंपल सी बात उन्होंने बोलकर रखी हुई है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी है इशू होने के बाद में ठीक है इशू होने के बाद में एक बहुत बड़ी पेनाल्टी उनके ऊपर लग रही है एक, एक, एक केस उनके ऊपर फाइल किया गया और एक हेवी पेनाल्टी उनको एक बहुत बड़ा केस उनके ऊपर फाइल किया गया हैवी पेनाल्टी के लिए ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद में ठीक है लेकिन पता चला जो एक्सीडेंट था जो जिस चीज के लिए केस कर रहे हैं वो गलती उन्होंने जनवरी में ही कर दी थी

बाद में पता चला फैक्ट ये आपको लगाना है ये आपको लगाना है कोई ऑब्लिगेशन नहीं था समझाना है डिस्कस डिटरमाइन डिस्कस करो देखो चेंजेस जरूरत है क्या इंक्वायर करो चेंजेस कर रहे हैं क्या कर रहे हैं तो रिवाइज रिपोर्ट दे दो वो लोग बोल रहे हैं कि रिविजन के लिए तैयार है कॉन्टिजेंट लाइब्रेरी बता देंगे और बोले आप ई एम पी डालकर इसको हाईलाइट कर दो कॉन्टिजेंट लाइब्रेरी को बिल्कुल सही बात है बिल्कुल कर दो एकदम सही है ई एम पी डालकर उसको हाईलाइट कर देंगे ठीक है और uh, मतलब मैनेजमेंट भी चेंज करने को तैयार है एज अ एमर का हम भी रिपोर्ट देने का ई एम पी बिल्कुल सब सही चल रहा है इसमें और कहानी में और ट्विस्ट लोग ये क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश हो गए थे क्या लोगों को पब्लिश हो गए थे क्या उसके बारे में कुछ बोला नहीं है इन्होंने खुद ही अज्यूम कर लिया इन्होंने खुद ही अज्यूम कर लिया कि लोगों को पब्लिश हो गए थे अगर पब्लिश हो गए थे तो इनकी जिम्मेदारी थी मैनेजमेंट के सबको इन्फॉर्म करना कि पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह सब जो भी कैंसिल करो हम नया वाला भेज रहे तो इन्होंने इस केस को ट्रीट किया है ठीक है अज्यूम किया है अज्यूम्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश तो भाई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सबको इन्फॉर्म करना और नए सेट भेजना अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि लोग पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा ना करें तो वो बात भी लिख दी इन्होंने अज्यूम्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिड खुद ही अपने मन से अज्यूम कर लिया आरटीपी का क्वेश्चन है कभी कभी एग्जाम के क्वेश्चन में लूज ड्राफ्टिंग हो जाती है आरटीपी के क्वेश्चन की खास बात क्या है लेकिन ये पिछले केस के मुकाबले एकदम बेहतर है जब आपको पहले की बात अभी पता चलती तो उसको हम फैक्ट्स बोलते ऑल टुगेदर कोई नई चीज हो रही होगी ऑल टुगेदर ठीक है कोई नई चीज हो रही होगी तो फिर अब कोई पुराने क्वेश्चन में भी बोलेगा सर वो केस तो पेंडिंग था लेकिन अरे वो केस आ, पहले से आ, पेंडिंग था मैं जानता हूं लेकिन कोई इंफॉर्मेशन छुपाई गई बताई नहीं ऐसा कुछ नहीं था यार देर वोज नथिंग लाइक दैट ठीक है तो चलो एलिमेंट ऑफ डाउट था उन्होंने वहां पर भी लगाया वहां पर भी लगाया उन्होंने फैक्ट्स करके सॉल्व किया यहां पर भी फैक्ट्स फैक्ट्स हमको बाद में पता चले ऐसा सॉल्व कर आप दिमाग में क्लैरिटी रखो ठीक है ऑडिट रिपोर्ट अगर साइन हो चुकी है उसके, उसके तो हिसाब तो से आपने आंसर देना चाहिए फिर यहां पे एक सैलरी uh, का केस उन्होंने डिस्कस किया कि सैलरी का केस लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था और uh, uh, और साइन करने के पहले साइन करने के पहले पता चला कि वो केस रिजोल्व हो चुका है डेढ़ करोड़ रुपए का अरियर्स स्टाफ को देना है लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था सो सोई वट हैपनिंग बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तो ये लंबे समय से निगोशिएशन थे अचानक उसका रिजल्ट आ गया थी उसका रिजल्ट आ गया इट्स एडजस्टिंग इवेंट इसका एडजस्टिंग इवेंट है इसका प्रॉपर एडजस्टिंग इवेंट है इसका प्रॉपर प्रोविजन बना लेना चाहिए यू शुड मेक अ प्रोविजन आउट ऑफ दिस ठीक है तो इसका प्रोविजन बनाना चाहिए तो बिल्कुल आपको ये बताना है कि ये कि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है ए एस फोर के हिसाब से ए एस ट्वेंटी नाइन के हिसाब से पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है इस चीज को लेकर कि अब इनको डेढ़ करोड़ रुपए पे करना है डेढ़ करोड़ रुपए पे करना सक्सेसफुल इसका प्रोविजन बनना चाहिए एडजस्टिंग इवेंट में अकाउंटिंग कर दो आप अगर चाहो तो बैलेंस शीट डेट से लेकर ऑडिट रिपोर्ट के बीच में क्या जिम्मेदारी होती है वो बता दे उन्होंने वो भी नहीं बताया उन्होंने बोला कि भाई आप चेक कर लो ये बराबर अकाउंटिंग कर रहेगा बराबर अकाउंटिंग होंगे तो क्लीन रिपोर्ट दे देंगे अगर बराबर अकाउंटिंग नहीं करोगे तो हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा ठीक है यहां पे निगोसिएशन सक्सेसफुल हुए मतलब पैसे नहीं देने पड़ेंगे ऐसा नहीं हुआ सक्सेसफुल है मतलब डेढ़ करोड़ रुपए ही देना पड़ेगा ये बहुत ही सिंपल सा केस है ऐसे तो ये एय एस इंडियाज का केस है कि भैया अब एक केस का रिजल्ट आ गया बोलो क्या करोगे अरे भैया एडजस्ट कर देंगे और क्या एडजस्ट कर देंगे एडजस्ट करे तो क्लीन रिपोर्ट देंगे ऐसे फाइव सिक्सटी के अंदर एडजस्ट नहीं करोगे तो मॉडिफाइड रिपोर्ट दोगे एज सिंपल एज दैट इसमें ऑडिट को लेकर बहुत बड़े चैलेंजेस वगैरह कुछ भी नहीं है बहुत पुराना केस है देखिए इंटीग्रेटेड केस स्टडी फोर्टी पॉइंट फोर है कहानी क्या मैं आपको बतायाता तो। हूँ कहानी पे हाईलाइट की हुई है बहुत सिंपल है मतलब कुछ कहानी बताई नहीं है सिर्फ इतना बताया कि ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी थी उसके बाद में सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज हो रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट भी रिवाइज हो रही है लेकिन ऑडिटर बोलता है कि मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा मेरी चेकिंग सिर्फ सब्सिक्वेंट इवेंट के अमेंडमेंट ही चेक करूंगा दो अदर अमेंडमेंट्स है वो अदर अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स में कुछ चेक करने वाला नहीं हूँ आई एम नॉट गोइंग टू चेक अदर अमेंडमेंट्स हम पढ़कर रहे थे अगर अदर अमेंडमेंट चेक नहीं करोगे तो डुअल डेटिंग कर सकते हो या फिर ई एम पी ओम पी डाल सकते हो तो यहां पर बस इतना ही पूछा है क्या करोगे पहले बोला की मैनेजमेंट पगला है क्या की मैनेजमेंट की सॉरी की मैटर पैराग्राफ की मैटर पैराग्राफ थोड़ी आएगा गलत फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन में गलत फिर ठीक है ऑडिट रिपोर्ट ग्रेट चेंज गलत डी वाला सही है ओरिजिनल डेट के साथ में एक एडिशनल डेट डालेंगे और उसमें बताएंगे कि सिर्फ मैंने सब्सिक्वेंटेंट का अमेंडमेंट या फिर ई एम पी ओ एम पी डालेंगे या फिर दोनों डाल दो डू बोथ द थिंग्स इतना अपन ने करना चाहिए तो उसका डी आंसर बनता है

पूरे प्यारे प्यारे चार्ट्स हम लोग देख चुके हैं इसके अब ये ये क्या कहानी है कहानी ऐसी है है कि कंपनी प्रॉब्लम में है और उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया है वो कंपनी प्रॉब्लम में फाइनेंशियल है लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे इंसॉल्वेंसी में खींच के चले गए इंसॉल्वेंसी के अंदर लोगों को रिजोल्यूशन प्लान देना पड़ता है अगर कोई कंपनी इसको खरीदना चाहता है इसको टेक ओवर करना चाहता है रिजोल्यूशन प्लान रिजोल्यूशन प्लान आ चुका है रिजोल्यूशन प्लान रिव्यू हो चुका है अप्रूव हो चुका है ठीक है और अप्रूवल फाइनल मिल चुका है रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया मिल चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी बच जाएगी रिजोल्यूशन प्लान हे अपन तो कमेंट करिए गोइंग कंसर्न के हिसाब से हाउ टू तो डील ऑडिट रिपोर्ट में क्या करेंगे तो उन्होंने पहले भाई स्टेप नंबर वन लगाना पड़ता है वेदर सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्रिएटिंग वेदर दे आर सिग्निफिकेंट इवेंट्स और कंडीशन विच क्रिएट डाउट अबाउट गोइंग कंसर्न हमारे मन में डाउट पैदा हो रहा है क्या वो बातें देखनी पड़ती है स्टेप नंबर वन का ओवरव्यू दिया है फिर स्टेप नंबर वन के बाद स्टेप नंबर टू मैंडेटरी वाली सारी बातें लिखी है कंपलसरी वाली सारी बाकी सारी बातें उन्होंने लिख दी है डन फिर यहां पर ठीक है है स्टेप नंबर के बारे में भी लिखा है। उसमें सिर्फ मटेरियल अनसर्टेनिटी की भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में बताना पड़ता है अगर है तो आपको डिटेल्स देने पड़ेंगे क्या प्रिंसिपल इवेंट्स और कंडीशन और लोगों को वार्निंग शॉट देना पड़ेगा कि भैया हो सकता है कि एसेट्स को ये लोग रिकवर ना कर पाए लाइबिटीज को रिपे ना कर पाए कि एसेट को रेगुलर कोर्स में यूज करके पैसे जनरेट करके लाइब्रेट को कर उसके बारे में, में कंक्लूजन फिर फिर करते हैं कि माना कंपनी पे खतरा था लेकिन रेजोल्यूशन प्लान इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी पूरी खत्म हो चुकी है मटेरियल अनसर्टेनिटी अं पूरी खत्म हो चुकी है अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी पूरी खत्म हो चुकी है तो फिर अब नोट्स टू अकाउंट्स में कोई हमको disclosure पूरी खत्म हो चुकी है सिर्फ तो अभी वार्निंग शॉर्ट इवेंट्स एंड कंडीशन आप समझाओ वो समझाया उन्होंने मतलब they are explaining material uncertainty doesn't मतलब उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब मैंने आपको बताया था हो सकता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट हो सकता है डजेंट एग्जिस्ट देखो प्रिंसिपल इवेंट्स एंड कंडीशंस मतलब क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स थे

मटेरियल अनसर्टेनिटी ठीक है प्रिंसिपल इवेंट्स डाउट था मन में क्रिएट मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है गोइंग कंसर्न वैलिड है ठीक है नोट्स टू अकाउंट में आप सिर्फ वो जो थे वो जो थे समझा दो डन ठीक है रिपोर्टिंग क्लीन रिपोर्टिंग अगर इतनी बातें समझा देते हैं तो हम लोग क्लीन रिपोर्टिंग देंगे क्लीन रिपोर्टिंग देंगे, देंगे और कुछ भी नहीं बड़ा प्यारा है क्लीन रिपोर्टिंग देखो यहां पे एक नोट लिखा है मिटिगेटिंग फैक्टर्स में कंप्लीटली नलीफाई एम यू और दे में रिड्यूस इट्स प्रोबेबिलिटी बिलो 50 परसेंट टू एंश्योर गोइंग कंसर्न इज वैलिड मिटिगेटिंग फैक्टर पूरे भी चीजों को हटा सकते हैं या फिर उसको वैलिड रख सकते हैं अब यहां पे नोट में बस वो अंडरस्टैंडिंग है कि मिटिगेटिंग फैक्टर क्या होते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर क्या होते हैं उसी बात को समझाया हुआ है ठीक है ये आप एक नोट लेकिन आप एड कर लेना अब गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट भाई हालत बहुत खराब धंधे की हालत खराब पैसों की हालत खराब और कोई प्लान नहीं है कोई प्लान नहीं है कि कैसे पैसा आएगा कैसे ऑपरेशन होंगे कैसे आगे बढ़ेंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑपरेशन प्रॉब्लम लीगल प्रॉब्लम 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 दुनिया दुनिया भर के दुनिया भर के के है और कोई सोल्यूशन नहीं है सीधा गोइंग कंसर्न इज इन अप्रोप्रिएट क्या करेंगे ठीक है आप यहां पर तीन स्टेप्स का जिस्ट पहले आपको बताना पड़ेगा ये ये हर जगह पे ही है स्टेप नंबर वन जाके क्या देखना पड़ता है स्टेप नंबर टू क्या करना पड़ता है स्टेप नंबर थ्री क्या करना पड़ता है मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में और फिर गोइंग कंसर्न के बारे में ठीक है अब ये लोग तो यहां पर बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल अनसर्टेनिटी भी कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया अब यहां पे तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स है देर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी ठीक है और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ज्यादा है गोइंग कंसर्न भी इन है आप पहले तीनों स्टेप्स को शॉर्ट में समझा दो कि स्टेप नंबर वन करना पड़ता है स्टेप नंबर टू करना पड़ता है थ्री करना पड़ता है फिर यहां पर ऐसा है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है पूरी बात समझानी थी लोगों को चेतावनी देनी थी मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में और दूसरा गोइंग गोइंग कंसर्न कंसर्न है है ये भी बताना है। और मतलब है, वो लेकिन सुन नहीं रहे तो एडवर्स देना पड़ेगा ठीक है अल्टीमेटली दे विल हैव टू गिव एडवर्स केस को डिस्कस किया उन्होंने क्या प्रॉब्लम है और सीधा बोल दिया कि आप एडवर्स ओपिनियन दे डालो बेसिस पैराग्राफ में पूरा समझा दो ठीक है अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था आंसर देने का ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था पहले थोड़ा सा अलग अप्रोच था अभी थोड़ा सा अलग अप्रोच इंस्टीट्यूट ने कर दिया है ठीक है अलग मतलब थोड़ा सा भावना में थोड़ा ऊपर नीचे इतना आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है कभी अगर आपको क्या लिखना है मैं आपको सिंपल बता रहा हूं तीन स्टेप्स के बारे में आप लिखिए फिर जो मुद्दा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आप समझाइए अगर मैं इसको भी ठीक है ऑलवेज एक्सप्लेन इफ देर इज नो क्लैरिटी उसी के ऊपर चर्चा करने की कोशिश की है आप हमेशा तीन स्टेप्स को पहले समझाओ और फिर बाद में जिस मुद्दे पे रिपोर्टिंग करना है कंक्लूजन है ठीक है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग को डिटेल में लो जो भी सिचुएशन होगी और फिर केस को डिस्कस करो उसके हिसाब से बता दो अब यहां पर वो क्लियरली बोल रहे हैं कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है तीनों स्टेप्स का जिस डालो बताओ कि मटेरियल अनसर्टेटी का अगर है ठीक है अगर पहले आपको कंक्लूड करना पड़ता है है कि नहीं अगर मटेरियल अनसर्टेटी है तो प्रिंसिपल इवेंट्स और कंडीशन को समझाना पड़ता है और साथ में चेतावनी देनी पड़ती है कि एसेट्स को रेगुलर इसमें बेच नहीं पाएंगे लाइब्रेरी को पे ऑफ नहीं कर पाएंगे नहीं होगा तो ऐसी रिपोर्टिंग होगी दोनों आपको सिचुएशन समझानी है यहां पे उनका क्लियरली है कि मटेरियल अनसर्टेटी है तो नोट्स टू अकाउंट से प्रॉपर डिस्कलोजर दो नहीं दोगे तो क्वालिफाई एडवर्स करना पड़ेगा ठीक है और एक बात है कि देखिए अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रियट है तो भी लोगों को चेतावनी अगर एमयू होगा तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो नोट्स टू में बताए और ऑडिटर की भी जिम्मेदारी है कि वो एमयू जीसी डालकर अगर मटेरियल अनसर्टनिटी है तुम्हारी भी जिम्मेदारी है और मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम बताए चीजों को मैं नोट्स टू अकाउंट्स में ऑडिट रिपोर्ट में एमयू जीसी पैराग्राफ डालकर ये बात को मैं हाईलाइट करूं ठीक है मटेरियल मटेरियल अनसर्टेनिटी है और यह डिस्क्लोजर देने को तैयार नहीं है क्वालिफाई एडवर्स करना पड़ेगा अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है और डिस्क्लोजर देने को तैयार नहीं है लोग तो क्वालिफाई एडवर्स करना पड़ेगा हम लोग एडवर्स डाल रहे हैं तो और कुछ करने की जरूरत नहीं देखो जब तक हम क्लीन रिपोर्टिंग देते हैं और एमयू को हाईलाइट करना है तो एमयू जीसी डालते हैं एडवर्स डाल रहे तो पूरी कहानी बेसिस पैराग्राफ में समझाई दी है अलग से क्या समझाना डिस्क्लेमर डाल रहे तो बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर में पूरी बातें हम समझाई देते हैं अलग से क्या डालना ठीक है यहां पे जब हम एडवर्स देंगे उतना काफी है सिचुएशन हियर इज मटेरियल अनसर्टेनिटी है लेकिन कोई डिस्क्लोजर वो देने के लिए तैयार नहीं है अब यहां पर ये यह पूछ रहे हैं कि कौन सी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना है गोइंग में कौन सी चीजें नहीं करना है पिछले साल का डेटा एनालाइज नहीं करते ना हम लोग फ्यूचर में क्या होने वाला है उस पर फोकस करते पिछले साल का डेटा हम लोग एनालाइज नहीं करते तो सी वाला है पिछले साल का डेटा एनालाइज करने की जरूरत नहीं दैट इज द आंसर क्या नहीं करो पिछले साल का एनालाइज मत करो फिर यहां पे अभी सिचुएशन है सेकंड एमसीक्यू के अंदर पैसों की कमी है वो बोलते हैं शेयर इशू करके पैसे आ जाएंगे आ जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसों की कमी पूरी हो जाएगी तो क्या गोइंग कंसर्न यस अगर आपको लगता है कि प्रॉबेबिलिटी लेस देन फिफ्टी परसेंट गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट

मैनेजमेंट ने असेसमेंट बनाया गोइंग महीने का नहीं बनाया अगले पूरे का बनाना था ना। कहां, से करते? कहां से करते? नहीं डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट नहीं डेट ऑफ पब्लिशिंग नहीं इट इज डेट ईयर एंड से बारह महीने काउंट करते अगर उन्हें बारह महीने का नहीं बनाया उनको रिक्वेस्ट करेंगे भैया बारह महीने का चाहिए कम से कम बाकी सपोज आपने नौ महीने का बनाया तो बाकी तीन महीने का आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कैसे बता सकते हो कि भाई हाँ आपकी पेरेंट कंपनी हमको सपोर्ट करने को रहे है। कुछ तो दो कि बचे हुए दो नहीं दोगे तो हम मांगेंगे से से उसके ऊपर ये लोग माथापच्ची कर रहे हैं इंटीग्रेटेड केस स्टडी है इंटीग्रेटेड केस स्टडी है एट इसके अंदर ये कहानी दिए कंपनी प्रॉब्लम में फलाना ठिकाना है कौन सी ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म नहीं करेंगे प्रीवियस ठीक कौन सी ऑडिट प्रोसीजर हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे तो पिछला साल पिछले साल वाली चीजें हम लोग नहीं करेंगे प्रीवियस ईयर की चीजें क्यों चेक करनी भैया प्रीवियस ईयर वाली चीजें हम लोग नहीं करेंगे आंसर so पिछले साल की चीजें क्यों करेंगे फ्यूचर का सोचो अब देखिए क्वेश्चन पहले मे 19 के आरटीपी में आया मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इंस्टीट्यूट ने मौका नहीं दिया ठीक है मे नाइनटीन के आरटीपी में आया मतलब अपने भी नोट्स में इसमें सब में आ गया फिर उस एग्जाम में नहीं पूछा अगले एग्जाम में पूछा माना प्रोनाउंसमेंट से पूछा इंस्टीट्यूट में माना से पूछा मॉड्यूल में से नहीं पूछा लेकिन मौका पूरा दिया मौका पूरा दिया और ऐसा बहुत बार होता है इसलिए रिसेंट एम टी आरटीपीज हमारी आईएमपी लिस्ट का वन ऑफ द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेसिस वही होता है पूरा मौका बार बार ऐसा वो भी नया क्वेश्चन हुआ तो भैया उसके तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं यहां पे पूरी कहानी उन्होंने बताई और कहानी पूछा है कि भैया इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट बंदा ऑनेस्ट है ना अच्छा है ना बंदा उसके लिए कौन सी बातें हमने देखनी चाहिए ठीक है एग्जाम्पल ऑफ द मैटर्स तो एसक्यूसी क्वालिटी कंट्रोल के लिए आप वो बोलिए कौन सी बातें देखनी चाहिए रोमा रिया करके मैंने शॉर्टकट है ठीक है तो रोमा यहां पे कौन सी बातें हमें देखनी चाहिए कॉमन सेंस है आइडेंटिफाई आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेप्यूटेशन जो क्लाइंट जो क्लाइंट के ओनर्स है उनसे छोटे उनके की मैनेजमेंट पर्सन है टीसीड्लू जी उनके रिलेटेड पार्टीज उनका मार्केट में रेपुटेशन क्या आइडेंटिटी क्या है क्या इनको बहुत ऑनेस्ट लोगों में माना जाता है अपने वर्ड्स का ध्यान रखते ऐसा माना जाता है है ठीक सच्चे लोगों में इनको माना जाता है रोमा पहले उनके तरफ ध्यान दो फिर ऑपरेशंस इनके ऑपरेशन बिजनेस प्रैक्टिसेस कैसे बहुत ही सोच समझ के ठंडे दिमाग से पॉलिसीज प्रोसीजर से चलते हैं सिस्टम से ये चलते हैं ठीक है इस तरह सोच समझ के पॉलिसी बेस्ड चलना सिस्टम बेस्ड चलना इस तरीके से चलते हैं चलते हैं बिना सोचे समझे चलते हैं पहले उनका रेपुटेशन समझना चाहते हैं उनका काम करने का तरीका एटीट्यूड ठीक है फिर एम स्टैंड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज में कहीं पर इन्वॉल्व तो नहीं है लोग ए स्टैंड फॉर एटीट्यूड क्या है एटीट्यूड क्या है इन लोगों का टुवर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट कितने सीरियस है लोग अकाउंटिंग के प्रति अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के, के प्रति अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इंप्लीमेंटेशन के प्रति इंटरनल कितना कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंस दे रहे कंट्रोल इन्वायरमेंट इनकी बातें करो पूरी भैया इनके इंटीग्रिटी की बात चल रही है ना आर फॉर इनका रेपुटेशन आइडेंटिटी ठीक है ओ फॉर 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 इनके एम ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग या किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी में में है क्या ए इनका एटीट्यूड सब में इनकी बात कर रहे हैं हम लोग अब रिया में क्या है थोड़ी बात हमारे से कनेक्टेड है रोमा में पूरी की पूरी उनकी बात है थोड़ी बात हमारे से कनेक्टेड है रीजंस क्या रीजन है पुराने बंदे को इन्होंने निकाला और हमारे को ये ऑफर कर रहे हैं व्हाट इज द रीजंस

देखो रोमा में सब उनकी बातें चल रही है रिया में उनका एटीट्यूड हमारे तरफ कैसा है ठीक है यहां पे रोमा वाली जो इतनी बातें हैं क्लाइंट से पूरी कनेक्टेड है रिया वाली बातें ऑडिटर से कनेक्टेड है कि भाई ऑडिटर को बदलने का रीजन क्या हुआ ऑडिटर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं डाल रहे ऑडिटर की फीस बहुत कम करने को तो नहीं देख रहे ठीक है ठीके? फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दिस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा है एक ही पार्टनर काफी सालों से काम कर रहा है काफी सालों से ठीक है इज डूइंग ऑडिट फॉर द लास्ट एट फाइनेंशियल लंबे समय से काम कर रहा है ऐसा बोला है और दूसरा फिर ऐसा बोला है नेक्स्ट इज उसका काम दूसरा पार्टनर देखता भी है ऐसा लंबे समय से एक ही पार्टनर काम कर रहा है उसका काम दूसरा बंदा रिव्यू भी करता है ठीक है फिर उसके बाद में और एक चीज है कि जो पार्टनर है के एक पार्टनर है के वो पार्टनर बाहर गांव गया है इंडिया के बाहर गया है तो उसका काम दूसरा पार्टनर रिव्यू कर रहा है ये हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ऐसा केस जब भी ऐसा हो कि एक पार्टनर काम एक पार्टनर के बदले दूसरा पार्टनर है रिप्लेस हो रहा है फॉर एनी रीजन हेल्थ खराब है डेथ है प्रॉब्लम है बिजी है कुछ भी हो तो आने वाले पार्टनर की पूरी जिम्मेदारी होती काम को अच्छे से रिव्यू करें काम लॉ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से था वहां के सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या थे प्रॉपर कंसल्टेशन लिए गए ना प्रॉपर कंक्लूजन बनाए गए ना इनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया गया ना क्या और कुछ ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने की जरूरत है ये सारी बातें देखनी पड़ती है ऐसे 220 के अंदर सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन है पूरी की पूरी वो बात है तो अगर एक पार्टनर जा रहा है दूसरा पार्टनर आ रहा है तो उसको उसके काम को बहुत प्यारे तरीके से रिव्यू करना पड़ेगा ऐसे 220 में भी ये हम बात डिस्कस करते हैं सेम उसके बाद ही वो उसको साइन कर सकता है दूसरा यहाँ पे मुद्दा है एक ही पार्टनर लंबे समय से काम कर रहा है SQC1 का एक एक ही पार्टनर लंबे समय से काम करता है 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 तो हो 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 जाती है। आपस में इतने close relationship बन जाते हैं कि सच्ची रिपोर्ट देना मुश्किल मुश्किल जाता है, हो जाता गलतियों को करना इसलिए फॉर्म में पॉलिसी होनी चाहिए अलग अलग लेवल के असाइनमेंट्स बड़े बड़े समय तक क्लाइंट को ऑडिट करते रहे उसकी पॉलिसी को आप सोचिए थोड़ा बैठकर सोचिए कितने समय तक करेगा लिस्टेड कंपनी में तो आप रूल बनाइए कि भाई एक समय के बाद में एंगेजमेंट पार्टनर को चेंज होना चाहिए भले फर्म वही ऑडिट करते रहे लेकिन एंगेजमेंट पार्टनर बदल जाना चाहिए तो बोल रहे लंबे समय तक बंदा ऑडिट कर रहा है इसके लिए पॉलिसी प्रोसेस बनाई है कि इससे निकल कर आने वाली फैमिली थ्रेड को हम कैसे करेंगे क्या आप चेंज करोगाओगे पार्टनर को उसका आप रिव्यू ज्यादा करवाओगे सुपरविजन ज्यादा करवाओगे उसकी टीम बड़ी रखोगे जो भी रहेगा क्या करोगे और लिस्टेड कंपनीज में तो मैंडेटरी कर दिया है

इट ज अन कंप्लाइंस ऑफ एसक्यूसी वन तो यहां पर दो मुद्दे कवर थे दो मुद्दे कवर तो सात साल वाला एक्सट्रीमली इंपॉर्ट एसक्यूसी वन में लिखा हुआ है हमारे मॉड्यूल में नहीं अपनाउंसमेंट में दिया हुआ है कि सात साल सेवन ईयर्स ठीक है सात साल के बाद में आपको इंटरनली एंगेजमेंट पार्टनर बदलना ही होगा लिस्टेड कंपनी में कंप्लेंट एलिगेशन से कैसे डील करें नवंबर ट्वेंटी एग्जाम्स में था फिर मे ट्वेंटी मॉक में कंप्लेट एलिगेशन तो बोले उसकी पॉलिसीज प्रोसीज होनी चाहिए उन्होंने बोला है कि फर्म ने कभी भी कंप्लेंट्स और एलिगेशन आते उसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए उसके प्रॉपर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स कंप्लेंट्स और एलिगेशन से कैसे डील करना लोगों ने बहुत मिस इंटरप्रिट किया और से कैसे करना, उसके बारे में पूछा हुआ है प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई कंप्लेंट्स अगर आती है तो उससे कैसे डील किया जाए कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन दैट द वर्क परफॉर्म इज फेल्स टू कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत सी बार कंप्लेंट आ सकती है कि आपका काम सिस्टमेटिकली नहीं हो रहा आपकी रिपोर्ट बराबर नहीं है या फिर आप क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को फॉलो नहीं कर बहुत सारी कंप्लेन आ सकती है कि भाई आपके काम में क्वालिटी नहीं है या फिर आप क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो बनाया फर्म का वो फॉलो नहीं कर रहे आपके काम में क्वालिटी नहीं है आप लॉ रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे आप क्वालिटी रिपोर्टिंग बहुत बड़ा ठीक है बहुत बड़ी बात है कम्प्लेन्स है ऐसे एलिगेशन है तो पॉलिसीज और प्रोसीज होनी चाहिए कि भाई ऐसी कंप्लेन आती है काम के प्रति या सिस्टम के या फिर काम के प्रति आप काम बराबर नहीं कर रहे सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बराबर फॉलो नहीं कर रहे तो कोई बंदा कोई टीम होना चाहिए कि किसके पास कंप्लेन आएगी

वो क्या चेक करेगा वो तय होगा इन्वेस्टिगेशन द फर्म इन्वेस्टिगेट सच कंप्लेन्स इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और पूरा इन्वेस्टिगेशन शुड बी बाय सम पार्टनर जो एंगेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं था ऐसा निष्पक्ष बंदा हमको चाहिए सुटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन और अदर पर्सन टू कैरी आउट द इन्वेस्टेड फर्म के अंदर का भी बाहर का भी हो सकता है बोथ और फिर वेयर द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट डेफिशियंज इन डिजाइन और ऑपरेशन फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजियर और नॉन कम्प्लायस विद फर्म्स भाई अगर डेफिशियंज है फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में अगर डेफिशियंज है ठीक है तो फिर उसको भी अच्छे से देखना पड़ेगा तो आपको बताना है भैया लोगों के एलिगेशन आएंगे तो उसकी पॉलिसीज बनाकर रखो कौन पड़ेगा कैसे पड़ेगा अलग अलग आ सकते हैं चैनल बनाकर रखो इन्वेस्टिगेशन के तौर तरीके बनाकर रखो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ेंगे ठीक है और अगर डेफिशियंज मिलती है तो इट शुड बी द फर्म शुड टेक अप्रो एक्शन उसको रेक्टिफाई करो बदलो चेंज करो लोगों को बदलो अप्रोप्रियट एक्शन देना पड़ेगा देखिए इंटीग्रटेड इंटीग्रेड केसर्टी फोर पॉइंट वन है यहां पर ऐसा बोला कि एक फर्म ने अपने सभी जितने भी फर्म के अंदर के लोग थे उनको बोला कि आप इंडिपेंडेंस कन्फर्मेशन हमको दो कि आप लोग इंडिपेंडेंट थे आपने साल भर इंडिपेंडेंटली लीगली पर्सनली प्रोफेशनली आप आपके क्लाइंट्स पर डिपेंडेंट नहीं थे आप बताइए तो ये कितना फ्रीक्वेंटली लेना चाहिए एनुअली लेना चाहिए वनस इन किसके हिसाब से ये क्या काउंसिल गाइडलाइंस में लिखा है नहीं ये क्या एसक्यूसी वन में लिखा है यस yes. टू 220 में नहीं हाफ ईयरली है नहीं देखिए इसके अंदर ये क्वेश्चन में ये लोग मिस यूज कर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का टर्न है बारह करोड़ रुपए का बारह करोड़ रुपए का टर्न है और टर्नओवर uh, अच्छा खासा स्टॉक भी अच्छा खासा होगा स्टॉक देखने गई नहीं स्टॉक देखने गई नहीं उसके लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया बिना कुछ चेकिंग किए इन्वेंट्री में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा कर ले रहे मशीन देखने गई नहीं ठीक है तो आपको समझाना है आप उसका आप बताइए ठीक है रिटर्न रिप्रेजेंट का मतलब बताइए और फिर बताइए कि यार आप मिस नहीं कर सकते इसको आप दूसरी ऑडिट प्रोसीजर एविडेंस को दबा नहीं सकते सब्सिट्यूट नहीं कर सकते ये अपने आप में सफिश अप्रोपर एविडेंस नहीं होता आपको तो करना चाहिए था फिजिकल वेरिफिकेशन आपको करना चाहिए था आप समझा सकते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में सभी बातें फिर बताना चाहिए कि फिजिकल वेरिफिकेशन आपने अटेंड करना चाहिए एस एफ फाइव के हिसाब से आप अटेंड करिए कंडीशन आप देखिए ऑब्जर्व करिए सब जिम्मेदारी में था आपके मशीन को भी जाकर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना चाहिए था आपने ऑडिट प्रोसीजर्स और एविडेंस को आपने डंप किया है इकट्ठा नहीं किया है सबूत की कमी माना जाएगा इसको ठीक है और अगर ये केस डिस्कशन है गलत किया है ऑल्टर ने एस फाइव का मिसयूज किया है बराबर फॉलो नहीं किया ये कंक्लूजन है उसने गलती की है

आपको, तो आपको, आपको क्यों लिख कर चाहिए अलग ही बहस कर रहा है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहता ऐसी फिर बाद में जाकर बोल रहे की ठीक है डिस्कशन से काफी उनके डाउट क्लियर हो गए लेकिन डेट और पीरियड कवर को लेकर अभी भी ठीक है आपकी एडवाइस मांगते मतलब मैं बोलना तो कहानी बहुत कुछ बता रहे है। कहानी बहुत कुछ बता रहे है। अंदर अंदर की बहुत सारी कुछ कुछ बातें बता रहे है वो उसके अंदर लेकिन आखिरी में जाके डेट के बारे में पूछ रहे इसलिए आपको आखिरी दो तीन लाइन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है तो साइन भाई आखिरी आखिरी में होना चाहिए था साइन करने के जस्ट पहले और साइन पहले एज नीर एज प्रैक्टिकल ताकि सभी चीजें कवर हो जाए लॉजिक के साथ आप बताइए और लेकिन साइन करने के पहले होना चाहिए एविडेंस और एविडेंस तो पहले होना चाहिए जितने भी साल आप रेफर करते हो सबके लिए लेना चाहिए और भले ही मैनेजमेंट बदल गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भले ही मैनेजमेंट बदल गया उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है है ठीक ये भी वो एक खुद अपने मन से बोल रहे है, जरूरी नहीं था ओवर पीरियड ऑफ टाइम कभी हम रिप्रेजेंटेशन ले चुके हैं लेकिन हमको और बातें लिखवा कर लेनी है कुछ बदल के लिखवा कर लेनी है तो हम उनको डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आप रिकनफर्म कर लीजिए अब अपडेटेड आप मुझे नया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये तो हर जगह पे एस सच पॉसिबल पूछा नहीं था यार फिर भी उन्होंने उसको डाल दिया फिर भी दे हैव इंक्लूड दैट ठीक है नहीं भी लिखोगे मेरे साथ चलेगा उसका समरी दिया हुआ है रिफ्यूजल रिफ्यूजल करोगे तो क्या करोगे भाई रिफ्यूजल करोगे तो हम पढ़ कर डिस्कस करेंगे आप बार बार मना कर रहे हैं आपके ऊपर डाउट हो रहा है मेरे को एक्शन और ओपिनियन पे इंपैक्ट लेना पड़ेगा एमसीक्यू है फाइव एटी पॉइंट वन यहां पर मैनेजमेंट बोलता है जो तूने मांगा सब दिया तेरे सब काम किया तेरे को सब पूरा एक्सेस दिया सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ दिया अब तेरे को लिखकर क्यों चाहिए मेरे को नहीं देना तेरे को लिखकर कुछ भी बेसिकली ही इज रिफ्यूजिंग रिफ्यूज कर रहा है नहीं देना मुझे चीजें लिखकर ठीक है अब ऐसे केस में अगर रिफ्यूजल है उसको समझाइए और बार बार मना क्यों अगर आप उस पर डाउट और री करिए ठीक है ऑल्टरनेटिव एविडेंस लेने की कोशिश करिए मिला तो ठीक नहीं तो ओपन पे देना पड़ेगा तो अग्री विथ मैनेजमेंट तो गलत हो जाएगा डॉक्यूमेंट दैट मैनेजमेंट ने ओरल एक्सप्लेन दिया ऐसा गलत हो जाएगा अनमोडिफाइड गलत हो जाएगा आंसर सी है ऐसा अगर होता है डिस्कशंस होंगे फिर से सोचना पड़ेगा यार ये सही में बंदा भरोसे है ना और अप्रोपरेट एक्शन आपको लेना पड़ेगा अल्टरनेटिव एविडेंसेस नहीं मिल पाए तो ओपिनियन पे इफेक्ट आएगा